इंक्यूपेटर का क्या मतलब होता है तो कॉन्सेप्ट ये था कि जब इतने लोग छोड़ के जाएंगे तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने और ज़्यादा जो है वो ग्रो किया बच्चा आता है तो उसको इंक्यूबेटर में कितने अर्से रहना चाहिए एटलीस्ट तो हमारे साथ तो जब भी कुछ बुरा हो जाता तो हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते ना वो कहते मैं तो बदला नहीं सकता अल्लाह तुझसे बदला लेगा तो अल्लाह को बदला लेने के लिए रखा होगा okay. अगर आप रुपया भी लगा रहे हैं ना तो आप कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरा लॉस हो आपको ना वो जो पर्पस तो शायद आप आइडेंटिफाई कर लें लेकिन पैशन बनने के लिए ना वो चीज़ आपको क्लिक करें अगर कोई बंदा कहेगा ना कि यार फ़ोन करके और बहुत अच्छा दोस्तों का अच्छा या मुझे पचास हज़ार रुपये की जरूरत ये इमरजेंसी तुम दे दो और हमारे पास नहीं होगा या हम नहीं देना चाहेंगे हम इनकार नहीं करेंगे लटका के रखेंगे हम दूसरे बंदे को होप लाजमी देंगे अगर कॉरपोरेट्स रही नहीं और उनको प्रॉफिट ना हुआ और जो कम्यूनिटीज़ हैं उनको आप वो चैरिटी करते रहे तो फिर भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे पाकिस्तान में हम लोग जो है ना कलेक्टिविज्म uh, है मिलजुल के रहते हैं लेकिन है? है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बैक तो चैनल, गेन आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर गुलफाम आज हमारे साथ मौजूद है इनका वास्ट एक्सपीरियंस है इनक्यूबेशन में और एजेंसी ग्रोथ पे आज हम इनसे डिटेल में बारे में डिस्कशन करेंगे और एक और बात ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं तीन लाख से ज़्यादा व्यू हैं लेकिन इतने सब्सक्राइबर नहीं अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलेगा और पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका यहाँ आने का प्लेयर मेरी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ बैठूँ और फाइनली मैं आज आपके साथ बैठा हुआ क्योंकि मैंने आपको बड़ा देखा है एजेंसी ग्रोथ पर एजेंसी ग्रोथ ग्रोपे तो लेटर ऑन फर्स्ट में चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे इंक्यूबेटर का क्या मतलब होता है ओके okay, इंक्यूबेटर को हम ना दो जगहों के ऊपर नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं आ, अगर आप हॉस्पिटल्स में देखें तो हमारे पास इंकूबेटर्स होते हैं जब बेबीज़ की अब नॉर्मल ग्रोथ्स होती हैं तो वो इंकोबेटर्स में रखा जाता है उसका पर्पस ये होता है कि उनके जो चांसेस ऑफ डेथ हैं उनको मिनिमाइज किया जाए और चांसेज ऑफ सर्वाइवल को इन्हेंस किया जाए तो सेम इज़ ए परपज़ ऑफ़ इंकूबेटर्स जब वो बिज़नेस इंकोबेटर्स का कि वहाँ अगर कोई भी बिज़नेस अपने स्टार्टअप फ़ेज़ में होता है या स्टैंड फ़ेज़ में होता है तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो सर्वाइव कर सके तो इंकोबेशन एक ऐसी प्लेस है जहाँ वो तमाम के तमाम रीजन जिसकी वजह से उसके चांसेस ऑफ सक्सेस जो हैं वो कम होते हैं उनको इंकॉर्प्रेट करती है ताकि उसके चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ा सकें फॉर एग्ज़ाम्पल नेटवर्किंग है कैपेसिटी बिल्डिंग है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है कंडूसिव uh, इन्वामेंट है क्लाइंट एक्जिशंस हैं जो ग्रोथ है तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वहाँ एड्रेस किया जाता है दूसरा अगर आप देखें तो ये पोट्री इंडस्ट्री में इंक्यूबेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किया जाता है तो वहाँ ये है कि आपकी जो पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जर्नी है उसको एक्सपेडाइट जो है वो कर दिया जाता है तो वो प्रोसेस जो शायद तीन महीने में चार महीने में कंप्लीट होना होता है वो दो हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा इनक्यूबेशन का जो पर्पस है वो भी अगर आप उसको हैचिंग से जो है वो रिलेट कर सकते हैं अक्सर इनक्यूबेशन अपने आप को हैचिंग के हवाले से भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये होता है कि जनरली अगर जर्नी जो है वो छः साल का है या पाँच साल का है, चार साल का है तो वो रिड्यूस्ड हो के वो एक साल दो साल के अंदर जो है वो चला जाता है ये आइडिया आया कहाँ से मतलब कि मुझे से ये मुझे सबसे पहले तो जानना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड हुआ था ओके okay, कॉन्सेप्ट uh, आया ये सिलिकॉन वैली से और अभी भी अगर आप उसका स्टार्टअप्स का इंकोबेशन के हब देखें ना तो आपको सिलिकॉन वैली के अंदर ही जो है वो नज़र आते हैं सिलिकॉन वैली इज़ अ पार्ट ऑफ कैलीफोर्निया जैसे नॉर्थ ऑफ सैन फ्रांसिस्को जहाँ नाइनटीन के अंदर एक प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ आए और उन्होंने कुछ काम किया और चलते चलते वो फिर उसकी जो इकॉनमी है उसने इतना ज़्यादा ग्रो किया कैलिफोर्निया में कि वो अब कई कंट्रीज़ की कलेक्टिव इकोनॉमी से ज़्यादा हैं तो यू कैन नेम दी टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड यू विल फाइंड दम इन सिलिकॉन वैली सो इवन मैनी मेनी ईयर्स बैक वैन आई वॉज़ अ स्टूडेंट आई वॉज स्टडिंग केस स्टडी और हाँ उसमें मैंने पढ़ा कि जो uh, उसका टर्न ओवर था uh, उस एरिया का डैट वॉज ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर डे मीन के uh, एक दिन के अंदर चौबीस से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के या तो अपने नए स्टार्टअप बनाते थे, थे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते थे तो अपेरेंटली तो कॉन्सेप्ट यह था कि जब इतने लोग छोड़ के जाएंगे तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने और ज़्यादा जो है वो ग्रो किया सो सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो उसकी सर्वाइवल के ना तीन बड़े हैं और कई कंट्रीज़ में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की वो कर नहीं पाए एक तो वो लोग अपने अपने बिजनेसेस में काम करते थे और ढाबों पे आके बैठते थे और डिस्कस करते थे कि मैं तो ये कर रहा करूँ मैं ये कर रहा करूँ मैं ये कर रहा करूँ एंड देन वो वो डिस्कस करते थे तो वो डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी लोग मिलते थे तो वो कहते थे ये हो सकता है तो जो इनोवेशन है वो क्रिएट हुई फिर वहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने कहा कि अगर आप हमें पाँच मिनट में कन्विंस कर देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं तो हम आपको हंड्रेड मिलियन फाइव मिलियन वन बिलियन टू बिलियन थ्री बिलियन डॉलर्स जो हैं वो दे सकते हैं सो so, एक इन्वेस्टर साए उधर से ये एक, एक सिस्टम जो है वो डिवेलप हुआ और तीसरा ये है कि लोगों को लगता था कि अगर वो अच्छा कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपने स्टार्टअप्स के ऊपर बढ़ना छोड़ करते तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स थे जो कि ऐसा ऐसा इवॉल्व होते चले गए और फिर इंकूबेशन एक फॉर्मल प्रोसेस आता गया कि जहाँ इतने ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं तो उनको एक ऐसी स्पेस देनी चाहिए जहाँ वो फ्लॉरिश कर सकें और एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो मौजूद होना चाहिए और उसके अंदर जो इनोवेशन है डेट वॉज दी कोर एंड द न्यू आइडिया वज द कोर ऑफ़ दैट इंकोबेशन सिस्टम जो कि अभी तक अगर आप ग्लोबली देखें और खासतौर पर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जितने भी इंकोबेशन सेंटर्स बने टू थाउजेंड के अर्ली टू थाउजेंड में बने और उसके बाद से फिर वो replicate होते रहे तो वो तमाम के तमाम भी ज़्यादातर उन्हीं को फॉलो करते हैं इसलिए को मैं सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आपको किस चीज़ ने ज़्यादा इंस्पायर किया मतलब हिस्टोरिकल डेटा में आप जैसे आप इस इंडस्ट्री में आ गए इंक्यूबेशन सिस्टम एक आप चला रहे हैं तो आप किस चीज से इंस्पायर्ड थे मतलब आपको क्या चीज़ अच्छी लगी उसके अंदर अच्छा मैं तो इंकोबेशन इको सिस्टम में हूँ आखिरी बारह साल से uh, मैंने पाकिस्तान का लार्जेस्ट इंकूबेशन जो है वो बनाया गवर्नमेंट uh, साइड पे इट वाज द लार्जेस्ट बिग आई कंसीव्ड एन आइडिया और उसके बाद मैंने उसको प्लानिंग कमीशन से मैंने ऑलमोस्ट फंडिंग uh, ली तीस uh, करोड़ तक की उसके ऊपर विन की और उसके बाद फिर मैंने उसको पाकिस्तान का पहला सस्टेनेबल इंकोबेशन भी बनाया एंड डैट वॉज द इट वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग बिकॉज पाकिस्तान में तीन तरह के इंकोबेशन हैं जो गवर्नमेंट फंड करती है एक है यूनिवर्सिटी लेवल पर जिनको बिग खिलाया जाता है बिजनेस इंकोबेशन सेंटर डैट आर फंडेड बाई एच ई फिर दूसरे हैं एन आई सीज खिलाते हैं डैट इज़ नेशनल इंकोबेशन सेंटर आर फंडेड बाई इग्नाइट और तीसरे हैं टेक्नोलॉजी इंकोबेशन सेंटर टेक्स जो कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लाइक के पी आई टी बी और पी आई टी बी वगैरह से फंड या इस्पॉन्सर्ड जो हैं तो, तो ये तमाम के तमाम जो हैं गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर इंकोबेशन सेंटर्स चलते से थे तो ये कॉन्सेप्ट कभी किसी ने नहीं दिया था इंकोबेशन में कि जी इंकोबेशन को सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज फंडिंग एक मिलियन डॉलर से शुरू हुआ पहला एन आई सी इस्लाम आबाद और उसके बाद अठारह करोड़ सत्तर करोड़ यमन उससे भी ज़्यादा जो हैं वो एक बजट्स के ऊपर अप्रूव होते थे और फिर उनकी एक लाइफ होती थी पाँच साल के बाद वो प्रोजेक्ट किसी और को दिया जाता था तो हमने कहा कि फ़ंडिंग वहाँ होनी चाहिए जहाँ वो सस्टेनेबल हो और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर पहले ए ने वो दिया और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया और रेप्लिकेट किया और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ फिर जब इमरान ख़ान की गवर्नमेंट आई तो स्टार्टअप पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव हुआ हमने उसकी सॉफ्ट लॉन्च की अपनी यूनिवर्सिटी में और हमने सेवेंटी फोर जो टॉप टीयर लोग थे फोर्टी फोर यूनिवर्सिटीज से और तीन एन से उनकी कैपेसिटी बिल्ड की अपॉन इंकोबेशन मैनेजमेंट सिस्टम के आपने इंकोबेशन को जो है वो चलाना कैसे तो द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम डैट एरिया जहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी के इंकोबेशन को कंसीव किया बिल्ड किया और फिर मैं एज अ डायरेक्टर इंकुबेशन मैंने उसको जो लीड किया सर्वाइव किया था इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज कि हमारे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के इंकूबेशन के जो डायरेक्टर्स थे देवर आर इंक्यूबेटिज़ और हमारे पास ऐसे भी आते थे कि आप हमें अपनी टीम के साथ हम अपने वाइस चांसलर्स को लिख लेते हैं तो आप हमारी टीम के साथ हमें बैठने दें कि दो हफ़्ते तीन हफ़्ते की जैसे इंटर्नशिप्स होती हैं ताकि हम लोग उसको रेप्लिकेट कर सकें और जब ए के पास कोई यूनिवर्सिटी नाइनकोबेशन खोलने के लिए आती थी तो वो ये कहते थे कि आप आई विल नॉट नेम द यूनिवर्सिटीज़ लेकिन आप तो आप उन लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ना जाएं, बिकॉज़ उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और तमाम चीज़ें हैं लेकिन आप जो हैं वो नमल में बी आइकन के पास चले जाएं, बिकॉज उन्होंने बहुत लीन मॉडल के साथ अपने आप को सस्टेनेबल भी किया और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल डैट्स वाई एट दैट टाइम द कोर टीम ऑफ स्टार्टअप पाकिस्तान उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि बिकम द पार्ट ऑफ आवर टीम और फिर हमने एज अ टीम पूरे पाकिस्तान में उसकी सॉफ्ट लॉन्च भी की और फिर पाकिस्तान ने इंक्यूबेशन नेटवर्क भी बनाया सर मैं चाहता हूँ शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले वो अपना दें क्योंकि तो हम डायरेक्ट इंक्यूबेशन पर आ गए ना तो बिफोर जर्नी आपकी इनक्यूबेशन से क्या थी अच्छा इंकोबेशन से भी आ, पहले थोड़ा सा थोड़ी सी आप अपना okay. बायोग्राफी के साथ ओके भाई शॉर्टली मैंने बी एस कम्प्यूटर साइंस किया विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम यू उसके बाद uh, मैंने आई में एक साल प्री एक्ट्स किए अपनी पी के इन द बी जी यू बहुदिन यूनिवर्सिटी एम एस मैंने किया मोहम्मद अली जिनाह यूनिवर्सिटी से uh -huh. और फिर पी एच डी मेरा था कस्ट से कैपिटल यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नो एम एस मेरा एच आर में था पी एच डी मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी में थी तो आई वॉज अ फर्स्ट पाकिस्तानी हुज़ पी एच डी इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी तो मैं इस वजह से लोग मुझे अक्सर इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सोशल साइंटिस्ट भी कहते हैं uh, जहाँ तक है टू थाउजेंड सिक्स में मैन आई वेंट टू इस्लामाबाद तो वहाँ मैंने एक uh, जिना कंसल्टिंग थे हमारी यूनिवर्सिटी में एंड डेट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया मैं पहले जर्नी बता दूँ तो फिर आई विल कम टू डेट पॉइंट तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और आफ्टर थ्री इयर्स आई मेड माई ओन फाउंडेशन विद अ नेम लाइफ डेवलपमेंट फाउंडेशन और उसको फिर जब तक हमने नमल में ये और एक और इनकोवेशन नहीं इस्टेब्लिश किए थे उस वक्त तक पे मैंने उसको रन किया सो अराउंड टू थाउजेंड सिक्सटीन डेक्टर चेंज हुए और आ, एक ऐसी हो रहा था एड्रेस होता है नॉर्मली मिलिट्री का ये असूल है कि जब भी कोई नया डायरेक्टर आता है तो वो फिर हर डिपार्टमेंट को विजिट करता जी, है तो जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनको कहा कि दी दिस इज आई एम द फैकल्टी मेम्बर दिस इज़ माई प्रोफाइल दिस इज़ माई कंपनी प्रोफाइल सो इफ़ वन फैकल्टी मम्बर कैन डू ऑल दिस तो वी हैव वन ट्वेंटी पी एच डी डॉक्टर्स वन थाउजेंड फैकल्टी मैंबर तो जस्ट बिलीव हम क्या कर सकते हैं सो मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए कोई रिसोर्स नहीं चाहिए तो मुझे सिर्फ पॉलिसी चाहिए और बस मे एक कमिटमेंट आप करेंगे जो पैसा जिस मकसद के लिए आएगा उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा उन्हें कैट डील मैंने कट डन तो देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट तो फिर मैंने अपनी फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया और फिर मैंने के प्लेटफॉर्म से फिर जितने मेरे पास प्रोजेक्ट आ भी रहे थे वो मैंने फिर और के प्लेटफॉर्म से जो है वो करना शुरू कर दिया सो इट वॉज वन वॉज डेवलपमेंट सेक्टर एक्सपीरियंस वेयर आई वर्क फॉर वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक यू एस एड जायका सीडा प्लान इंटरनेशनल और इट इज़ अराउंड ट्वेंटी सेवन इंटरनेशनल एजेंसीज एंड नेशनल बैंक ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए मैंने uh, उस एक अरसे में जो है वो काम किया दूसरी साइड पर फिर जब गवर्नमेंट में आया तो आई एम ए प्रोफेसर डॉक्टर तो एक तो एकेडमिक तो एक जर्नी जैसे होते हैं लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर बनते हैं लेकिन दूसरी साइड पर मैंने जो और इंकोबेशनस को जो है वो लीड किया और उसी इंकोबेशन से फिर चलता हुआ फिर देखा जाए तो फिर सोशल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी क्या है तो ये भी वही है है तो घूम के बाद वही ये भी रिस्पॉसिबिलिटी दे रहे हैं ना कॉर्पोरेट वो जरा कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी होती है वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं ये आप एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो आ रहा है बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं से उनको गाइड कर रहे हैं सोशल तो रिस्पॉसिबिलिटी तो आ गया कॉर्पोरेट हटा देते हैं इसमें से खाली अब देखें वो बिल्कुल कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते बिकॉज वो फिर थोड़ी सी ज़्यादा एकेडमिक हो जाएगी लेकिन हम लोगों ने ना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो चैरिटी है उसको सी एस आर कहा जाता है कि आपने रमज़ान में खाना खिला दिया या देगे पकवा दी या कुछ ऐसा कर दिया या बहुत उनकी शादियाँ करवा दी और उनको लोग सी एस आर कहते हैं तो इट इज़ जस्ट टू परसेंट ऑफ द सी एस आर सो बाकी अगर हंड्रेड परसेंट देखें तो उसमें जो उसका गवर्नेंस का इकनॉमिक का सोशल का इन्वायरमेंटल का एलिमेंट्स हैं तो वो कवर नहीं होते और इस वजह से होता है तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑफ द सी एस आर इज सस्टेनेबिलिटी कि आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर शेल्ड वैल्यू के तहत वो कॉन्ट्रीब्यूशन करें जिससे आपका बिजनेस भी सस्टेन करें और वो कम्युनिटी भी सस्टेन करे और उसको अगर मैं वन लाइनर कहूँ कि देखें अगर कॉरपोरेट्स अमीर होती गई और आवाम गरीब होती रही तो फिर भी उनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा अगर कॉरपोरेट्स रही नहीं और उनको प्रॉफिट ना हुआ और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आप वो चैरिटी करते रहे तो फिर भी वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो जो सर्वाइवल है इट इज़ ओनली पॉसिबल जब वो विन विन जो है वो होता है और कैपिटलिज्म इकॉनॉमी में क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है वो सोशलिस्ट इकॉनी में ज़्यादा है तो इस वजह से फिर उनके लिए सी एस आर जो है का एक कॉन्सेप्ट निकला और उसकी एक लंबी कहानी है दो तीन वो तो बहुत लंबी स्टोरी है और काफ़ी लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ हम अपने उस पर आ जाते हैं इंक्यूबेशन पे इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी होते हैं लाइक जैसे आपने बताया थ्री इंस्टीट्यूट है एन आई सी बताया आपने एंड तेन सेकेंड एंड थर्ड तो, तो इसमें हर इंक्यूबेशन सिस्टम में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं या एनी वन कैन गो किसी भी एरिया में कोई भी जा सकता है ओके देखें एक जो है ना जैसे बिक्स हैं तो जो बिक्स हैं वो हर यूनिवर्सिटी का अपना इंक्यूपेशन सेंटर है और वो मोस्टली अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही प्रमोट करता है ठीक है तो और आउटसाइडर फोर्टी वो, वो कुछ करते हैं अब क्योंकि सस्टेन करने के लिए या थोड़ा सा अच्छा कल्चर इन्वामेंट को लेने के लिए बट फोटी के अराउंड अप्रूव्ड हैं और देर अराउंड एटी और एटी प्लस प्राइवेट सेक्टर्स को भी मिला के, के इंकोपेशन सेंटर्स जो हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ तक हैं एन तो वो अलाउ करते हैं जनरल पब्लिक को सो वो और डेट डेट्स ऐ सेकेंड ईयर जहाँ उनके पास बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं फंडिंग्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसोर्सेज़ हैं बड़े कॉर्पोरेट्स ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर आते हैं दे क्लेम के हम लोग बहुत बड़ा एक इम्पेक्ट पैदा करेंगे बिकॉज हमारे पास ग्लोबल इंटरनेशनल और नेशनल बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो एन आई सीज़ का जो मशहूर है तो बंदा आएगा और टर्न अराउंड हम लोग कर लेंगे अच्छा वहाँ देन दे वेलकम लॉट ऑफ आइडियाज़ तो वहाँ एक बंदे के पास ये चॉइस होती है कि वो कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर अप्लाई करे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी है और वो इनकोबेशन उनको फैसिलिटेट जो हैं वो करेंगे और वो इग्नाइट की फंडिंग्स हैं और नॉर्मली वो वो फंडिंग है कि जो टेल्कोज हैं उनके जो प्रॉफिट है उसके रेवेन्यू का एक ख़ास परसेंटेज वो देते हैं आप उसको सी एस आर कर ले बेशक है ना तो वो दे आर बाउंड टू गिव इट टू द गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है उस परसेंट का एक हिस्सा से इग्नाइट चलाती है और उस इग्नाइट से वो एन चलते हैं इस वजह से दे हैव ह्यूज फंडिंग तो वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती हैं लेकिन वो टेलकोस की फंडिंग है इसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से ज़्यादातर आते हैं तो उन्होंने अपने इंकोबेशन सेंटर्स बनाए पहले ही पंजाब ने बनाया पीआईटीबी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने प्लान नाइन और प्लान एक्स वगैरह उसी को फिर रेप्लिकेट किया कि ने उन्होंने ध्रूशल बनाया तो अभी तक बलूचिस्तान में उस में वो इतने पॉपुलर नहीं है और नहीं बन सके अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना अपना हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं दे आर डूइंग गुड जॉब अभी कोई सक्सेस स्टोरी है में यार वो अच्छा बड़ी कंट्रोवर्शियल ये चीज़ें खिलाती हैं लेकिन जैसे हैं और मैं बत, आपको बताऊँ वो आसान है वो क्रिटिसिज्म करना आसान है लेकिन इस इकोसिस्टम्स के अंदर एवरीवन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड दे आर प्लेइंग देयर ओन रोल लेकिन इतना आसान नहीं है कि चीज़ें कनेक्ट हो जाएं क्योंकि बिज़नेस की सक्सेस में ना बहुत से फैक्टर्स और आमामिल जो हैं वो मौजूद होते हैं और दे आर वेरी इफ्स एंड बट्स ऑल्सो लेकिन येस वी हैव द स्टोरीज़ और इस पर भी कंसर्सिस है कि जितनी स्टोरीज़ होनी चाहिए उतनी नहीं है और ये कहना बड़ा आसान है कि नहीं होनी चाहिए लेकिन क्यों नहीं होती उसमें मुझे लगता है कभी भी किसी भी एक सक्सेस में कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता और कभी भी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती तो उसमें भी कोई एक या दो वजह नहीं होती तो दे आर सो मैनी रीज़न्स जिनकी वजह से अगर डिस्कस करना चाहेंगे आपको देखिए मुझे लगता है कि जो सक्सेस है ना वे एक एक एको सिस्टम में होती है मतलब अगर सिलिकॉन वैली की हम बात करते हैं ना सिलिकॉन वैली इज़ इको सिस्टम पाकिस्तान ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस में ठीक है ना पहले एक सौ चालीस मुल्कों में नहीं आता ठीक है ना ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस मुश्किल होती जा रही है आप कहते हैं इंकोबेशन सक्सेसफुल होते जाएँ खैर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो पाकिस्तान में अगर बिजनेस उसकी सर्वाइवल जो है वो वो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर जो है वो चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे दूसरा बात यह है कि आप जब इनोवेशन करते हैं मतलब दो, दो, दो एक फंडामेंटल डिफरेंस जिसकी वजह से मैं उन इंक्वेशन को छोड़ के ई कॉमर्स इंक्पेशन को लिया वो ये था कि दे वर फोकसिंग ऑन इनोवेशन अब उसमें जो जो बेस थी ना वो ये थी कि आप एक बहुत ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आए जो कि यूनिकॉर्न बन सके एंड यूनिकॉर्न मीन अ बिलियन डॉलर कंपनी तो पाकिस्तान में आज तक तो, तो बनी नहीं सो so, और uh, कोई ऐसी कंपनी मतलब दिखा देंगे वो कहेंगे हाँ इसका पोटेंशियल है कि ये अगले पाँच साल में बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी तो इट इज़ हार्ड टू डिफेंड फॉर एनी वन के हाँ यार ये देखें ये, ये बिलियन डॉलर कंपनी जो बने वो बनने भी जा रही है और जब आप कहेंगे नहीं आइडिया आपका वो बिलियन डॉलर का होना चाहिए तो आप बिलियन डॉलर की तो आप लोन लेते हैं दूसरी कंट्री से ठीक है ना तो आपके मुल्क में वो बिलियन डॉलर की इकानमी या वो वो मतलब इट लुक्स वेरी सेक्सी बट ऐसा वो पॉसिबल नहीं है तो आपको रियलिस्टिक होना चाहिए तो अब वो जो आइडियाज़ आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हम नई ऊबर बनाएंगे नई क्रीम बनाएंगे नई टेस्ला बनाएंगे समथिंग सिमिलर ठीक है ना हाँ तो वो जो बच्चा आता है वो देता है और जो आगे आ, मेरे जैसे लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं वॉ वटा आइडिया तो आइडिया की वो जो टिक्स होती है ना पॉइंट्स वगैरह उनमें वो सारे के सारे होते हैं और ज़्यादातर तो क्लास के जो टॉपर्स हैं ठीक है ना वो वो आइडियाज़ को विन करते हैं बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं उनकी पिच अच्छी होती है उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है वो गूगल से डाटा ज़्यादा अच्छा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड या रेप्लिकेट भी कर लेते हैं उनकी इसकी प्रैक्टिस होती है लेकिन जो ऑन्टरप्रीनियोरशिप है ना वो रेगर का नाम है वो ग्रिट का नाम है वो रगड़े खाने का नाम है वो फुटपाथ पे सोने का नाम है ठीक है ना तो वो वो वाला बंदा ना जो ज़्यादातर आपके पास टॉपर्स होते हैं, न, वो होते हैं। ना वो अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं ठीक है वो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं अच्छे एम्प्लॉय नहीं होते तो वो ऑन्टरप्रेन्योर नहीं होते ठीक तो जब वो उनको इनको में डालते हैं तो दो तीन महीने के बाद वो फारे हो जाते हैं तो है। बिल्कुल उनकी प्योरिटीज़ बड़ी डिफरेंट होती हैं तो उनको वो जगह तो अच्छी लगती है लेकिन उसके जो चैलेंजेस हैं जो स्ट्रगल हैं वो वो होते हैं तो वो तो उस आइडिया को विन करने के लिए बिकॉज वो टॉपर्स होते हैं वो उस बिज़नेस प्लान आइडिया को विन करने के लिए तो होती हैं है। वो वो नंबर वन बनते हैं वो उस आइडिया को ओन नहीं करते बिकॉज उस आइडिया को उन्होंने जो कंसीव किया होता है ना वो उस एड को देख के क्या होता है जिसमें आती है कि जी मैंने इस बिजनेस बिजनस सेंटर में या एन में या टेक्नोलॉजी इंकोपेशन सेंटर में ये आपके पास प्रेजेंटेशन पेचेज़ हो रही हैं उनमें एन आई स्टिक्स या बिक्सा कसूर नहीं है लेकिन वो जो बच्चा है ना वो ही और शी वांट्स टू बी नंबर वन इन दैट और उसके ऊपर अक्सर फंडिंग्स भी होती हैं पैसा भी मिलता है प्राइज भी मिलते हैं तो वो लोग जिनको वो विन करना आता है ना वो जाते हैं लेकिन उन्होंने आइडिया कंसीव किया होता है उस ऐड को देख के तो जिस एड को देख के उन्होंने आइडिया कंसीव किया है तो उसकी जो फैसिनेशन है वो तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है लेकिन अगर आपका अपना आइडिया है आपकी अपनी औरिजनैलिटी है ठीक है ना आपने वो खुद सोचा है आपने खुद कंसीव किया और आपको उसकी क्लैरिटी है और आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं ना वो जो रियल आइडिया है वो नहीं आता वो नॉर्मली नहीं है यहाँ पे वो नहीं है वो नहीं आते और वो नॉर्मली वो लोग जो कर रहे होते हैं ना वो फिर इनको में नहीं जाते वो फिर अपना करना शुरू कर देते हैं वी हैव सो मेनी सक्सेसफुल एग्जांपल्स लेकिन लोग बच्चे कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन वो फिर वो फिर इस मा, मामला में नहीं चलते मतलब उनके लिए नहीं मैटर कि आप ए में रह रहे हैं या आपको माहौल कितना अच्छा मिल रहा है या महीने के कितने पैसे मिल रहे हैं बीस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उन्होंने अगर करना है तो फिर उन्होंने करना है तो उनकी रगड़ ग्रिट वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर होती हैं सो so, वो एक फंडामेंटल डिफरेंस जो मुझे लगता है जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए कि हमारे इंक्यूपेशन जो है ना वो इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं जो कि शायद ठीक हो बट मैं मैं लेट्स एग्री ऑन द डिसएग्रीमेंट मुझे थोड़ा सा नेशनल लेवल पे किसी इंडिविजुअल लेवल पे यस yes, एक इंकोबेशन के वाले से देखूँ तो मैं कहूँगा ठीक है बट नेशनल लेवल पे मुझे लगता है कि वो चैलेंज है जिस वजह से हम जो ई e कॉमर्स के इंक्पेशन में हम क्लेम करते हैं और वी आर वेरी सर्टन बेस्ड अपॉन द डाटा कि वी आर फार सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू दैम इन इन टर्म्स ऑफ अगर हम वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट इस इंकोबेशन इकोसिस्टम पर लगती है और कितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो निकलती हैं हमारे पास इसका मैट्रिक्स डेटा कोई नहीं होगा इस वक्त क्या नहीं नहीं है है अभी क्या है अभी हमने एक आ, 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 पाइट की स्टडी थी आ, व, 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 उसमें आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम और हम लोगों ने तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स और उनका भी एक एनालिसिस और तमाम का तमाम किया था उसका भी किया था सो यस वो डाटा तो है

और फिर आपके पास मार्केट छोटी है जब बाहर वाला बंदा भी आता है तो वो भी कहता है ना कि मार्केट छोटी है तो अगर किसी का आइडिया सक्सेसफुल भी होता है तो मैक्सिमम उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन सिलिकॉन वैली होती है वो यहाँ से आइडिया लेता है वो कहते हैं हाँ यार यहाँ तो ये यह नहीं चलने वाला मैं बाहर जाके कर लेता हूँ वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है वो मिलियन डॉलर कंपनी भी बना सकते हैं यूनिकॉर्न भी बना सकता है लेकिन पाकिस्तानी नेशनल इकॉनॉमी को उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आइडिया चला गया आपने इन्वेस्टमेंट्स की कि एक आइडिया निकले जो आपके इकानमी को सस्टेन करे तो वो आपकी इकानोमी को तो नहीं सस्टेन करेगा वो जाके अमेरिका की इकानमी को सस्टेन कर लेगा तो अगर वो उसने उस इकानोमी को सस्टेन करना है और दिस इज़ दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट डैट्स वाई दे आर फंडिंग तो डैट्स देयर कॉल बट अगेन वो ऑब्जेक्टिव फिर अटेन जो है वो होता नहीं वो समथिंग आइडिया कुछ सिमिलर अगर वो डिस्कवर भी कर लेता उस इन्वायरमेंट में उस कल्चर में तो उसको कोई आइडिया देता भाई तू यहाँ क्या बैठा हुआ कर रहा है हाँ बिल्कुल विसी, आएंगे वो उसको उठा के ले जाएंगे तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है हमारे पास हाँ वो ठीक है बच्चे के पास तो राइट है ना वो पाकिस्तान के नाम पर इधर बैठा रहे और खुआर होता रहे तो बेटर है उसके पास चांस आएगा अपॉर्चुनिटी आएगा तो ही मसको तो फिर आप इसको फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं मतलब इंक्यूपेशन सिस्टम को के सर्वाइव करता है या ये ऐसे ही चलता रहेगा नहीं म, मुझे अच्छा ओके देखिए मैं मैं तो खुद इंक्यूपेशन का उस इको का पार्ट हूँ और मैं रहूँगा मे बी टिल माई डेथ जितनी भी मेरी जिंदगी है सो और आई एम वेरी ओपन सो uh, so, मैंने क्या है कि एवरी वन इज़ डूइंगज़ बेस्ट अगर बाहर से लोग देखते हैं ना तो क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन मैंने देखें मैंने एनआईसिस देखे हैं मैंने uh, ये बिक्स देखे हैं मैंने टिक्स देखे हैं मैं इनकी लीडरशिप से मिला हूँ उनकी टीम से मिला हूँ दे आर द आउट लायर्स मतलब अगर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल्स अगर आप देखें दे आर डूंग व वेरी वंडरफुल जॉब दे आर द ग्रेट पीपल्स लेकिन आप ना ऐसा नहीं होता कि आज आप किसी भी आइडिया को शुरू करते हैं और आप कहेंगे जो वो 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 मुल्क को टर्न अराउंड कर देंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना तो उसमें सिर्फ एक इंकोबेशन का वो ठेगा ही नहीं तो हर चीज़ क्लेक्टिव एफर्ट से जो है वो करती है तो अपनी अपनी जगह के ऊपर एटलीस्ट वो कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है इसे कहीं गुना ज़्यादा करने की ज़रूरत है इससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों के आने की ज़रूरत है इससे कहीं गुना ज़्यादा और इनकोपेशन होने की ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उस वक्त के और थे आपके और हैं ऐसा ऐसा इवॉल्व कर रहे हैं एफर्ट कर रहे हैं लेकिन Uh, मैंने उनके अंदर ना वो पेन देखी है जो मेजॉटी की मैं बात करूँ तो मेजोरिटी इनको बेशा इस्पेक्टिव वो एन आई हैं बिग सेंटेक्स टिक्स हैं उनकी जो टीम्स हैं वो कुछ करना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए भी करना चाहती हैं वो स्ट्रगल भी करी हैं एफ़र्ट्स भी करी हैं सो देर लॉट ऑफ चैलेंजेस द प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस करती हैं तो डेप टेप भी है और भी चैलेंजेस हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बस उनके लिए ये कैजुअल चीज़ है सो so, एटलीस्ट इस इस एक चीज़ के ऊपर तो आई एम पेटी हैप्पी कि एटलीस्ट जौन सी भी सिलेक्शंस आती हैं या लोग आते हैं तो वो खुद को ख्वार करने के लिए आता है एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है और फौरन एक ये चीज़ देखना कि इंकुपेशन से मिसाल कोई कोई निकला है मिसाल के हमारे भी इंकोपेशन से आज बच्चा निकला है शायद अगले पाँच महीने में छः महीने में एक साल में सक्सेसफुल ना हो लेकिन जो लर्निंग ली है ठीक है ना आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो एक साल के बाद भी कुछ नहीं करे तो, तो वो फिर होता है कि एक टाइम के बाद उसने वो जो जो कुछ सीखा है ऐसा तो है नहीं कि उसने सीखा ही नहीं उसने कुछ किया ही नहीं तो वो जो सीखा है वो जो देखा है वो जो उसने दूसरों को बढ़ते हुए देखा है दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखी है उसकी इंस्पायरेशन देखी है उसकी लाइफ की अपनी जर्नी हो सकती है उसकी अपनी स्ट्रगल हो सकती है लेकिन वो ऊपर नीचे आके कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है कि वो कामयाब हो या इवन अगर वो कहीं जॉब भी कर रहा होगा तो ही विल बी मोर प्रोफेशनल वो ज़्यादा कमिटेड होगा वो प्रोफेशनल होगा उसको रिगर होगी वो डिफरेंट एंगल से समझ सकेगा उसको लगेगा वो इजी जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन तो है और मुझे लगता है कि हमें हाँ कलेक्टिवली हर फोरम के ऊपर उसको एक्नॉलेज तो करना चाहिए अच्छा सर एक बात बताएँ एक नॉर्मली एक बच्चा आता है तो उसको इंक्यूबेटर में कितने अर्से रहना चाहिए एटलीस्ट अच्छा ये डिपेंड करता है आप कौन से इंकोबेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि एक टेक इंकोपेशन है और एक स्किल इंकोपेशन है तो दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी को लेके चलते हैं और नॉर्मली जो ट्रैक इंकोबेशन है वो डिफरेंट तरीके से दोनों को डिफाइन कर देंडियल एक क्योंकि आपको तो experience okay. तो एक्सपीरियंस है ना समराइज सो सो अगर आप इंकोबेशन को ग्लोबली देखें ना ऑल दो अब हर बंदा चाहता है कि जो सी भी चीज़ हो फास्ट ट्रैक हो कम से कम टाइम के अंदर हो तो नॉर्मली तीन से चार साल चाहिए होते हैं एक इंकोबेशन में एक आइडिया को कंसीव करके ग्रोथ फेज तक जाने के लिए तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो बाकी जगहों के ऊपर इंकोबेशन की जो जर्नी है वो तीन साल की होती है उसमें पहले छः महीने या पहला एक साल इज इट स्किल राइट नहीं इट्स अ टेक बेस, जो टेक okay. टेकपेस है टेक टेकपेस के अंदर नॉर्मली इतना टाइम जो चाहिए होता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होता है जहाँ तक बात है स्किल uh, इंक्यूबेशन की जैसे हमारा है तो उसके अंदर जो एक इंकोबेटी uh, की जर्नी है वो एक साल की है जो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसका भी रीज़न बड़ा सिंपल है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हमने कोई ऐसी रॉकेट साइंस जो है वो बना लिया जिसकी वजह से हमने कहा है वो तीन साल की जगह एक साल के लिए हो जाए द ओनली रीजन इज़ के हम लोग जो हैं वो इनोवेशन पे फ़ोकस नहीं करते हैं हम इमिटेशन पे फोकस है करते हैं रेप्लीकेशन पे करते हैं हम कहते हैं कि आपने वो काम करना है जो आपके साथ वाला कर रहा है uh, उन इनकोवेशन में लोग कहते हैं कि आपने वो काम करना है जो दुनिया में कोई और नहीं कर रहा या एटलीस्ट आपके रीजन में कोई और नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली दोनों में टाइम डोरेशन जो हैं वो चेंज हो जाता है एक फीस क्या होती है अगर कोई में ज्वाइन करना चाहता है स्किल बता दें टेक्नोलॉजी बेस में तो वो देखें टेक की जितने भी हैं अभी तक ज़्यादातर वो दे ऑल आर फ्री बिकॉज दे आर गवर्नमेंट फंडेड तो इट्स नॉट अ फ्री बट दे आर देसर्ड एंड फंडेड बाई द गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो स्किल इंक्यूबेशन हैं उसको फंड नहीं किया गया उसका भी एक जो बेसिक रीज़न है ना कहीं ना कहीं जो स्किल है वो मैंडेट है नेफटेक का जैसे टेक है वो मैंडेट है, थी, है आई टी का आई टी का यूनिवर्सिटीज़ का तो यूनिवर्सिटीज़ भी उसमें आ गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड आया पहले पी आई टी भी आया उसके बाद इग्नाइट एन आई सी आ गया वो टेलकोस था उन्होंने भी आई टी को करना शुरू कर दिया तो वो देन देर आर मैनी स्टेक होल्डर्स जो अपने आई टी का मैंडेट अपने साथ एसोसिएट करते हैं तो इस वजह से वो उधर आ गया स्किल का मैंडेट नेफटेक के पास है और हम लोगों ने ये अगेन दो तीन गवर्नमेंट्स पहले तक भी हमने नैफ्टक को कहा कि आपके पास इंकूबेटर्स होने चाहिए और एट दैट टाइम जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा नहीं इवन वी हैड अ मीटिंग विद जिसमें उस्मान डार शफकत महमूद असद उमर बैठे हुए थे एंड आई कन्विंस द नैफ्टेक चेयरमैन के जी आप आएँ और आप uh, जो हैं इंकोबेटर्स बनाएँ क्योंकि ये बच्चे जो स्किल सीख रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन बच्चों में रेगर जाता है ये जिस बैकग्राउंड से आए हैं देर इज़ अ वेरी हाई टेंडेंसी के बिकम मैं सक्सेसफुल ऑन्टरपनर लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उस नहीं ऑन किया उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो जाए तो मैंने ही इंक्यूबेटर्स नेफटा के अंदर नहीं बनाने एट दैट टाइम एन ही सिलेंडर वो इंकोबेटर्स नहीं बने और अभी रिसेंटली भी टेंडर आया हुआ था और अगेन वो फिर दोबारा खत्म हो गया उन्होंने कहा हम दोबारा नया करेंगे अपने सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के हवाले से ऑन एन अदर साइड अगर आप हमें देखें तो हम तकरीबन कोई अस्सी नब्बे करोड़ रुपया ओवरऑल लगा चुके हैं इनकोबेटर्स पे स्किल इंकोबेटर्स पे और उसकी हम एक जो जर्नी है अब नाउ वी हैव लेसन लर्नस वी हैव दी हिस्ट्री ऑफ इट वी हैव प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इट तो हमें बताया कि क्या करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा तो उस पूरे के पूरे ऑडी ओडी के अंदर ये हुआ है उसमें से बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स ऑब्वियसली हमारी थी लेकिन बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उन बच्चों की थी जिन्होंने हमारे उस इको के ऊपर और स्किल कोपेशन पर ट्रस्ट किया और उसके बाद फिर उन्होंने आके ज्वाइन किया लेकिन ऑलमोस्ट अब जो हमारे पास जो लर्निंग्स हैं स्किल इंकोबेशन की तो वो अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है या पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है क्योंकि अभी तक तो जितने भी बने हैं वो टेक इंकोबेशन बने हैं स्किल इंकोबेशन बने नहीं हैं वरना अक्सर लोगों ने ना इंकोपेशन के मीनिंग को गलत कंसीव किया है और या फिर नहीं किया उन्होंने कहा कि एक अच्छा अट्रैक्टिव वर्ल्ड है तो हम भी इंकोबेशन बना लेते हैं लेकिन इंकोबेशन क्यों उनको नहीं पता होती लेकिन वो कहते हैं कि हम इंकोपेशन हैं इंकोपेशन इतना आसान भी नहीं है कि हर बंदे को उसको जो है ना वो क्लियर हो जाए समझ आ जाए और उसकी जो वाद एक टेस्ट है कि अगर वो इंकुपेशन है या नहीं है वहाँ से कितनी सक्सेसफुल एजेंसीज निकली ठीक है ना तो अगर एक बच्चा आया वो इंडिपेंडेंट था लेकिन उसको नहीं पता था कि वो इंडस्ट्री क्या होती है उसके पास कोई आइडिया नहीं था उसको कुछ नहीं पता था वो इंकोपेशन में आके बैठ गया तो आफ्टर अ ईयर और टू फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड हाफ या एक्स मंथ क्या वो एक एजेंसी के तौर पे बना और क्या आज वो मार्केट में मौजूद है और क्या वो अच्छा अर्न कर रहा है या उसकी एक टीम है अगर है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर उसने आके जॉब्स करनी शुरू कर दी या एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू कर दी उस इंकोपेशन ने उसने कहा अपने आप को इंकुपेशन उसने कहा चलो तुम आओ बैठो पैसे तुम देना कहाँ मैं दे दूँगा तो सॉरी टू से वो इंकुपेशन है नहीं अच्छा सर एक सवाल ये आता है कि आप स्किल्ड की बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं हाउ कैन यू डिफ़ाइन की ये स्किलफुल पर्सन आगे जाके बन सकता है नहीं बन सकता आप उससे पहले कोई टेस्ट एंड ट्रायल करते लाइक समथिंग like okay. हर कोई तो स्किल्ड में नहीं एक्सपर्ट हो सकता ना आप मेरा पॉइंट समझें नहीं आई आई गॉट योर पॉइंट आई गॉट योर पॉइंट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा आ, अभी जाके इस साल अभी हमारी रिसेंटली सेकेंड uh, लास्ट uh, हमारा जो वीक है ईद के फ़ौर बाद बाला. उसके अंदर मैं हमने एच ओ आई कॉन्फ्रेंस की है नॉर्मली हमारी जो एनुल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें तमाम हेड्स पूरे पाकिस्तान के आ, मैं बुलाता हूँ उसमें आ, वो तीन दिन की होती थी तो पहले दिन आने में लग जाता था तीसरा दिन जाने में लग जाता था इस दफ़ा हमने वो एट डेज़ की जो है वो कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमने रेगुलसली अपने पूरे सिस्टम्स को प्रोसेस को मैकेानिजम्स को देखा इंक्यूबेशन में इंक्यूबेटिस की जर्नी को देखा उसको एनालाइज़ किया और देखा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता सो यस मे बी इन अ डेज़ टू कम हम उस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर करेंगे कि आपका एक फिल्टर क्राइटेरिया जो है ना वो शुरू में हो असेसमेंट uh, का लेकिन अभी हमारे पास राइट right ना जो हमारे स्किल्स रेटर है उसमें हमने ये कहा है कि जी दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ वी हैव अलहमदल्ला नाउ डजनस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज और जो कि मार्केट में मौजूद हैं यू कैन गो टू द फेसबुक एंड थिंग्स और बच्चे आते हैं देखते हैं और उनको मिल जाती हैं लेकिन हैविंग सेट दिस हम ये कहते हैं कि डैट्स यूर ओन चॉइस क्योंकि हमारे पास देखें एक बच्चा आ रहा है नाइन टेंथ का एक आ रहा है इंटरमीडिएट का या यूनिवर्सिटी का exactly. हमारे पास uh, यूनीवर्सिटीज़ के uh, प्रोफेसर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीन के ऐसे भी हैं जो पी एच डी डॉक्टर्स हैं एंड दे आर लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स हमारे पास एम बी बी एस डॉक्टर्स भी आ रहे हैं हमारे पास हाउस वाइफ्स भी आ रही हैं तो हमारे पास ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो तीन लाख चार लाख रुपया कमा रहे हैं इंडस्ट्री में और उनको लगता है कि अब आके उनके करियर में प्लेट्यू आ गया अब वो इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे लेकिन जो बच्चे हैं और दे आर वेरी टैलेंटेड तो जो बच्चे हैं वो तो दे आर क्वाइट यंग लेकिन वो दो हज़ार डॉलर या तीन हज़ार डॉलर या पाँच हज़ार डॉलर कमा रहे हैं तो अगर वो अठारह साल का या बीस साल का बच्चा जो है वो तीन चार हज़ार डॉलर कमा सकता है तो मैं अपनी ज़िंदगी में बाईस तेईस साल लगाने के बाद मैं क्यों इतना जो है कमा रहा हूँ जहाँ के कॉर्पोरेट में मेरा नाफ़ है जब वो उस बच्चे को आते हैं मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है तो हमारे पास एक तो हर वॉक ऑफ लाइफ से बंदा आता है फिर हमारा जो इंक्यूपेशन है उसमें देखें तो पाँच तरह के लोग आते हैं तो एंड डेट्स वाई वी आर डिफरेंट फ्राम द टैक इंकुपेशन में तो देर मैनी फैक्टर्स लेकिन एक ये भी है कि हमारे पास एक बच्चा आता है जिसको जॉब चाहिए ठीक है एक वो बच्चा आता है जिसने एसेट बनाना है एक वो बच्चा आता है जिसने इन्वेस्टमेंट्स के बच्चे से मुराद इनको बेटी आता है वो जो जो कि एक इन्वेस्टर जो है वो माइंडसेट का जो है वो बंदा एक वो आता है जो कि फ्री नानसेट है और एक वो आता है जो अपनी एजेंसी बनाना चाहता है तो ये पांच डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं जिनकी डिफरेंट प्रेफ्रेंसेज होती हैं और ये भी हो सकता है कि वो पहले एक स्टेज में हो फिर दूसरी में हो फिर तीसरे में फिर चौथी में फिर पाँचवें में so, सो ये पाँच लोग एक दूसरे की ज़रूरत हैं लेकिन ये पाँच डिफरेंट तरह के लोग आते हैं और वो क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत है तो एक दूसरे की सक्सेस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं तो एक नेचुरली एकोसस्टम वहाँ डिवलप जो है वो हो जाता है सो so हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं तो हमें ये लगता है कि आप सक्सेसफुल होंगे एंड डेट इज़ ट्रिपल पी पर्पस पैशन एंड परसिस्टेंस अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें नहीं हैं ठीक है तो देर इज़ नो गारंटी और गारंटी हम वैसे कभी देते भी नहीं हैं लेकिन अगर आपकी लाइफ में पर्पस है एंड देन इफ यू नो दैट दैट्स माय लाइफ पर्पस एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट ऐसा नहीं है कि छः महीने के बाद तो आपका सारा जुनून उतर गया यू आर परसिस्टेंट इन एट यू विल बी सक्सेसफुल नो मैटर वट एंड एंड वट आई पर्सनली बिलीव ऑल हमने तो ये बड़ा ओरिएंटेशन में भी लिखते हैं और टैग लाइन के तौर पर देते हैं ट्रिपल पी जो कि इट्स माय आइडियालॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रिपल पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट परपज पैस प्रोसेस बट मुझे लगता है कि आप किसी भी वॉक ऑफ़ लाइफ में किसी भी करियर के अंदर अगर ये तीन पीस को आप फोकस कर लेते हैं यू ऑलवेज सक्सेसफुल सो हम उनको ये कहते हैं कि डैट्स योर जर्नी यू आर पेइंग फॉर इट सो वो है अब जो आपका दूसरा कंपोनेंट था कि कौन सी स्किल उसके लिए बेहतर है या नहीं है सो so हम लोगों ने अपने इंकोबेशन में जो भी स्टार्ट में आते हैं ना उनको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स दी हैं और वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स क्या है कि हर महीने में चार से पाँच डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स होती हैं वो तीन महीने की ट्रेनिंग्स होती हैं अच्छा जब नेक्स्ट मंथ आता है तो फिर चार से पाँच और डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स होती हैं फिर नेक्स्ट मंथ आता है तो चार से पाँच डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती हैं तो हर तीन महीने के अंदर वो तकरीबन बारह ऐसी ट्रेनिंग्स लेता है जो कि पूरे के पूरे 360 डिग्री पे ई कॉमर्स के इको को कवर करती हैं तो वो उसको फ्री लांसिंग का भी पता चल जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक ऐड का टिकटॉक शॉप का इट का ई वे का अमेज़ॉन पी एल का अमेज़ॉन होल सेल का तो वॉलमार्ट्स वगैरह का इन जब तमाम के तमाम सुनारी का पता चल जाता है साथ ही वो कहीं ना कहीं पर्सनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिज़नेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स इन चीज़ों को भी देख रहा होता है या इवन फॉरेक्स भी हम कुछ अपनी सिटीज़ में उसके ऊपर भी एजुकेट करते हैं जब ये य चीज़ें देखते हैं फिर वो रियलाइज़ करता है ये कौन सी चीज़ मुझे क्लिक करती है क्योंकि देखें आपको ना वो जो पर्पस और तो शायद आप आइडेंटिफाई कर लें लेकिन पैशन बनने के लिए ना वो चीज़ आपको क्लिक करे आपको उसमें अट्रैक्शन हो आप जब उस पर बैठें आठ आठ घंटे आपको पता ही ना चले जब क्लास में हो डिस्कशन कर रहे हो तो फिर आप फ्लो के अंदर जो हैं आपको टीचर्स की बात समझ भी आ रही हो कोई बच्चा आपसे पूछे तो आप ख़ुद आपके दिमाग में जवाब आ रहे हो लेकिन अगर आपको वो भारीपन महसूस हो रहा है ना तो वो हज़म नहीं होगा तो वो ऐसे एरियाज़ को हम ये कहते हैं कि आप लें आप पे लाजिम है कि आप पहले महीने में आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी आपको क्या बेहतर लग रहा है लेकिन आप तमाम आपके पास लाजिम है और वाजिब है कि आप तमाम की तमाम ट्रेनिंग्स हो लें बिकॉज मतलब एटलीस्ट जब भी इनकोपेशन में अगर टीम प्रीच भी करती है ना कि आप आएँ और ज्वाइन करें तो मैं कोशिश करता हूँ मैं एक ओरिएंटेशन सेशन लूँ या मैंने हेड्स को कहा हुआ है कि मैं ज़्यादातर कराची में होता हूँ कि आप लाजमी करें और ये देखें कि अगर कोई भी ऐसा इनको बेटी आया और उसको नीचे भी टीम ने अगर सही तरीके से प्रीच नहीं किया तो आप लाजमी करें उनको बताएं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आएँ तो ये सोचें कि अगले बीस पच्चीस साल तक आपने इस इंडस्ट्री में रहना तो हमारे पास तीन तरह के वो बच्चे आते हैं ज़्यादातर जो मैंने देखा जो मेरी लर्निंग्स हैं एक वो बच्चा आता है जो कि हनी मून पीरियड के ऊपर आता है वो टाइम इन्जॉय करने के बाद पैसे जेब में उसने कहा इंकोबेशन है इकोसिस्टम है चेयर्स लगे हुए हैं एसी लगे हुए हैं अच्छा माहौल है तो मैं जाऊँगा और मैं भी हो जाऊँगा एंड देन वो उसके पास पर्पज़ नहीं है तो वो इंजॉय करने के लिए आया है तो वही इंजॉयमेंट है वो नेटवर्किंग भी करेगा बैठेगा भी गपशप भी लगाएगा तुम क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो ये तमाम के पास कभी ट्रेनिंग्स ले लेगा कभी नहीं लेगा कभी होगा तो और वो तो मुझे लगता है कि अगर वो बस लगे तो उन लोगों को वैसे ही नहीं लेना चाहिए दूसरा जो आता है वो हनीमून पीरियड के लिए नहीं आता वो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता ठीक है ना और वो सीरियस भी लगता है लेकिन उसको आग लगी हुई है वो कहता है कि भाई टाइम बहुत थोड़ा है मेरे पास ये तीन महीने आप बताएं मैं तीन महीने में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अगर मैं कर सकता हूँ तो ठीक है और उसने अपने आप को भी तीन महीने दिया हुआ सो so, पीछे ज़िंदगी में ना वो हॉवर्ड या एम से पढ़ के आया हुआ है ना लम्स या आई का गोल्ड मेडलिस्ट है ठीक, ठीक है ना ना उसने फोर जी ली हुई हैं ठीक है बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ लाइफ में कैरी नहीं कर रहे लेकिन जहाँ आके जब वो ई कॉमर्स के बिजनेस में आने आ जाते हैं तो बस वो तीन महीने उसके पास में आया हुआ है तो मैंने कहा जी आप क्लियरली बताएँ कि इनकोबेशन जर्नी एक साल का है एंड दिस इज़ द नेम ऑफ अ जर्नी इन द प्रोसेस तो आप जब इस इको में आते हैं तो ये सोच के हैं कि कम अज़ कम आपने बीस से पच्चीस साल रहना है उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो हैं एक साल इस इंकोबेशन इको को जो हैं दें और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे आप में पेप्यूचुअल ग्रोथ नहीं है हर मंथ में और इम्प्रूवमेंट नहीं है आप कोट कर जाएँ ई कॉमर्स नॉट फॉर एवरी वन लेकिन एटलीस्ट वो है तो हम सबसे पहले पाँच महीने के अंदर थ्री डिग्री के ऊपर उसकी पूरी की पूरी आप देखेंगे वो ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करता है उसको हर डोमेन का पता होता है उसको पता चल जाता है कि मैं क्लाइंट एक्वजिशन मेरा स्किल है या क्लाइंट रिटेंशन में स्किल है मैं टेक्निकली ज़्यादा बेहतर हूँ या मैं कस्टमर डीलिंग से ज़्यादा बेहतर हूँ मुझे टेक्नोलॉजी में कौन सी स्किल्स अट्रैक्ट करती हैं कौन सी नहीं करती है मुझे डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगती है या ई कॉमर्स अच्छी लगती है टिकटॉक समझ आता है या अमेजोन समझ आता है या वालमार्ट समझ आता है तो एक तो मुझे लगता है कि जो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि वो खुद आइडेंटिफाई करता है देखता है फिर जब वो क्लियर होता है तो वो होता है सो so, चौथे महीने से छठा सातवां महीना बड़ा हमारे पास क्रिटिकल होता है उसमें बच्चे का पता चल जाता है उसमें रेगर कितनी है वो कितना सर्वाइव करेगा नहीं करेगा बट वट आई हैव सीन कि जोन से भी बच्चे ने आठवें महीने तक इंकोब्यूटर्स में रहे तो आई हैव सीन ऑल ऑफ देम वेरी सक्सेसफुल सो लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें बच्चा कहीं ना कहीं वो शेक होता है और उसको नहीं लगता है कि वो कर सकता है या वो अपने आप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने के लिए जो तैयार नहीं होता तो थर्ड कैटेगरी है वो बड़ी क्लियर होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए आती है वो कहती है कि नो मैटर वट द तो वो कहता तो बर्ड यू आर बोट्स तो बिहड यू टू रिट्री इट इज़ आउट ऑफ कोर्स तो वो तो आता है तो वो पिक करने के लिए आता है और जब वो आता है तो वो कट जाता है बिकॉज पाकिस्तान में आप दुनिया में जब भी बिज़नेस करते हैं ना तो दो फैक्टर्स हैं जो आपके की सक्सेस फैक्टर्स होते हैं वट आई पर्सनली बिलीव एक लो प्राइस और एक हाई वैल्यू तो लो प्राइस पे हम पाकिस्तान में हैं और आगे आने वाले वक्त में अलहमदिल्ला हम और ज़्यादा लो प्राइस पे चले जाएंगे क्योंकि डॉलर बढ़ता चला जाएगा सो नाउ वी आर चीपर दैन चाइना इंडिया बांग्लादेश एंड सो मैनी कंट्रीज़ आगे अफगानिस्तान और भी कई मुल्कों से हम लोग जो है ना वो चीपर होते चले जाएँगे जो मुल्क के हालात है सो so, आप लो प्राइस पर तो कम्पीट कर लेंगे अब लगे हाई वैल्यू तो इंक्यूबेशन इज़ अ प्लेस जहाँ आपको एक तो थ्री सिक्सटी डिग्री लर्निंग मिलती है फिर आपको जो हमारे डिप्लोमास हैं उनके ज़रिए सीनियर्स के ज़रिए इकोसिस्टम के ज़रिए किसी भी स्पेशलाइज स्किल्स के अंदर आपके पास ऐसा ही मौजूद है कि आप इम्प्रूव करते जाएँ तो अगर आपकी एथिक्स और मोरलिटी ठीक है तो आपका ग्लोबली कम्पीट करने के जो चांसेज हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो उन लोगों को फिर मैंने सक्सेसफुल होते हुए भी देखा ठीक हो गया इस तरह एनी क्राइटेरिया के कि मतलब किसी की एज अगर फोटी पे चला गया वो भी आ सकता है इंक्यूटर या समथिंग यार ये नहीं अभी नए बच्चों के लिए इसे हमने स्किल और टैक की बात करी कोई क्या एज फैक्टर भी डिपेंड करता है ओके okay, uh, हम ये कहते हैं कि नहीं डिपेंड करता लेकिन देखें सक्सेस तो डिपेंड करती है uh, क्योंकि सिर्फ एज ओके uh, okay, हम पांच चीज़ों को पर देखते हैं हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाए हुए हैं कि आपकी लाइफ की ये पांच स्टेजेस हैं और ये पांच फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स हैं ना उसमें एक आपकी एज है एक आपकी क्वालिफिकेशन uh, है ठीक है ठीक है ना एक आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं कि आपके पास कितनी है और एक फिर आपके पास पर डे कितना टाइम है और फिर आपका स्किल सेट क्या है सो इन इन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर हम उसको मैप करते हैं और हमको सजेस्ट करते हैं कि तुम आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल एज फोर्टी अगर है और हाउस वाइफ है और उसने गोल्ड मेडल लिया हुआ था बच्चे पा लिए बच्चे बड़े हो गए अब वो कुछ करना चाहती है फॉर एग्जाम्पल हाईली लाइकली चांसेस कि उसके ऊपर ना किचन इनकम का मसला है ना घर का करना है हस्बैंड तमाम के नाम देख रहा है बच्चे हो गए हैं अब वो बोर हो रही है अब वो करना चाहती है एंड शी इज़ अ सुपर टैलेंटेड वुमन दाई नॉट ठीक है ना शायद उसके सक्सेस के चांसेस उस बच्चे से ज़्यादा होंगे जो सत्रह अठारह साल का बच्चा होगा डेफिनेटली वो मेच्योर भी होगी तमाम के कितना चीज़ोंगे लेकिन एक बंदा है ठीक है ना वो स्ट्रगलर है वो सरकारी नौकरी कर रहा है उसको दो लाख रुपए उसकी तनख्वाह है ठीक है ना लेकिन दिन रात उसका जो बॉसेज़ हैं वो उसको Hmm. जो है ना उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसके पास निकालने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी टाइम नहीं है इनको बेटा ज्वाइन करना चाहता मैंने जब नहीं है टाइम तो इनको बेटर कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ना कर दैन वेस्टेज ऑफ मनी सो ऐसे बंदे के लिए वो अब फोर्टी की एज में है वो उसे पैसा तो कमाना चाहता है उसको ख्वाहिश है लेकिन उसके पास कोई प्लान भी नहीं है टाइम भी नहीं है तो दैन इट विल भी वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा और वो शायद उसके लिए फिर तैयार नहीं है तो फिर उसके लिए सक्सेस के चांसेस जो हैं बहुत मुश्किल है लेकिन आई हैव सीन सो मैनी पीपल्स जो कि जॉब्स कर रहे हैं जॉब करने के बाद इनको बेटर में आते हैं पाँच छः घंटे से बजे आते हैं ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग्स लेते हैं रात को बारह एक बजे तक दो बजे तक रहते हैं उसके बाद घर जाते हैं सुबह ऑफिस आते हैं लेकिन जो कंसिस्टेंट हैं वो वह ऐसा फेज़ आउट करके फिर इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए तो वो एक अच्छी स्ट्रैटी है लेकिन अगर टाइम भी नहीं है देना भी नहीं चाहता है कॉस्ट भी हैं तो वो है और दूसरा बात है वह हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह का इंसाफ इंसान के साथ ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे से डिस्टिंक पैदा किया तो बाबा आदम से लेकर क्या मतलब कोर्ट कोई गुलफाम नहीं आएगा तो आई एम यूनिक आई एम डिस्टिंक सो तो हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है तो समाइम्स हम सम किसी एक वेरिएबल के बेसिस के ऊपर चेक या एसेस नहीं करते और इसी वजह से हमने कोई ऐसे रूल्स नहीं बनाए हुए वो यर वैल्यू फ्लैक्सीबल तो और हम बिलीव करते हैं कि हर बंदे की अपनी एक जर्नी है और वो कई एज के किसी भी टाइम के ऊपर सक्सेसफुल हो सकता है बेशक वो सिक्सटी का ही क्यों ना हो सो so, लेकिन फैक्टर्स हैं जो जिसको देखना उसके लिए भी ज़रूरी है और, और हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, है कि हम उसके साथ काउंसलिंग करके उसको प्रॉपर्ली गाइड करें अब उसको पहले काउंसलिंग देंगे देन अब काउंसलिंग करते हैं हम काउंसलिंग काउंसिंग टाइम का भी अब फ्रेम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कितना टाइम एटलीस्ट होना चाहिए इसके भी आप बाईफिगेट कर लेंगे अगर वो जॉब कर करें तो उसके पास एटलीस्ट इतना टाइम हो जो पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसके पास नहीं देखें ओके मैं हमारे इंकोपेशन में दो बड़ी मल्टीपल इंटरवेंशन है नॉर्मली हम फोर्टी के अराउंड चीज़ें बताते हैं कि इंकोपेशन में मिलती हैं लेकिन दो बड़ी चीज़ें हैं मतलब तो नेटवर्किंग भी है लेकिन अगर दो, दो बड़ी चीज़ें हैं वो एक वन इज़ अ को वर्किंग स्पेस और फिजिकल स्पेस जहाँ वो बैठते हैं अदर इज़ ट्रेनिंग अब हम लोगों ने जब ये बारह ट्रेनिंग्स इंट्रोड्यूस की तो ई कॉमर्स के अंदर ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव हैं और हम लोग बहुत एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा देते भी थे देते भी हैं तो हम लोगों ने इंकोबेशन में फ़ीसिस नहीं बढ़ाई तो हम लोगों ने ये तमाम की तमाम जो फीसिस थी लास्ट ईयर के स्टार्ट से ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की ताकि एटलीस्ट लोगों को क्लैरिटी आए क्योंकि जब लोग आते थे तो उनको क्लैरिटी नहीं थी चौथे पाँचवें महीने पता चलता था या मुझे तो फॉर ई कॉमर्स नहीं डिजिटल मार्केटिंग समझ आ रही है या डी एम नहीं और मुझे तो होल सेल समझ आ रही है होल सेल नहीं तो मैं तो पी एल का बंदा हूँ एंड एक्स वाई ही सो हम लोगों ने यह कहा कि एटलीस्ट क्लैरिटी हो बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट ना हो तो वो हजत उनकी जो है वो हमने तमाम की अब अब जब उन तमाम के तमाम फैक्टर्स को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग आगे उन लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो उसको किस तरह जो है वो कोप कर पाते हैं या किस तरह जो है वो उस उन चीज़ों को लेके जाते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं इसमें मैंने अक्सर एक, एक चीज़ देखी है सर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये भी एक वजह है मुझे लगता है कि वो डिस्टर्ब करके अपने स्किल को चेंज करते हैं किसी ने बोला वही वी ए बन जाओ तीन सौ डॉलर है किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का हेड बन जाओ या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दो तो पाँच सौ डॉलर मिलेंगे तो ये भी तो उसको ड्रस्ट लेकिन मुझे लगता है पैसा कमाना या पैसे कमाने की चाहत होना बुरा नहीं है लेकिन मुझे उसमें जो बुनियादी फंडामेंटल एक प्रॉब्लम नज़र आता है ना वो ये नहीं है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं और शायद पैसा हर कोई कमाना चाहता है कोई मानता है कोई नहीं मानता कोई अपने हाँ, आप को बहुत ज़्यादा ठीक है ना वो वलीला बट... कहता है वो कोई बड़ा क्लियर होता है कि नहीं या मैंने कमाना है और कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन भी होती है मैं ये नहीं कहता कि तमाम लोग एक हैं बट एटलीस्ट अ नीड और हम लोग तो बैठे इस वजह से हैं कि लोग पैसा कमाएँ तो हमें तो अगर कोई बंदा पैसा कमाने जाता है तो हमें तो वो अच्छा लगता है बुरा नहीं लगता बिकॉज हर एक इंस्टीट्यूशन का मैंडेट होता है तो हम ये कहते हैं कि एजुकेशन है एंड एम्प्लाइबिलिटी uh, है हमारे तो ये दो मैंडेट हैं जिसका हम इकनॉमिक इम्पैक्ट के हवाले से देखते हैं मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम uh, जो है ना एक्चुअली वो ये नहीं है कि वो पैसा कमाने प्रॉब्लम ये है कि वो क्लियर नहीं है वो जिसको मैं पर्पस कह रहा हूँ ना उनको okay. यही ही नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है क्योंकि उनको नहीं पता होता उन्होंने किसी से सुना और उन्होंने कहा यहाँ पैसा है तो वो करने लगे उन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की उनको लगा नहीं यार यहाँ तो पैसा नहीं है फिर वो बैठे पाँच और बंदों के साथ उन्होंने कुछ और बताया तो उन्होंने कहा अच्छा वहाँ पैसा होगा वो उसके पीछे लग गए फिर तीसरे ने बताया वहाँ लग गए तो वो जितना ही ज़्यादा इन्फॉमेशन को कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा वो डिस्ट्रे वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है तो उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो एक फ़ोकस गोल को जो है वो अटेन नहीं कर पा सकते तो मुझे लगता है वो पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट द लस्ट ऑफ द मनी बट इट इज़ दी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी वो कहते हैं ना जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचान दिया तो जो अपनी पहचान है ना कि मुझे ही कौन सी चीज़ ठीक लगती है वो बहुत इंपॉटेंट है एंड दैट्स वाई वो इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स जो कि हमारे पास अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में वो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग उस तरीके से पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं करवा वो वो अपने आप नाम जो भी कहे बेचे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का हैं वो इंकोबेशन का हैं वो एक्सलेटर्स का हैं वो हेथ प्रोग्राम कोई भी गए कोई नो वन इज़ इंट्रोड्यूस्ड दैट सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड पर्पजफुली वो वो डिज़ाइन जो है वो इसी मकसद के लिए किए हैं कि उसको ये पता चले कि उसको क्या चीज़ समझ आती है बिकॉज कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो हम लोग अपने इंक्यूपेशन में देते हैं जिसके ऊपर लोग पैसा नहीं कमा रहे दुनिया में उसका स्कोप नहीं है वो फाइवर पे जाएगा अपवर्क पे जाएगा, जाएगा मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाएगा उसको पता चल जाएगा कि भाई कितनी डिमांड है उस स्किल की अब वो पैसा कमा सकता है या नहीं कमा सकता उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसका वो इंटरेस्ट और पैशन है या नहीं अगर वो उसका पैशन होगा तो वो उसको प्रोलॉन्ग करेगा अगर उसका पैशन ही नहीं होगा वो किसी के सुनने के ऊपर वो आ गया तो जब तक कि वो अपनी राइट right फील्ड तक नहीं पहुँचेगा और जो उसकी लाइफ का पैशन होगा वो इसी तरीके से भटकता फिरेगा और फिर वो कहता फिरेगा नहीं यार ये तो सब फ्रॉड है ऐसा है वैसा की देना क्यार ये ये कीवर्ड ये मैं एडवाइस करता हूँ बिफोर हर इक्टी को जो है या बनना चाहता है ट्रिपल पी देखें पर्पज पैशन डेट द की डेट आई हैव एक्सट्रैक्टेड आफ्टर मीटिंग विद सो मैनी पीपल्स उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने क्या करना है फिर वो ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनका पैशन बनती है एंड दे आर क्रेजी अबाउट डैट थिंग सो देन मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट कि जब वो उस चीज़ में घुसते हैं ना अब वो जो आप कहते हैं एक एक जो वन लाइनर दें सो so मैं ये कहता हूँ बच्चों को जब वो किसी भी फील्ड में आते हैं के बिकम द एम्बेसिडर ऑफ द फील्ड टिल द फील्ड बिकम योर एम्बेसिडर और इसका मतलब अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं कि जब भी कोई भी बंदा आपको देखे ना ठीक है ना और आप एस के बन्दे हैं तो तुम्हारी शिकल पे लिखा हो एस ठीक है वो कहे अब यह देख दिखाओ दोबारा सवाल पूछने आ गया अब ये मेरा सर खाने के लिए आ गया अब इस ये तो कोई बात ही नहीं करेगा ना सलाम करेगा ना दुआ करेगा कोई ना कोई सवाल इसका फंसा हुआ होगा ठीक है ना और हर बंदा कहे यार ये ये कर रहा है अब वो आपके सवाल बताए कि यार यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन वन फील्ड एंड डैट सेट ठीक है ना टिल द फील्ड बिकम यूर एम्बेसिडर और फिर आप उस उस फील्ड में उस स्टेज के ऊपर चले जाएँ कि अगर फेसबुक के ऊपर सिटी को टै करके कहें ना कि जी आई एम इन कराची और लाहौर और इन इस्लामाबाद ठीक है ना तो इफ़ एनी बॉडी वॉन्ट टू मीट टू मी सो आई एम हेयर ठीक है ना तो नीचे फ्लड हुआ वो ठीक है सो मैं तो सिंपल कहता हूँ भाई डैट डैट शुड बी योर जो है मिशन स्टेटमेंट द बिकम द एम्बेसिडर ऑफ द फील्ड टिल द फील्ड बिकम योर एम्बेसिडर हर इंसान नहीं तो ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट इंसान दुनिया में हर काम कर सकते हैं लेकिन तमाम काम इकट्ठे नहीं कर सकता सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन सी एक ऐसी स्किल है ठीक है ना जिसके अंदर आपने एक्सीलेंस लेनी है तो मैं ये कहता हूँ कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन स्किल यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल यू मस्ट नो इन ई कॉमर्स इन ईच एंड एवरी फील्ड लेकिन यू हैव टू मास्टर ऑफ वन आपकी पहचान होनी चाहिए और आपको उसी पहचान से कहा जब मैं सी एस आर में था ना तो मैंने कहा फर्स्ट पाकिस्तानी हुआ पी एच डी सी एस आर तो मुझे लोग ताना देते थे तो उसको सी एस आर के अलावा कुछ नहीं आता मैं कसम खा के कहता था मैंने कहा कसम ले लो मुझे सी एस आर के अलावा कुछ नहीं आता और मैंने वो सी एस आर ही किया बिकॉज डिवेलपमेंट सेक्टर में भी था काम भी किया हुआ था जब मेरे पी एच डी का डिफेंस हुआ मतलब पैनल्स बैठे हुए थे तमाम के तमाम तो मैंने उनको जब उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट किया तो मैंने पिछले पाँच दिन के अंदर बताया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा ठीक है ना और वन परसेंट भी बोर्ड को कोई आइडिया नहीं था क्या क्या हो रहा है और मैं जब इंटरनेशनली फ्लाई करता हूँ तो बहुत सी कंट्रीज़ में एयरपोर्ट्स के ऊपर जैसे लोग मिलते हैं दूसरी दूसरे अच्छा आप हैं डॉक्टर गुल्फाम आप आप, आपने पी एच डी क्यों है ना सी एस आर में जब तक मैं ई e कॉमर्स में नहीं आया था सो तो वो ये होता है कि लोग सर्च करते हैं किसी दूसरी कंट्रीज़ में पी करने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं अच्छा या सी में पी एच डी तो वो कहीं ना कहीं से वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह निकाल के मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं कि जी ये ठीक है या नहीं है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सो so, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू बिकम द एंबेसिडर ऑफ़ द फील्ड टिल फील्ड बिकम यूर एंबेसिडर आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते और ये मजाक भी नहीं है जहाँ आपने ग्लोबली कम्पीट करना है आप दो तीन महीने में सीखेंगे और आप जैसे कहते हैं अनिपा देंगे है। तो तो ऐसा नहीं होता सो so, आपको जब तक वो एक्सीलेंस नहीं आएगी वहाँ तक आप कमाना नहीं शुरू करेंगे तो आप किसी एक दो को ज़बा तो कर सकते हैं एज अ क्लाइंट लेकिन कैसा हो सकता है कि जहाँ लोग दस दस साल से पंद्रह पंद्रह साल से काम कर रहे हैं आप दो तीन महीने के अंदर कोई इतने गुरु बन जाएंगे कि आप आके इतना कमाने लग जाएंगे कि आप जो है ना इंडस्ट्री के अंदर डेंट मार देंगे तो मुझे लगता है कि इट्स इट्स अ जर्नी इट्स अ रेगुरस वर्क यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ द एफर्ट्स इन टू इट सो उसके लिए टाइम चाहिए एक्सेलेंस चाहिए रेगर चाहिए आप कमाना शुरू करते हैं लेकिन ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा अगर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ वेरी गुड स्टोरी इन आर लास्ट को अब हमारे इस्लाम में इंक्यूपेशन में ट्रेनिंग्स भी देते हैं हसन नवास तो उन्होंने जब हमारे वो इनको बने उन्होंने ई कम्फर्ट फॉर यू बनाई जोंग में काम करते थे तो उन्होंने लिंक की लीड जनरेशन के ऊपर काम किया तो so, जब मैंने इनिशियली उससे पूछा अच्छा यार अब कैसा चल रहा है ये तमाम चीज़ें हो तो अच्छा यार कितने कमा रहे हो या तीस हज़ार कमा रहा हो अच्छा ये कितने कमा रहे हो पचास हज़ार अच्छा कितने लाख हो गया फिर डेढ़ लाख हो गया फिर पाँच लाख हो गया फिर दस लाख हो गया फिर पंद्रह लाख हो गया फिर बीस लाख हो गया फिर पच्चीस लाख हो गया फिर तीस लाख हो गया फिर चालीस लाख हो गया फिर पचास लाख हो गया ठीक है सो पर मंथ सो बड़ी कंसिस्टेंटली पिछले कोई पाँच छः साल के अंदर उसने वो ग्रो किया अभी वन मैन शो लेकिन उसने अपनी टीम को भी लीन किया अपने सिस्टम्स और प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया फिर वो एक एजेंसी से सोलो पे आया लेकिन अब वो सिर्फ लिंक्डइन की लीड जनरेशन से पचास लाख रुपया कमा रहा ठीक है ना लेकिन उसने एक स्किल के अंदर एक्सीलेंस पैदा की है उसने कहा और कुछ नहीं करना बस एक ही काम करना ठीक है और है। कुछ अर्सा पहले ऐसे गया तो कहते हैं सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल नहीं रही है मैंने मैंने एक स्कूल है उसके अंदर अप्लाई किया हुआ है बिकॉज टाइम नहीं गुज़रता मेरा ठीक है ना तो घर बैठे हुए मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि चलें कोई चालीस पचास हज़ार की कोई ना कोई बंदा नौकरी कर ले कोई ना कोई बंदा मसरूफ रह लेता है so, सो अगर आप पचास लाख रुपया कमा रहे हैं और चार पाँच घंटे में आपका काम हो जाता है एंड आपको अपनी सोशल लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए आप कहते हैं अच्छा यार चलें थोड़ा सा टाइम को भी किल करते हैं तो वो 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 डैट इज़ दी एक्सीलेंस कि आपने वो ले लिया है आपको आपका क्लाइंट छोड़ के नहीं जा रहा हर छः सात आठ महीने के अंदर एक और क्लाइंट ऐड हो रहा है और वो देख रहा है कि अच्छा यार बाकी तो ये ये, ये कमा रहा है इसका बेसिक रेफरेंस पॉइंट ये है तो अब मैंने अगर आना है ऑन बोर्ड तो मैंने उससे ज़्यादा ही उसको देना या उतना तो लाश नहीं देना और वो भी ऐसा ऐसा करके जा रहा है कोई आग नहीं लगी हुई कि जी सब सब के सब ले ले तो बहुत कंसिस्टेंटली एब्जॉर्ब करता करता जा रहा है और अपने उसको इंक्रीज़ कर रहा है इनकम लेवल को ठीक ओके सर सर स्टार्टअप का नाम तो सुना ही है बहुत सुना होगा आपने तो व्हाट डू यू थिंक कि स्टार्टअप्स भी यहाँ से निकल सकते हैं हमारे पास फ्यूचर में इंक्यूपेश स्किल इनको यार देखिए मुझे लगता है स्टार्टअप इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म और यस इट हैज़ बीन क्वाइंड फ्राम टैक इंकूबेटर्स लेकिन अगर आप देखें तो मैंने अभी तक कहीं भी गूगल uh, में भी या दूसरी जगहों पर भी स्किल uh, इंक्यूबेटर्स नहीं देखे थे वी We वर्ड द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिन्होंने स्किल इंकोबेटर इंट्रोड्यूस किया मैंने नेफ्टा को भी कहा भाई खुदाया तुम लोगों को स्किल से इंट्रोड्यूस करना चाहिए कई और आई विल नॉट नेम दी एजेंसीज़ या गवर्नमेंट बॉडीज़ देखे अब उनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट किया और ये सेल्फ सस्टेन भी हुए हुए हैं और स्टोरीज़ भी निकल रही हैं सो so, और बहुत अच्छी सक्सेसफुल स्टोरीज़ निकल रही हैं यहाँ से तो हमें भी कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए तो वो कोवर्किंगस पे तो आ गए हैं अब वो चलेंगे या नहीं चलेंगे तो अलग बात है लेकिन मुझे ये लगता है कि हर वो एजेंसी ठीक है जो कि ई कॉमर्स के अंदर है वो स्टार्टअप है ठीक है ना टर्म, टर्म्स टर्म्स का डिफरेंट है जैसे टेक के अंदर स्टार्टअप का वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है हमारे ई कॉमर्स में एजेंसी का वर्ल्ड स्टार्टअप के ज़्यादा किया जाता है मैं आया था आ, टेक इनकोबेशन इको सिस्टम से सो वेरी ऑनेस्टली मेरे लिए एजेंसी वॉज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड अच्छा यार एजेंसी अजीब सा लग रहा है वो मुझसे ना एक दो साल लगे मुझे ना वो एब्जॉर्ब नहीं, नहीं हुआ हजम नहीं हुआ बिकॉज हम उसको कंपनी कहते थे कंपनी खोल ली हमने कंपनी खोलनी है उसके बाद फिर अगर आप ई कॉमर्स तो एजेंसी हम भी एजेंसी हैकिंग के हवाले से बात करते हैं या तमाम कहें एजेंसी कोचिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम कभी स्टार्टअप की बात नहीं करते क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने जॉर्गनस होते हैं तो मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ हैविंग अ जॉर्गन इट इज़ नॉट के अच्छा जी स्टार्टअप कुछ और होता है और एजेंसी कुछ और होती है तो एजेंसी भी स्टार्टअप होती है स्टार्टअप भी एक एजेंसी होती है ठीक है सो so, उधर भी एक ऑन्टरप्रीनियोर होता है वही अपने बिज़नेस को लेके जाता है वही टीम बनाता है वही अपने बिजनेस मॉडल्स को इम्प्रूव करता है वो सक्सेसफुल भी होता है उसको फेलियर भी होता है वही तमाम के तमाम चीज़ें होती हैं हमारे पास तो बच्चा वैसे ही जीरो से करता है और हमारा और उनमें देखें यहाँ इन्वेस्टर मिल जाता है वो वी को पुल जो है वो कर रहा होता है वो इनोवेशन पर फ़ोकस करता है हम इमिटेशन पर फोकस कर सकते हैं वो ग्रांट्स लेता है हम कहते हैं पहला क्लाइंट जो है आपने बनाना है सो so, कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे जो स्टार्टअप की जर्नी है और हमारी जो एजेंसीज की जर्नी है वो बिल्कुल सेम है उसमें स्ट्रेटजी का फ़र्क है और फोकसेस का फ़र्क है लेकिन क्योंकि बिज़नेस ही खड़ा करना है उस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए हम लोग बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रैटी बना रहे होते हैं कि या इनोवेशन पर नहीं जाना अभी सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे इमिटेट करो वो करो जो दूसरे कर रहे हैं अच्छा तुमने अच्छा वो क्लाइंट्स की वो वी की तरफ जा रहे हैं वो लंबी कहानी है प्रेजेंटेशन्स दोगे आइडिया को देखोगे इनोवेशन नहीं है क्लाइंट्स को पकड़ो जो पैसा कमाना चाह रहा है पाकिस्तानी डाइसपुरा को पकड़ो लोकल्स को पकड़ो इंटरनेशनल को पकड़ो और उनके साथ परसेंटेज मॉडल पे आओ किसी भी मॉडल पे आओ वो सक्सेसफुल होना शुरू हो गया हमारे पास इसी तरीके से हम कहते हैं अच्छा ग्रांट्स है, की तरफ जाने की जगह जहाँ नॉर्मली जो स्टार्टअप्स जाते हैं कि जी हमें इतनी फंडिंग मिल जाए और हम लोग खड़े हो जाएँ तो हम कहते हैं पहला क्लाइंट पकड़ लो सेल्फ सस्टेनेबल हो जो मुझे लगता है कि एज़ अ एज अ बिज़नेस प्रोफेशन और एज अ पर्सन हु इज़ पी एच डी इन द मैनेजमेंट साइंसेज दिस अप्रोच इज़ वेरी गुड राधर और मेरे जैसे दूसरी साहब पर डेवलपमेंट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है कि आप चैरिटीज़ लेने की जगह या फंडिंग लेने की जगह ना वो आपको हैंडी कैप करती हैं आप हमेशा डिपेंडेंट होते हैं एक फंडिंग के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी तीसरी के बाद चौथी की तरफ जाते हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपका सर्वाइवल हो जा रहा होगा उसकी जगह पर हैविंग अ फर्स्ट क्लाइंट सेकेंड क्लाइंट थर्ड क्लाइंट एंड सस्टेंड क्लाइंट तो उसकी तरफ जो है ना फोकस करवाना

कि एक अगर डेफिनेशन में दे जैसे हमने दो करा अभी मैं आज से आपके आगे जाता तो इसके अलावा मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया इनक्यूबेटर हाँ मैं कह रहा हूँ एक भूल रहा हूँ मैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्या आप इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर सकें ओके देखें मैं ब्रॉडली इंकूबेटर्स को सिर्फ दो कैटेगरीज में करता हूँ ठीक है, है ना एक टेक्नोलॉजी इनकोबेशन और एक स्किल इंकोबेशन ठीक है अब जैसे सोशल मीडिया इंकोबेटर है ना ये एग्री इंकोबेटर हो गया ये हो गया वो उस वर्टिकल के अंदर का काम काम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा जैसे ई कॉमर्स इंकोपेटर एक वर्टिकल है या सोशल मीडिया या डिजिटल तो वो वर्टिकल है तो जो वर्टिकल स्पेसिफ़िक होगा वो अपने नाम के साथ इंकोबेटर को लगा लेगा कि उसमें जितने भी बच्चे आएँगे उसमें आएंगे जैसे एरोस्पेस हो गया या हमारे एग्री हो गया या हमारे पास सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो गया या इवन आप यूट्यूब का इंकूबेटर बना लें जिसमें यूट्यूब पर काम करें सो सो वो तो ताकि हम लोग यहाँ सिर्फ जितने भी लोगों को इंकोबेट करेंगे वो इस फील्ड के करेंगे तो डेट्स ऑल ओके जहाँ तो तक है बात ब्रॉडर डोमेन्स की तो उसमें यह है कि आपने इनोवेशन पे काम करना है या आपने बिजनेस पे काम करना ठीक है तो अगर आपने एक ट्रेडिशनल बिजनेस पे काम करना है ठीक so, है ना स्किल को सीख के उसकी बेसिस के ऊपर कोई कंपनी बनानी है और इम्प्लाबिलिटी जनरेट करनी है ठीक है ना तो वो स्किलिंग को बेटर है अगर आपने आग लगानी है कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया दुनिया में ला के ठीक है ना कि जिसके ऊपर आप बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर सकें तो फिर वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है बड़े बड़ी सादा अल्फाज हैं अच्छा इसमें भी हम स्किल बेस की अगर बात करें तो इसमें भी इन्वेस्टर मिल जाते हैं अगर हम कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं या व्हाट डू यू सजेस्ट के इन्वेस्टर जैसे भी पीछे बात आप कर रहे थे कि यार आप दो बंदे मिलके एक एजेंसी ग्रोथ कर लें आपकी क्या सजेशन देखिए हमारे तो हमारी तो सही की सही सक्सेस हो हम तो आज तक गवर्नमेंट के पास नहीं गए कभी हमें पैसे दें आज तक हम किसी वी के पास नहीं गए वर्चर कैपिटलिस्ट के पास अपने किसी भी स्टार्टअप के लिए ठीक है ना हमारे पास तो खुद यू हैड बीन बिन पार्ट ऑफ अस सो आपको पता है कि हमारे पास तो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं वो कहते हैं हमारे पास तो इतने इतने डॉलर्स पते हैं आप बताएं कौन से बच्चे हैं जिनके साथ हम कोलेबरेट कर लें क्योंकि वो बिज़नेस हर किसी को समझ आता है ये कहते हैं ना मैं दुनिया में एक ऐसी काम करूँगा जो किसी को समझ नहीं आएगी तो एक एक फेयर फैक्टर होता लेकिन और पाकिस्तानी स्टेट को तो वो नहीं समझ आती लेकिन बिज़नेस की हर किसी को समझ आती है कि बिजनेस करेगा कुछ स्टेक्स उसके होंगे कुछ मेरे होंगे कुछ पैसे उसके होंगे कुछ मेरे होंगे काम वो करेगा का इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा वो भी देखेगा मैं भी देखूँगा तो जो टर्म्स डिसाइड होती हैं तो वो होते हैं तो हमारे पास तो पाकिस्तानी डाइसपुरा इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग द वर्क विद पाकिस्तानीज़ उनके अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंसिस अच्छे नहीं रहे एंड देर इज़ लॉट ऑफ द रीज़न फॉर देट लेकिन ये है कि दे ऑलवेज लव टू वर्क विद सो आपके पास यहाँ तो इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं और यहाँ इन्वेस्टर्स मिलना आसान है मान नस्पत दूसरे इंकोबेटर्स में इन्वेस्टमेंट मिलने के बिकॉज बहुत कम पैसा चाहिए होता है कम्पेरेटिवली और कोई प्रपोशन ही नहीं है ना तो जो मतलब वहाँ जाएँ तो स्टार्टअप्स -था कहते हैं कि जी हमें टेन मिलियन डॉलर दे दें हंड्रेड मिलियन डॉलर दे दें ठीक है ना और हमारे जो हैं अगर वो कहते हैं अच्छा जी आपके पास अगर दस लाख भी आ जाते हैं तो चलें लोकल ई कॉमर्स में या लोकल शॉपे फापे कुछ ना कुछ ट्राई कर लेते हैं या अगर दस बारह हज़ार डॉलर हैं तो चलें एट के ऊपर कुछ ना कुछ कर लेते हैं आपके पास अच्छा ये बीस हज़ार डॉलर है होल सेल कर लेते हैं अच्छा यार आपके पास पचास हज़ार डॉलर है प्राइवेट लेवल पे देखा जा सकता है तो यहाँ तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं कंपेरेटिवली जहाँ आपको पर लोग मिल जाते हैं और अब आप, आपको क्या लगता है कि ये सक्सेस होते हैं पार्टनरशिप में क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट देने के बाद तो कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े तो नहीं होते आपके क्या एक्सपीरियंस रहे ओके मुझे ये लगता है कि ना आपका जो पार्टनरशिप है ना वो बहुत मैटर करती है और वहाँ आपका एक दूसरे को समझना और ये देखना कि वो टेक्निकली साउंड है भी नहीं वो उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड है भी या नहीं ये बहुत मैटर करता तो बहुत से लोग जो है ना जब एग्रीमेंट्स करते हैं ठीक है तो देखें जो इन्वेस्टर है उसकी वैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है ठीक है ऐसा सही ठीक है अब मैं आई नो सो मैनी सक्सेसफुल ऑनटरप्रनोर्स और ख़ास पर ऐसे लोग जो जैसे यू के अंदर हैं जेम्स खान वो बी बी सी के ऊपर भी उन्होंने आइडियाज़ की पिचेस के ऊपर वो फंडिंग्स वगैरह अप्रूव किया करते थे और दिया करते थे तो हमने उनको अपने इंकोबेटर में जो लास्ट इंकोबेटर था वहाँ बी आई कन उस हमने इनवाइट किया एंड वहाँ उसने बहुत एक मज़े की जो है वो बात बताई वो पाकिस्तान से गया पढ़ा लिखा नहीं था रिक्रूटमेंट की एजेंसी में उसने शुरू में काम किया सो उसने ये कहा कि मैंने पीक टाइम के अंदर आईटी में पीक टाइम के ऊपर जो है ना नाइनटीन के एंड में टू थाउजेंड के अंदर सिलिकॉन वैली के अंदर कोई तीन चार बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स की वो कहते हैं उस पीक टाइम के अंदर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट में कामयाब नहीं कामयाब नहीं हुई नहीं हुई कहते हैं सारी की सारी मेरी क्लैप्स करके मैंने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो मैं ज़ाया हुए एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई लेकिन उसने कहा कि जिंदगी में आज तक मैंने रिक्रूटमेंट की बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया ना वो हमेशा कामयाब हुआ कोई एक भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मेरी नाकाम हुई सो so, एक बहुत बड़ी लर्निंग ये है और ये मेरी स्टार्टअप बिज़नेस के भी है यहाँ के भी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपको एक बेसिक नो हाउ होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए अगर आपको नहीं पता तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए आप मतलब हमारे पास लोग आए और उन्होंने कहा कि अच्छा यार और, और मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आई वॉन्ट टू से दिस थिंग कि कहीं ना कहीं ना इंडस्ट्री ने लोगों का माइंड भी बनाया हुआ है तो मैं हमारे पास एक बंदा आया और उसने कहा कि ना जी मेरे पास इतने इतने, इतने पैसे हैं बुज़ुर्ग आदमी मीन मेरे से दस साल बड़े होंगे तो बुज़ुर्ग हो गए ठीक <laughs> है सो so, वो वो आया और उसने कहा कि जी मेरे पास तो इतने इतने, इतने, इतने इतने पैसे हैं मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है और ना मुझे कहीं ना कहीं ना आप अगर कनेक्ट कर दें इनको बेटी से तो मैंने कहा बिल्कुल कर लेता हूँ बिल्कुल नॉर्मल डिस्कशन हो गई ज़रूरत कहते हैं हाँ और मैं ये समझता हूँ कि नुकसान हो भी सकता है ना ठीक है ठीक है सो मैंने मैं डर गया मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं कहते हैं हाँ नहीं नहीं मुझे पता है आप परेशान ना हो मुझे पता है कि पैसे मेरे ना डूब भी सकते हैं तो मैंने कहा यार यू आर नॉट नॉर्मल यू आर नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड सो आई डू एडवाइस अभी आप यहाँ से चले जाएँ और कम अज़ कम महीने के बाद आए क्योंकि अगर आपने ये वाली बात बच्चे को बता दी बता दी मैं यही बात लेकिन अगर आपने ये वाली बात बच्चे को बता दी ना कि मुझे पता है कि नुकसान हो सकता है फिर आप भूल जाए ठीक है सो अगर आप रुपया भी लगा रहे हैं ना तो आप कहेंगे सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरा लॉस हो और जब आप बच्चे के पास आएँ तो आप उसे पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल लें पूरी कैलकुलेशन लें पूरी अंडरस्टैंडिंग लें क्या होगा कैसे होगा क्या स्ट्रेचिज होंगी क्या बात होगी लेकिन आप तो जैसे चैरिटी देते हैं वैसे बिजनेस में पैसा डाल के आगे कि हो गया तो हो गया नहीं हुआ नहीं, हुआ, नहीं हुआ, तो वो तो फिर आपकी लक हो गई ना आपने रिस्क ले लिया कि अल्लाह की किस्मत में हुआ नसीब में हुआ अच्छा बंदा टकर गया तो ठीक है नहीं है तो नहीं है तो देख तो लेना क्या पता अगर आपको दो मिनट में जज करने से बंदे का पता चल जाता है तो उस चीज़ को किस्मत तो और नसीब पे जरूर छोड़ना हाँ। या मतलब हमारे साथ तो जब भी कुछ बुरा हो जाता तो हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते ना वो कहते मैं तो बदला नहीं सकता अल्लाह तुझसे बदला लेगा तो अल्लाह को बदला लेने के लिए रखा हुआ सो वी आर ए सोसाइटी लाइक दिस सो मुझे लगता है कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप बिज़नेस कर रहे हैं ना या वेंचर कर रहे हैं तो यू मस्ट है अंडरस्टैंडिंग और नहीं है तो इट्स ऑल ओके लेकिन एटलीस्ट आपकी अप्रोच तो होनी चाहिए ना मिसाल के तौर पर अगर आप जब एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको ऑन पेपर ले आएँ ब्लैक एंड वाइट में लें आप यकीन करें आपके 80 परसेंट से ज़्यादा पार्टनरशिप्स या तो नहीं होंगी अगर होंगे तो सक्सेसफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ठीक है, है। क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब आपकी जबानी कलामी बात है तो मैंने तो जब भी लोगों में कॉन्फ्लिक्ट देखा है उसने ये कहा था उसने ये कहा था भाई कहना तो नहीं होता अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर कोई भी मामला तुम लोग करो और अगर उसको उसमें तुमने लिखत पढ़त नहीं की तो क्या मतलब कहते हैं मुझसे ना पूछना और हम लोग इधर आके नहीं जी मैंने तो उस पर ट्रस्ट किया था तो ट्रस्ट इज़ अ गुड थिंग बट बिज़नेस इज़ अ बिजनेस कप ऑफ टीज़ कप ऑफ टी आप आएँ आप लिखें आप डॉक्यूमेंट करें टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हों वो क्लियर होंगी तो पता चलेगा और मैंने उसमें देखा है कि उसमें काफ़ी लोग हो जाते हैं तो क्योंकि वो तो एक जनरल डिस्कशंस है एक बंदा किस में देते वो पेपर पे लेके आते हैं तो क्लैरिटी होती है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स डैट कैन बी कंसिडर जो कि उस रिस्क को मैं नमाइज़ कर सकती हैं लेकिन मुझे लगता है कि इन रिटर्न एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोइंग अ बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोइंग यूर पार्टनर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हाउ प्रोफेशनल ही और शी इज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ही इज़ ही और शी इज़ अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन डैट स्पेसिफिक डिमैन और ही और शी हैज़ सम अदर पीपल हु आर एक्सपर्ट इन एट वो जो हमारे वो कॉन्सेप्ट है ना क्लाइंट एक्जिशन वाला और क्लाइंट रिटेंशन वाला या वो बॉटम लाइनर और फाइन लाइनर वाला ठीक है ना कि आपका वो जो है वो बॉटम लाइनर पकड़ा है और उसको नहीं पता फाइन लाइनर वाला क्या करेगा लेकिन वो किसी के बिहाफ के ऊपर आपको कह रहा है कि जी आप बेफिक्र हो जाए सो so, सो so, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ही मस्ट नो कि भाई आ, मेरा बिजनेस चलाएगा कौन ठीक है तो अगर वो बंदा है जिसे कनेक्ट कर दिया और वो कल गायब हो जाए ठीक है तो फिर क्या होगा मतलब आई हैव सीन सम पीपल आई विल नॉट नेम इट बट दैट्स आर कॉमन फ्रेंड तो वो एक दफ़ा और मेरा ना कभी भी अभी भी ना दिमाग में ऐसा लगता है कि जो को ना गोलियाँ मार रहा है जब मैं वो बात होता हूँ तो वो एक दफ़ा दफ़ाया उन्होंने कहा एजेंसी बनानी है ठीक है और मैंने कहा अच्छा यार क्यों बनानी है तो उन्होंने कहा अच्छा चार महीने के बाद शादी करनी है तो इसे एजेंसी बनानी ठीक है ना सो इज दिस अ क्राइटेरिया टू मेक एन एजेंसी ठीक है ना कि अगर आपने शादी करनी है तो पैसे जोड़ो उसका एजेंसी बनाने से क्या ताल्लुक है ठीक है so, सो जब आपकी अप्रोच ऐसी हो और दूसरे बंदों को वो इन्वेस्टर से पैसे ले रहा है तो उसकी तो कहीं मोटिवेशन और होगी ना तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार उनकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं वो कितने एक्सपर्ट हैं ठीक है ठेके ना ठेके कि डोमेन नॉलेज उनका है या नहीं है उससे पहले उन्होंने कितने सक्सेसफुल बिजनेसेस को रन किया हुआ ठीक so है सो अगर पाकिस्तानी बच्चा कहते नहीं यार मुझ पर भी ट्रस्ट कर लेना अल्लाह ताला आपको बहुत देगा तो ये तो फिर अच्छा तो वैसे भी जैसे आपने पार्टनर की बात की तो एक सवाल मैंने वैसे भी लिख के रखा था दिमाग दिमाग में काफ़ी दिनों से था कि आपसे करूँगा मतलब ये बिफोर दैट Okay, कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपका जब भी बिजनेस पार्टनर है एज अ मेल तो आपका फीमेल के साथ कर लेनी चाहिए पार्टनरशिप या नहीं क्योंकि आई जस्ट वो नो कि सक्सेसफुल होती है पाकिस्तान में की बात कर मैं शादी की <laughs> नहीं, नहीं ओके। इसका मतलब है कि आप, आप ये कह रहे हैं कि क्या खुवा के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए शादी, तो तो कर, शादी तो कर okay, थैंक यू वरना तो इसका मतलब दूसरा बन सकता है कुछ तो हमारी सोसाइटी वहाँ तक नहीं पहुंची कुछ स्टडी केसेज मेरे पास है तो मैं चाहता था आपका क्योंकि एक्सपीरियंस आप मल्टीपल लोग के साथ मिलते हैं वही तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू के के फीमेल साथ उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ओके ऑन अ लाइटर नोट ना हाँ, you, जस जस आपका न, 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 आपका नहीं नहीं पर्सनल वो मैं ओपिनियन दे देता दे तो, हूं लेकिन उससे पहले यूएस में ना अगर कहीं जो है ना वो मतलब अगर बच्चे जो है ना वो लड़का जो है लड़के के साथ हॉस्टल में रहना शुरू कर दे या लड़की लड़की के साथ हॉस्टल में रहना शुरू कर दे ना तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ठीक है ठीक है सो अगर लड़का लड़की के साथ रहे तो वो कहते हैं ऑल ओके पाकिस्तान में उसके ऑपोजिट है ठीक है सो सो कल्चरल डिफरेंस है तो so, 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 uh, so, मुझे लगता है कि इट्स इट्स जैसे कल्चर ठीक आप जेंडर की बेसिस पर आप कहेंगे पार्टनरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो जेंडर इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स और ऑनेस्टली मैं कभी भी किसी को भी जेंडर के बेसिस पे एसेस नहीं करता तो so, मैं तो ये करता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर एंड व्हाट आई हैव सीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक्सपोजर के कम या ज़्यादा होने की वजह से मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंसेज आ जाते हैं बट अदरवाइज़ अगर उतनी अपॉर्चुनिटी उतना ही एक्सपोजर अगर फीमेल्स को मिले तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बहुत ज़्यादा बेटर और आउट परफॉर्म करते हैं तो दिर इज नो डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ पार्टनरशिप विद मेल और हैविंग अ पार्टनरशिप पार्टनरशिप विद अ फीमेल हाँ अब जो दूसरा एंगल है वो ये देखते हैं कि यार उसके कॉन्स्टेंट्स को देखना बड़ा ज़रूरी है मिसाल के तौर तो पर आपके साथ फीमेल पार्टनरशिप कर रही है और उसकी शादी होगी उसने कहा अब मेरा शोहर ये कहता है या मे अब मेरा ससुराल ये कहता है ठीक है सो so, तो खत्म तो और एंड एंड दिस इज़ नॉट ओनली इन द पार्टनरशिप दिस इज़ आल्सो इन द एम्प्लॉयमेंट कि बड़ा एक सीरियस है कि आप जा रहे हैं करियर में ठाठा करके जाते हैं आप उसको प्रमोशन दे रहे होते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर कॉस्टिंग्स को प्रिडिक्ट करते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बेसिस पे ऐसा ही है ठीक है ना और एक दिन आता है कि जी घर में कोई ना कोई मामला आता है तो वो एक ऐसा इंटरवीनिंग वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता आप सर पकड़ के रह लेते हैं एंड डैट्स वाई यू डोंट ट्रस्ट दी वोमेंस बिकॉज उनके डिसीजनस उनके हाथ में नहीं है, बट दे आर सो मैनी वमेंस जो कि इंडिपेंडेंट हैं फैमिली उनके साथ स्टैंड करती हैं उनके हस्बेंड्स भी उनके साथ स्टैंड करते हैं और वो ख़ुद इतनी असल्टिव हैं कि वो तमाम चीज़ों को बैलेंस भी करते हैं और अगर उनके साथ काम करें तो देर इज़ नो ऑर्ड एंड टू एट तो एक्चुअली तो इट्स नॉट अ मेल एंड द फीमेल इट इज़ दी कॉन्सट्रेंट डैट आर एसोसिएटेड विद द पर्सन और वो वो मैं ये नहीं कह सकता कि तमाम ख़्वीन के साथ ऐसे होंगे या उनकी पर्सनैलिटीज़ के साथ ऐसे होंगे या मेल्स के साथ ऐसे होंगे उनके पर्सनैलिटीज़ के साथ ऐसे होंगे तो लिमिटेशन uh, हैं और दीज आर दोसाइटल इशूज़ लेकिन अब आके इस टाइम के अंदर वो तमाम ख़ोतियों के साथ नहीं तो उन फैक्टर्स को मुझे लगता है येस जज लाजमी करना चाहिए एंड इफ दे आर सॉल्टिड दैन वाई नॉट लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पार्टनरशिप का असूल है ना वो ये है कि आप हमेशा पार्टनरशिप करते हैं अपने कम्पैटेटिव एडवान्टज़ के ऊपर तो कभी भी आप पार्टनरशिप वहाँ ना करें जहाँ दोनों की एक जैसी स्ट्रेंथ हो ठीक है तो वहाँ करें जहाँ पार्टनर ए की डिफरेंट स्ट्रेंथ है आपकी डिफरेंट स्ट्रेंथ है और वो दोनों की दोनों स्ट्रेंथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ और वो इफेक्ट करें फिर आपकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी अगर आप दोनों एक जैसे हैं ना तो क्लेप्स करेंगे मैं अक्सर पूछता पूछना चाहिए क्यों पार्टनरशिप क्या ये तो मेरे साथ ही आया था इंकोपेशन में क्यों पार्टनरशिप की ये मेरा कजन है क्यों पार्टनरशिप की sure. ये मेरा भाई है ये मेरा दोस्त है हम इकट्ठे बैठते हैं ठीक है ना इज दिस अ क्राइटेरिया टू हैव अ पार्टनरशिप डैट्स डिजास्टर अच्छा वो भी होलसेल कर रहे हैं मैं अभी है। अटैच हो जाता एक साथ रह रहे so, तो हाँ, so, 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 क्योंकि जो वो कहते हैं ना कि अगर दोस्त फेल होगा तो तकलीफ होगी दोस्त पास हो फ आएगा तो ज्यादा तकलीफ होगा तो जब बिजनेस चलने लग जाएगा और दोनों की एक ही स्ट्रेंथ होंगी तो दोनों सोचेंगे यार ये तो मैं भी कर लूँगा तो मैं कर लूँगा तो मैं ज़्यादा ना कमा लूँ तो आपकी हमेशा पार्टनरशिप वहाँ होनी चाहिए जहाँ दो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्ट्रेंथ हों और दोनों बड़े क्लियर हो कि यार इस चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ दूसरी चीज़ में वो अच्छा नहीं है लेकिन हम जब दोनों मिल चलेंगे तो हम दोनों की जो लिमिटेशन हैं वो दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ अनर्जाइज हो जाएंगी और हमें अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करने के ऊपर लगा दें ठीक है तो तो वहाँ पर पार्टनरशिप सक्सेस अच्छा एक चीज़ और है सर आपने कहा कि प्रोसेसिस या अपने एडवांटेजेस को देखें तो हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया भी तो लिखा हुआ नहीं है ना कि हम ये देख लें कि अब दो बंदे अगर पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि हम उसके चेक क्रॉस कर लें नहीं आसान है यार वो हम समाइम एक्सरसाइज भी करते हैं देखें बात यह है कि जो स्ट्रेटी है ना एक टर्म इस्तेमाल होती है अक्सर लोग पूछते हैं अक्सर लोगों को उसकी डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है स्ट्रेटजी एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसका आउटकम कम्पटेटिव एडवांटेज होता है हम कम्पटेटिव एडवांटेज उस कोर कॉम्पिटेंसी को कहते हैं जो हमारे पास होती है और किसी के पास नहीं होती तो अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ हमारे पास है जो किसी और के पास नहीं है तो वो हमारा कंपेटेटिव एडवांटेज है अच्छा इसमें एक चीज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं स्वाट एनालिसिस हम आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं क्या वीकनेसेस हैं एज एन इंटरनल फैक्टर और आपकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं एज एन एक्सटर्नल फैक्टर तो आप अपनी इस जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख लें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देख लें दूसरा भी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स कॉमनली सेम होती हैं लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस हर बंदे की डिफरेंट होती हैं तो वो जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं उसके ऊपर पता चल जाता है कि वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं हम लोग बहुत जबानी कलामी चीज़ों को करते हैं हमने कभी अपने बारे में भी नहीं लिखा दूसरे के वाले से भी नहीं लिखते सो तो अगर हम लिखें और हमें हमारी खुद की पहचान क्यों नहीं होती इस वजह से नहीं होती कि हमने कभी भी अपने बारे में नहीं लिखा तो मैं अक्सर लोगों से पूछता अच्छा यार तुम्हारा पर्पज़ ऑफ़ लाइफ क्या है पाँच महीने के बाद पूछता हूँ पर्पज लाइफ कुछ और होता है, है। ठीक है सो so, क्योंकि वो उस वक्त वो वोट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं अगली दफ़ा आउट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो उनको पहचान ही नहीं होती अक्सर मतलब फेवरेट कलर क्या है फेवरेट फूड क्या है फेवरेट खाना क्या है फेवरेट ब्रांड क्या है तो कुछ नहीं पता होता या उस वक्त जो ऑन द स्पॉट होगा तो वो बोल देंगे सो so, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है अपने बारे में तो वो एक लिमिटेशंस है जो बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं और उसकी वजह से डिसीजंस गलत होते हैं डिसीजंस गलत होते हैं तो बिजनेस में लॉसेस होते हैं सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉट एनालिसिस करें स्ट्रैटी बनाएं स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप अपने पर्पस के को सामने रख के सॉट एनालिसिस करते हैं उसकी बेसिस पे एक ऐसा कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करते हैं जो किसी और के पास ना हो तो अगर दोनों लोग ये कर लें पेपर्स पे सामने रख लें और देख लें कि भाई ये हम कर सकते हैं ये नहीं कर सकते इस चीज़ में अच्छे अच्छे इसमें नहीं है तो आप यकीन माने तो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे और देखें बिज़नेस से पार्टनरशिप का तो नाम नहीं है ना पार्टनरशिप इज़ पॉइंट ज़ीरो ऐसे ही है ना उसके है। बाद उन्होंने जाके बिजनेस करके उसको सक्सेसफुल करना है तो उस पॉइंट पे फाउंडेशन पे फंडामेंटली अगर उनकी क्लैरिटी होगी तो वो आगे सक्सेसफुल होंगे अगर उनकी क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ उनको डिसीजन लेना होगा लेकिन दोनों को एक दूसरे के बारे में भी नहीं पता होगा अपने बारे में भी नहीं पता होगा तो वो क्लास होते हुए चले जाएंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी क्या जो है स्ट्रेंथ है इट इज़ टू एन एक्सटेंड के फॉर एग्जांपल मैं इंकोबेटर्स में अगर हेड ऑफ़ इंकोबेशन को हंट करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि तमाम के तमाम इंकुपेशन के जो हेड्स हैं ना वो एक दूसरे से भी डिफरेंट हो ठीक है दो इंकुपेशन के हेड्स एक जैसे ना हो ऑल दो मुझे रिक्वायरमेंट सेम चाहिए इंकोपेशन के अंदर लेकिन डिफरेंट हो ले, लेकिन लेकिन मेरे लिए डिफरेंट हो बिकॉज मुझे वो उस एक वीक के अंदर जो कि जैसे एनअल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हर बंदा क्योंकि दूसरे से डिफरेंट है हर बंदे के इनपुट बड़ी डिफरेंट होगी हर बंदा उस मॉडल को डिफरेंट तरीके से कंसीव करेगा सो so, जो नेक्स्ट ईयर के स्ट्रेटजी हम इनकोबेशन के लिए बनाने लगेंगे उसमें जब ओपनली हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव के मुताबिक एक फीडबैक दे रहा होगा ना तो वो हमेशा सही फीडबैक होगा उसके मुताबिक सो so, उन तमाम को कंसोलिडेट करके फिर देखते हैं कि रैशनल पॉइंट के ऊपर कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है कौन सी वर्केबल है कौन सी नहीं है कौन सी अभी हो सकती है कौन सी बाद में होगी तो लेकिन डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आप फ्लॉरिश करते हैं आगे बढ़ते हैं अच्छा सर मैं चाहता हूँ एजेंसी और इंटरप्रीनियोरशिप का जो डिफरेंस तो तो है ना बिटवीन वो दोनों को डिफाइन करें अच्छा ऑनटरप्रीनियोरशिप तो फिनोमिना है ना ठीक है और जो एजेंसी है इट इज़ अ कंपनी बहुत साद अल्फाज में वो एक कंपनी है आ, जो आप बनाते हैं और ऑनटरप्रीनरशिप इज इज़ अ होल फिनमिना जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं एंड उसमें एक ऑन्टरप्रन होता है एक इन्वामेंट होती है और उसके अंदर वो एक पूरे के पूरे बिजनेस को लेके चलता है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है उसका फेलियर भी हो सकता है वो रिस्क भी लेता है तो और बहुत सी और चीज़ें आती हैं हमारे पाकिस्तान में होते हैं इंटरप्रीनोरशिप आपने देखी कभी अच्छा मैं इंटरेस्टिंगली बात तो मैं आई वॉज इन आई एम एस मैंने कहा बताया था आपको कि एक साल के लिए आई टुक वॉल्टरली फर्स्ट असाइनमेंट टू एक्सप्लोर द डेफिनेशन ऑफ ऑन्टरप्रीनियोरशिप एंड आई extracted 450 definitions of entrepreneurship and I make a analysis of it and finally I came to the conclusion that there is no exact definition of entrepreneurship mm. and and the reason behind that was very simple that because the two humans can't be alike that's why two entrepreneurs okay. can't be alike so what I believe every businessman is an entrepreneur because he is investing a money he he's taking a time, time into it yeah. there is a risk factor that is involved with it. इन एट सो कहीं भी आप ग्लोबली देखें ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप इससे ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ऑन्टरप्रनीर होंगे इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑन्टरप्रेनियर होंगे इतने से ज़्यादा टाइम देंगे तो होंगे इतने सक्सेसफुल होंगे तो होंगे ठीक है so, सो वो तो एक कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया तो आपके पास जो इंटर्नी आ रहे हैं उसको भी आप इंटरप्रेनियोर कह देंगे फिर जो कि एजेंसी देखें आ, मैं आपको सीधी बात बताऊँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सक्सेसफुल होना है ठीक है ना टर्म्स तो बनाई जाती हैं अंडरस्टैंडिंग्स के लिए तो वो कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बनाई जाती तो मुझे लगता है कि ऑन्ट्रप्रियोर में ओनरशिप ज़्यादा होती है जहाँ आप एक नॉर्मल बिजनेस मैन को करके कि हीज और शी इज़ रेडी टू टेक रिस्क ठीक है और वो बिल्कुल पॉइंट ज़ीरो से अपने आप को इस्टेबलिश करते हैं और बिल्ड करते हैं नॉर्मली जो एसोसिएट किया जाता है ज़्यादातर ऑन्टरप्रेनियोर्स का वर्ल्ड वो उनके साथ है जो कि स्टार्टअप्स बनाते हैं या उनके साथ हैं जो पॉइंट जीरो से स्टार्ट होते हैं टेक्निकल इंक्यूपूटर वालों को हम कहते हैं इज़ इट करेक्ट नहीं नहीं नॉट एट ऑल यार ये सड़क पर जाने वाला जो है एक रेडी लगाने वाला भी है ही इज़ अ वेरी गुड ऑनटरप्रीनोर ऐसा नहीं है देखें मैं एट लीस्ट आई एम वेरी क्लियर और मतलब मैंने क्या ना मैंने फोर फिफ्टी डेफिनेशन पढ़ के आपको ये बात कर रहा हूँ एंड आई है लॉट ऑफ दस ऑन एस एम इज इज वेल ऑन ऑन्टप्रिनशिप ठीक है सो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को उसके साथ एसोसिएट करें लेकिन मैंने कहा जो ज़्यादा एसोसिएट हम लोग करते हैं तो उन लोगों को करते हैं जो जो पॉइंट जीरो से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं बेशक वो आपको मार्केट में नज़र आते हैं बेशक आपको वो स्टार्टअप इको में नज़र आएँ बेशक आपको वो ई कॉमर्स इको में नज़र आएँ एंड इवन इट्स अदरवाइज लेकिन दे ऑल आर ऑन्टरप्रेनर्स और देखें जो ब्रॉड तीन चार फैक्टर्स हैं जिनको ऑन्टरप्रेनरशिप के अंदर देखा जा सकता ठीक है ना उसमें एक रिस्क फैक्टर होता है कि वो लिया गया या नहीं लिया गया ठीक है दूसरा उसके अंदर इनोवेशन ये क्रिएटिविटी जो है उसको, उसको जो है देखता है तीसरा वो ये देखा जाता है कि जो ऑन्टपेनोर है उसमें रिजिलियंस और ग्रिड कितनी है ठीक है तो ब्रॉडली मैं अगर उन तमाम डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट करके देखूँ ना तो ये तीन ब्रॉड ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एक बंदे को पना देखा जाता है मैयर किया जाता है कि हाँ यार उसमें ऑन्ट्रप्रनोरल फिनमिना कितना है डाट इट मैं आपके साथ थोड़ा सा एजेंसी पे चाहता हूँ डिस्कशन करूँ मुझे कुछ आपके डायलॉग याद हैं मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्डेड आ जाए और मुझे वो बहुत पसंद है ठीक <laughs> है एक तो आपका मुझे याद है कि वो अगर आप करेक्ट करिएगा फास्ट फेलियर आई वन टू रेफरेंस समथिंग कि मुझे रेफरेंस याद नहीं है आपकी बस वो बात याद है तो आपने डेडिकेट किया था मैं आपके सेशन में बैठा हुआ था तो वो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसकी हिस्ट्री में जानना चाहता हूँ सोसाइटल है हमारा ना हम लोग क्लियर नहीं है और हम लोग ना सच भी नहीं बोलते और हम लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है मिसाल के तौर तो पर अगर कोई बंदा कहेगा ना कि यार फ़ोन करके और बहुत अच्छा दोस्तों का अच्छा यार मुझे पचास हज़ार रुपए की ज़रूरत है और ये एमरजेंसी तुम दे दो और हमारे पास नहीं होगा या हम नहीं देना चाहेंगे हम इंकार नहीं करेंगे बताता हूँ हम उसको बताता हूँ लटका के <laughs> रखेंगे हम दूसरे बंदे को होप लाजमी देंगे ठीक है ना हम उसको स्ट्रेट नो नहीं कहेंगे हमें ये लगता है कि एथिकली पाकिस्तानी सोसाइटी में इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और हम ये कहते हैं वो खुद ही समझ जाए कि हम नहीं दे रहे अब वो बेचारा अगर नहीं ख़ुद समझ रहा और वो आपकी ज़ुबान पे यकीन कर रहा है तो वो बेचारा तो क्या वो दूसरी दफ़ा पूछेगा तीसरी दफ़ा पूछेगा तो आप उसको तैयार करते हैं कि वो जलील हो के जो है वो चुप कर जाए माँ नस्बत ये है कि आप मुँह से बोल दें ठीक है और मैंने इस सोसाइटी में ये भी देखा है कि जो मुँह से बोल देता है कि अच्छा नहीं तो वो बुरा बन जाता है ठीक है ना जो नहीं बोलता वो कहता है जी मैं तो कोशिश करता रहा नहीं हुआ तो क्या बना तो लोग उसको सही समझते हैं सो सो है अब उसका आउटकम जो है ना या उस उसी की रिफ्लेक्शन अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन में आती है है ऑर्गेनाइजेशन में आप जब हायरिंग करते हैं और खासतौर पर जो माइक्रो एजेंसीज में हायरिंग करते हैं ना तो कहीं ना कहीं रेफरेंस बेस पे रिलेशनशिप बेस पे अपने को वर्कर्स को टीम्स को साथ बिठाते हैं लेके चलते हैं है। अब उनमें से कोई परफॉर्म कर पाते हैं कोई नहीं कर पाते आपने हायरिंग भी एक प्रोसेस के थ्रू नहीं की होती फिल्टर भी नहीं लगाए होते साथ चल रहे होते अब एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है लेकिन आप कहते हैं अल्लाह खैर करेगा कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हैं लंबा चलते हैं ठीक है और मैंने बहुत सी एजेंसीज़ को ख़त्म होते हुए देखा है इस वजह से कि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं किया अबाउट द टीम्स सो जो मेरा वो जो स्टेटमेंट है डेट इज़ वेरी सिंपल इफ यू कॉन्ट सक्सीड फेल फास्ट एंड इट इज़ वैलिड फॉर द टीम्स इट इज़ वैलिड फॉर द बिजनेस इट इज़ वैलिड फॉर द पार्टनरशिप्स एंड इट इज़ वैलिड फॉर सो मैनी थिंग्स सो आप किसी भी लाइफ में जा रहे हैं अपनी एजेंसी बनाई पार्टनर लिया आपको लगता है इस पार्टनर के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं चल सकता अपनी हजत सारी तमाम कर लें लेकिन आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकते फेल फास्ट वहीं ख़त्म कर दें इसी तरीके से कि आपको लगता है कि आप अपनी टीम के साथ जो हैं वो आगे नहीं लंबा चल सकते तो आपको फेल फास्ट करना चाहिए उसकी कॉस्ट है एंड दिस इज दिस इज़ समथिंग जो कि मैं अपनी इंक्यूबेशन की टीम्स को भी कॉन्टीन्यूसली कह रहा था आइडेंटिफाई करके कह रहा हूँ सो आई एम वेरी क्लियर कि दे आर दी कैप्टनशिप इन देयर इंकूबेटर्स दे हैव टू मेक अ डिसीजन आई विल नॉट इन्फ्लुएंस देम ठीक है ना आफ्टर फर्स्ट लेवल लेकिन इट विल बी देयर डिसीजन टू रिटेन और टू हायर और टू फायर लेकिन मैं हमेशा आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई ये लिमिटेशन है वो ये नहीं हो सकती लेकिन एटलीस्ट आई एम वेरी क्लियर कि मैंने किसको रखना है किसको नहीं रखना है एंड इफ़ यू कॉन्ट सक्सीड फेल फास्ट उसमें शायद आपको दिनों का भी सब्र जो है वो नहीं करना चाहिए तो इसके अलावा कोई और सजेशन आप देते हो एजेंसी को ये तो मैंने एक सुना हुआ है ना आपका डर तो मैंने बताया ऐसी कोई आपकी आउटलाइन बनी हुई कि यार फेस फेस फेल फास्ट एक गे था इसके अलावा कोई और भी कहो देर इज दे लॉट अगर आप मुझे लगता है अगर क्वेश्चन वगैरह कहेंगे तो एजेंसी इज माई मतलब एजेंसी कोचिंग या ग्रोथ हैकिंग इज़ माई स्पेशलिटी तो ठीक है ना तो तो स्टार्टअप विको सिस्टम में भी यही यही तमाम का तमाम किया है तो वो है मुझे लगता है कि मतलब दॉट अब मिसाल के तौर पर अब एक चीज़ जो कोलाब्रेशन है ना उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि जी मुझे आप लोग एक बात बताएँ कि पाकिस्तान में हम लोग जो है ना कलेक्टिविज्म है इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं लेकिन वी आर बैड इन टीम्स अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है हर बंदा दूसरे से अलहदा रहता है ठीक है बट दे आर परफेक्ट इन टीम्स अभी भी हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कल ख़त्म हुई है ठीक है ना तो वी हैड सम आर फ्रेंड्स फ्रॉम द यूएस ठीक है ना तो वन ऑफ देम वाज वाइंग लिटरली क्राइंग और उसको फिर मैंने हक किया एंड बट बिकॉज इट वाज नॉट न्यू टू मी तो हम हमारे पास पहले भी हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को यू से बुलाया था तो वो ऐसा होता है जो हमारे कल्चर को देखते हैं हमें देखते हैं और जितना वो देखते हैं कि ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और जितने प्यार और मोहब्बत से मिल रहे हैं तो समटाइम्स वो वो नहीं आ, उनके लिए चीज़ बड़ी डिफरेंट है Uh, और मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ बींग देयर इन अमेरिका एंड इंटरेक्टिंग विद दैम हेयर इन पाकिस्तान तो वो उनजुअलिज़म है दे आर गुड इन टीम्स हमें क्लेक्टिवज़म है वो या पैथेटिक इन टीम्स तो रीज़न क्या सो so, यकीन करें मुझे कभी भी किसी ने भी वो वो चीज़ जो है वो नहीं बताई लेकिन और वो देर इज़ लॉट ऑफ कहानियाँ और रीज़न्स कि ऐसा होता है वैसा होता है लीडरशिप होनी चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए नॉट नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ लेकिन जो की है ना जो आपने पूछा कि इसके अलावा अगर कुछ बताएँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो लोग टीम्स में काम करते हैं ना तो उसका मतलब है फॉर टी ई ए और एम तो वो सबसे पहले वर्क को प्लान करेंगे एक टास्क होगा एक प्रोजेक्ट होगा उसको वो डिवाइड करेंगे ठीक है ना उसको डिवाइड करने के बाद देखें कि हमारे पास कौन कौन सी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है और कौन सी ह्यूमन रिसोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ की बेसिस पर उसको कौन सा टास्क देना चाहिए तो किसको टी देना चाहिए किसको को ई देना चाहिए किसको ए देना चाहिए किसको एम देना चाहिए, चाहिए? ठीक है ना तो टीम वन को फॉर एग्ज़ाम्पल टी दे देंगे टीम टू को ई दे देंगे फिर ए दे, दे देंगे एंड देन टी टीम फोर को वो एम दे देंगे वो कहेंगे तुमने सिर्फ टी को देखना है दूसरे को कहते तुमने ई को देखना है तुमने ए को देखना होगा उनको नहीं पता कि दूसरा क्या कर रहा है पाकिस्तान में सबसे अहम काम जो है वो हमारा नहीं होता बाकी सबका होता है ठीक है ना दुनिया तो में जो सबसे अहम काम या कंपनी में सबसे ज़्यादा अहम काम हमारा अपना काम होता है ना ऑफिस बॉय या नैब कासिर का होता है ना कंपनी के सी का होता है अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा अहम काम जो है ना वो कंपनी के सी का होता है भाई वो क्या कर रहा है वो कहाँ जा रहा है वो क्या फहरा है ठीक है या डिपार्टमेंट के हेड का हो जाएगा तो अपना काम कभी अहम नहीं होता तो उनके लिए अपना काम अहम होता है तो वो लोग टीम्स में काम नहीं करते हैं वो लोग अपना काम करते हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ना वो उस काम को इकट्ठा कर देता है और वो कहता है वाओ वट ए टीम वर्क हमारे यहाँ जब भी प्रोजेक्ट मैनेजर आते हैं ना या कोई भी एजेंसी ओनर आते हैं वो आता है बैठता है गप लगाता है वो कहते हैं हमने ये काम किया पूरी टीम को जो है बादशाह सलामत की तरह बैठाता है और उसके बाद कहता है कि भाई ये काम करना है समझ आ गई टीम भी कहती है जी बिल्कुल समझ आ गई उसके बाद जब काम आता है टाइम लेने का और वक्त डेडलाइन ख़त्म हो जाती हैं काम क्यों नहीं हुआ तो टीम बता रही होती है वो ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया ये हो गया वो हो गया एवरी टाइम जो है वो आप कहानियाँ सुन रहे होते हैं तो क्योंकि ना ही टास्क ब्रेक हुआ नहीं हुआ अगली दफ़ा फिर दोबारा ये कहानी शुरू हो जाती है और उसमें अगर कहीं गलती से आपकी टीम में कोई अच्छा बंदा हो गया जिसको काम करना आ गया ठीक है ना तो वो तो बेचारा काम तो करता तो रहता है तो फिर उसको छुट्टी ना मिली जैसे सबक याद किया क्योंकि आपने इक्वल डिवीजन तो नहीं की तो जो अच्छा काम करने वाला है वो भी डीमोटिवेट हो रहा है ठीक है और जो गलत काम करने वाले हैं उनके भी मज़े लगे हुए हैं ठीक है और परफॉर्मेंस मैकेनिज्म तो आपके पास है नहीं तो जो इवन जो काम अच्छा नहीं करता वो सबसे ज़्यादा टाइम किस पे इन्वेस्ट करता है आप पे और दूसरा बेचारा काम कर रहा है ठीक है तो आप तो, है। तो आपके पास नुआइस उसकी ज़्यादा आती है ज़्यादा कहानियाँ उसकी ज़्यादा सुनाई देती हैं जो आपके साथ होता है और वो बता रहा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा तो अगर कंपनी में मैंने पाँच या छः लोगों को भी देखा ना उनमें से तीन से चार तो जो होते हैं ना वो फाउंडर को बता रहे होते हैं और जो एजेंसी ओनर होता है ना वो भी कलफ की बाल्टी से निकला हुआ होता है उसमें कुछ डॉलर कमाने लग जाते हैं तो उसको लगता है वो बहुत बड़ा आदमी हो गया ठीक है ना तो उसके एटीट्यूड में भी फ़र्क आ जाता है सरिया भी लग जाता है कराची में ऐसा नहीं है लेकिन और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आई लव कराची वेरी ऑनस्सली ठीक है ना वेन आई लुक एट दी यंग ऑनटरप्रीनर्स हेयर इन कराची लेकिन यर गो टू पंजाब गो टू इस्लामाबाद ओ माई गॉड यू हैव नो आइडिया तो वहाँ तो सरिया उस, लग जाता है हाँ हाँ वो है ना वो वो जमींदार टाइप लोग हैं ना पंजाब के हम सारे तो वो वो तो जब आपके पास पैसा आना लगता है तो आपको ना वो आप में वो सेठ वाला एलिमेंट आने लग जाता है और उन्हीं चेयर्स पे जो बैठने वाले लोग हैं ना वो आपको छोटे नजर आने लग जाते हैं तो एंड एंड हेयर कम्स अ प्रॉब्लम और फिर जब आप उनको हुक्म देते हैं ना तो आप उनको फिर वो टीम की तरह नहीं कह रहे हो तो मैं आपको मेजॉरिटी सेंस में जो है वो बता रहा हूँ कि के ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही है और फिर जब आप उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो फिर कहते हैं वो टीम को समझ ही नहीं आती सो इफ देर इज़ नो प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यू आर द owner or the founder of the micro agency then you are the project manager you have to divide a task you have to assign one task to one person kisi bhi ek task ke liye do log responsible nahi ho sakte full stop so okay. ye bahut important hai कहीं भी ज़िंदगी के अंदर अगर आप agency बनाना चाह रहे हैं या धूल रख लें कि कोई भी एक टास्क दो बंदों की दो बंदों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं हो सकती दुनिया में ठीक है ना अगर है तो देन इट्स अ डिज़ास्टर ये कायनात भी दो हस्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं कि अगर दो खुदा होते तो कायनात तबाह हो चुकी होती ठीक है ना इसी वजह से मैं ही मौजूद हूँ इसी तरीके से अगर एक टास्क को दो लोग संभाल रहे होंगे तो वो टास्क तबाह हो जाएगा ठीक है ना वो नहीं चलेगा तो हम तो तमाम लोगों को मिल के टीम में कहते हैं जो तुम लोगों ने ये वाला काम करना है और हम समझते हैं कि सारे इतने समझ आ रहे हैं कि वो खुद ही समझ लेंगे कि मैंने ये करना मैंने ये करना है मैंने ये करना और एंड आई हैव डन सो मैनी सोशल एक्सपैरिमेंट्स इन माई लाइफ इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स प्रैक्टिकली तो जहाँ आप जिस टीम को जितना ज़्यादा कहते थे ना मैंने एक छोटा सा टास्क जिसकी टोटल टाइम जो है ना एग्जीक्यूट करने का शायद तीन से चार घंटे था वो मैंने बीस लोगों की टीम को दिया और उनको मैंने तीन महीने दिए और मैंने कहा ये मुझे काम करके दिखाते लेकिन मैं आप लोगों को अवेलुएट करूँगा जो काम आपने किया ठीक है और वो लोग नहीं कर सके और सबको मैंने ओ फायर कर दिया so, सो के, 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 आपके टीम में इतने ज़्यादा लोग हों और आप कहें भाई एक काम आपने करना है जो कि शायद आपके पाँच मिनट में हो लेकिन लोगों की एबिलिटी नहीं है कि वो टास्क को डिवाइड करके कर सकते हैं मैंने कहा बस तुमने ये बताना है आके तुमने ये नहीं बताया हमने ये किया तुमने ये बताना है मैंने ही ये किया डार्ड सेट तो अभी ये कहना चाह रहे हैं एज एजेंसी ऑनर भी कि वो अगर उसके पास अगर पाँच लोग हैं तो पाँचों के वो अलग अलग टास्क डिवाइड करें करेंट के कि वो पूरी टीम के ऊपर जाएगी एंड एवरी टाइम इट इज़ नॉट एक दफ़ा बता दिया और जॉब डिस्क्रिप्शन हो गई देखें अगर पाँचों के अलहदा टास्क डिवाइड किए ना तो दिस इज जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि शायद हम पहली स्टेज पर बताते हैं hmm. लेकिन हर टाइम बहुत से प्रोजेक्ट्स आते हैं hmm. हर टाइम्स आपको वीकली मीटिंग्स में टीम के साथ बैठ के कहना पड़ता है कि अब हमने ये काम करना है बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि मिल के किए जाते हैं तो एवरी टाइम व्हेन यू आर असाइनिंग अ न्यू रोल और अ न्यू टास्क टू द टीम यू हैव टू डिवाइड द टास्क और आपको ये बताना चाहिए कि ये काम तुमने करना है एंड इट मस्ट भी इन राइटिंग एंड देन यू विल सी द परफॉर्मेंस फिर काम करने वाले को अप्रिसिएशन मिलेगी जो काम नहीं कर रहा ठीक है ना वो क्लैप्स करेगा एंड आई हैव सीन फॉर एग्जाम्पल एक पूरा का पूरा काम है तो उसमें आठ लोग इन्वॉल्व हैं ठीक है सो so, मैंने पाँच से छः लोगों को मतलब वार्निंग्स वगैरह भी दी और उनमें से शायद एक ऐसा बंदा था जिसको मैंने कहा कि एंड इट वाज अ डिज़ास्टर काम नहीं हुआ लेकिन मैंने पूरे प्र, प, प्रोसेस yeah. में देखा कि देर इज़ अ वन पर्सन आई अप्रीशिएटेड अलॉट बिकॉज शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब जो का टास्क मैंने उसको दिया उसने अपना काम किया बाकी लोगों ने नहीं किया सो so, जो क्लेप्स किया वो बाकी लोगों की वजह से किया लेकिन जो काम उस तक पहुंचा वो उसने 100 परसेंट किया तो मैंने कहा यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब तो उस पूरे टास्क में ठीक है ना एक पर्सन ने अपनी क्रेडिबिलिटी को इनहेंस किया बाकी लोगों ने आ, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो क्या अदरवाइज तो so आप जज ही नहीं कर पाए कर पाएंगे ना और आपको ऐसा लगता है कि हमारे जब जैसी वो एजेंसी खोलता है जिससे हमने कहा कि सरिया लग जाता है और वो लर्निंग भी छोड़ देता है उसके बाद वो पढ़ना और आगे ग्रोथ करने की स्ट्रैटी जैसे अगर वो अब हम स्ट्रेट लेते हैं इंक्यूबेटर में आया एक कम्यूनिटी के साथ उसने सीखा लेट्स वो एजेंसी पर आ गया उसके आगे वो स्ट्रक हो गया है पाँच बंदे या दस बंदे में उसकी क्या वजह होती है ओके देखें जब आपको ये लगता है ना कि अब आप बॉस हैं या जब <laughs> आप सीओ हैं सो एक ये बड़ी गलत परसेप्शन है कि आप ये मतलब आप ये लोगों में परसेप्शन देना चाहते हैं कि आई नो एवरी थिंग ठीक है ना रादर देन <laughs> के भाई मेरी ये एक्सपर्टीज हैं और कुछ ऐसी रीजंस होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ बिठाया ठीक है लेकिन जो मेरी डोमेन नहीं है वो डोमेन नहीं है आई विल नॉट टॉक अबाउट इट आई विल टॉक लेस अबाउट इट और दिस इज़ माई परसेप्शन अबाउट दिस थिंग लेकिन आप लोग मुझे बता दें सो so, मैंने बहुत से लोगों को खास तौर पर यहाँ देखा अच्छा बाहर नहीं है आ, मैं मतलब आई हैव अ लॉट विद इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स थ्रू आउट माई करियर वहाँ इफ़ दे आर श्योर नाइन्टी नाइन परसेंट दे आर नॉट क्लियर वन परसेंट ठीक है ना तो वो कहेंगे आई डोंट नो ठीक है ना यहाँ हम एक परसेंट अगर क्लियर होंगे नाइन्टी नाइन परसेंट डाउट होगा तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल मिसाल के तौर पर मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ अक्सर hmm. uh, Uh, अपने इंकोबेशन में और मैं कहता हूँ अच्छा यार जब मैं आया था उस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी अब रूम का टेम्परेचर सही हो गया आप बताएं रूम का टेम्परेचर क्या होगा तो कोई कहता है एटीन कोई कहता है नाइन्टीन कोई कहता है ट्वेंटी सेवन कोई कहता है फिफ्टीन कोई कहता है यार ठीक है ना तो मैं कहता हूँ द आंसर इज़ आई डोंट नो ठीक है सही। लेकिन पाकिस्तान में हर बंदे को जब आप पूछते हैं ना तो वो बताता है एंड जस्ट लुक एट द दर्ल्डिंग वो एब्सलूट बताते हैं सेवनटीन एटीन ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ठीक है सो अगर कोई पचास लोग आपको फीडबैक देते हैं ना तो उनमें से आपको दो से तीन लोग कहते हैं कि जी इट इज़ अराउंड और इट इज़ अप्रोक्सिलेटली ठीक है ना शायद ही कोई एक किस्मत वाला कहेगा इन माई ओपिनियन इट इज़ ठीक है आई डोंट नो तो जिसको नहीं पता ना कि जवाब उसका आई डोंट नो है या वो सेशन में पहली दफ़ा नहीं बैठा तो वो नहीं बोलता लेकिन बाहर अगर आप कहेंगे तो आपको वो मिलेगा सो so, हमारे यहाँ आ, अगर आप अपनी नानी या दादी से जा पूछेंगे ना या मैंने अमेजॉन पी एल करना या अमेज़न होल सेल करना तो वो भी बताएंगे पुत्र तू पी एल कर होल सेल ना कर और फिर पूरी रात को बैठ के दुआई करती रहेंगे कि मुझे पता तो नहीं था बेटे ने पूछ लिया तो जवाब देना तो मेरा फर्ज था तो अल्लाह तू अब पी में खैर रख ले होल सेल गया बाढ़ में ठीक है ना सो so, लेकिन हमारे लिए वाजिब होता है कि कोई हमसे पूछे तो हम उसको बताएँ सो जब हमारी सोसाइटल एक ये एलिमेंट है कि जहाँ लोगों को एप्रिशिएट नहीं किया जाता अगर लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं पता तो उसमें जब आप किसी पोजीशन पे आ जाते हैं ठीक है ना तो लोगों में वो फिर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है इस वजह से वो अपनी लर्निंग्स को वैसे भी करने लग जाता है तो वन इज़ एटीट्यूड इशू बट दूसरा मुझे लगता है जो कि आपने बात की येस वो है और दूसरा जो एलिमेंट आपने पूछा कि आपको क्या लगता है तो दूसरा मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोगों की जो लर्निंग है स्टॉप होती हैं लेकिन अगर आप दुनिया के जितने लीडिंग सीओ को बिलीनियर्स को इनको देख लें तो शायद एक चीज़ जो कॉमन मैंने उनमें देखी है ना यार डैट इज़ रीडिंग वो पढ़ते हैं और वो सक्सेसफुल लोगों को पढ़ते हैं मतलब वो कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हैं और वो सक्सेसफुल लोगों को भी पढ़ते हैं या उनसे मिलते हैं इंटरेक्ट करते हैं ठीक है ना सो तो उनका जो कटोरा है ना वो यूँ है उनका कटोरा यूँ नहीं है तो जब तक वो कटोरा आपका यूँ रहता है ना और आपके पास लर्निंग साथ ही रहते हैं आप ओपन टू जो हैं न्यू थाट्स न्यू आइडियाज़ रहते हैं तो आपका नहीं आता बिकॉज अगर आप वो लिमिट आ जाते हैं तो माएपिया आ जाता है शॉर्ट साइटेडनेस होती है फिर आप करते हैं गलती आपकी गलती से उठाता है कोई और फ़ायदा और फिर जहाँ आप खड़े होते हैं कल कहीं और खड़ा कोई और खड़ा होता है इस पर एडॉन अगर हम करना चाहें मैंटोरशिप की जैसे एजेंसी खोली तो वो पढ़ाई छोड़ता है दूसरा मुझे ऐसा लगता है उसके बाद वो मैंटोरशिप भी नहीं लेता किसी की और वो कहता है कि नहीं मुझे सब पता है घमत ना मुझे सब पता है जैसे अपने कहा कि यार मुझे सब पता है तो इसका कितना फैक्टर पड़ता है उनकी आगे ग्रोथ के ऊपर या मुझे लगता है कि मैंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में करियर में लेकिन ना आई हैव अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव अबाउट मैंटोरशिप जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों की ई e कॉमर्स के अंदर आती है देखिए अक्सर मैंट्रोशिप के बारे में ये कहा जाता है कि देर मस्ट बी सम वन पर्सन और आप उसकी मैंट्रोशिप ले लें ठीक है ना और वो आपको गाइड कर देगा तो मैं इस फिन से डिसग्री करता हूँ हंड्रेड परसेंट ठीक है ना ऐसा होता है ना ऐसा होना चाहिए आई पर्सनिपली मेट्रोशिप आप किस डोमेन के अंदर मांग रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है सो so देखें आपको अगर मशवरा चाहिए ना मैं आपको एक छोटा सा जो है ना वो वाक्य बताता हूँ कि आई थिंक ओहद की लड़ाई थी और रूसू पक्ष सरसों ने कहा कि जी जंग मुझे लगता है कि शहर के अंदर होनी चाहिए जो जंग साहत है उन्होंने कहा शहर के बाहर होने चाहिए तो कंसेंसिड हुआ था उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं बाहर होनी चाहिए तो फिर बाहर करते हैं वो गए तैयारी करने के लिए तो जो सीनियर साहबा थे उन्होंने यंग साहबा उसको कहा कि भाई तुमने नहीं देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे तो जब वो वापस आए तो यंग साहबा रो रहे थे उन्होंने कि क्या हुआ उन्होंने कहा जी हमारे माँ बाप और माई जाने आपके कुरबान हमसे गुस्ताखी होगी आपने कहा जंग अंदर लड़नी चाहिए हमने कहा बाहर लड़नी चाहिए वो जंग बलटता खून था वो कहते थे नहीं ये मतलब एग्रेसिवनेस क्योंकि ज़्यादा होती है तो वो दुश्मन ये ना समझ दें कि हम बुजुर् लोग हैं तो हम शहरों के अंदर लड़ें हमें बाहर जा कर लड़ना चाहिए तो उन्होंने कहा नहीं जे नबी जब एक चीज़ का इरादा कर लेता तो कर लेता लेकिन वो उससे एक चीज़ आती है कि जो कंसेंसिस है जो कलेक्टिव विजडम है उसको हमेशा अगर आप एंड दे आर सो मैनी ऑफ एग्जाम्पल जहाँ कलेक्टिव विजडम को अल्लाह तला ने हमेशा पसंद फरमाया जैसे कहते हैं अल्लाह तला का हाथ जमात के ऊपर अब जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर मैंट्रोशिप लें या वो लेंगे तो एक तो उस बंदे से लें जो उस डोमेन का एक्सपर्ट हो ठीक, ठीक है एक उस बंदे से भी लें जो आपको सबसे ज़्यादा बेहतर जानता हो और एक उस बंदे से लें जो कि मे बी फॉर एग्जांपल उस डोमेन उसके अलावा जो सोशो एनवायरमेंटल कॉन्टेक्ट को ज़्यादा जानता बिकॉज कैन बी सो और विल द हूँ कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा सर क्योंकि अब तो आइडिया कि मैं चल एजेंसी की बात करते हैं मैं एजेंसी पे आपसे सजेशन ली कि मुझे एजेंसी इस बंदे के साथ खोलना चाहिए ये नहीं खोलना चाहिए या इधर आपने कभी शॉर्ट एनालिस कर लो आपस में अब आप कह रहे हैं कि मैं अगर एक, एक अलग प्रेशर के पास वो जाऊंगा या मैं मैं नॉर्मली लोग अम्मी के पास चले जाते हैं दादी के पास जाते हैं दादी है? तो बोलेंगे रुक जाए मैं पहले इस्तारा करती हूँ यस आता है नो आता थीक है ठीक है वो भी चले कंसिडर कर दिया लेकिन अगर आप वो दोस्त से पूछने चला गया या इन्वायरमेंटल किसी थीक से हाँ अब मैं बताता हूँ अच्छा लोगों को ये लगेगा लेकिन मुझे लगता है देखें ये आपकी लाइफ का डिसीजन है ना और आप ओपन हैं मैंट्रोशिप के लिए कि आप लोगों से पूछें भी सही सो मुझे ये लगता है कि अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी सजेशन दूंगा कि आपको किन बेसिस के ऊपर करनी चाहिए लेकिन शायद मैं आपको इतना नहीं जानता जितना एक दोस्त आपके साथ 20-30 साल रह के आपको जानता है ठीक है सो so, वो आप उसको नहीं पता होगा कि वो आगे वाला बंदा कौन है लेकिन वो आपको बता देगा कि यार तुम ये हो तो इन दो से तीन चीज़ों का ख्याल कर लो माँ कहेगी यार तुम बेटा तू बेटा तो मेरे ही है ना ठीक है ना ये दो से तीन एरिया तेरे वीक एरियाज हैं इनको देख लियो ठीक है और तो बाकी सब ठीक है मिसाल के पर हमारी सोसाइटी में मतलब अभी भी जैसे मैंने कहा था वो जैसे दोस्त आए व्यर्स से तो वो वो उन्होंने लगे कि हम लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है ख्याल करते हैं इकट्ठा कर खा पी लिया तो नहीं हुआ मैंने एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर एक मैंने हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस का पेपर था उसमें मैंने इमरान गिलानी साहब हमें जो हैं वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मेरे नंबर काट लिए एक क्वेश्चन में तो मैंने कहा नंबर काट लिए और उन्होंने कमेंट लिखा बिजनेस इज़ अ बिजनेस कप ऑफ टी इज़ कप टी तो मैं तो बारह साल के बाद जो है ना वो मैंने बिज़नेस किया उसमें बैंक्रप्ट हुआ तो जब तो मैंने पूरा एनालिसिस किया ना तो आई कम टू द कंक्लूजन कि यार मैंने ये नहीं देखा बिजनेस अ बिजनेस कप ऑफ टी इज़ कप टी ठीक है ना तो उस वक्त अगर मुझे वो रियलाइजेशन होती ना कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया ना एंड दैट वाज माय वीकेस्ट पॉइंट दैट इज़ स्टिल माय जो है वो वीकेस्ट पॉइंट वो मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी है लेकिन अगर मैं वहाँ खाऊँगा तो मैं वहाँ खाऊँगा लेकिन वो हुआ कि मैं कॉन्शियसली क्लियर हो गया कि मैंने फिर मुझे क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट दोबारा उस एक सिनेरियो की वजह से वो सिचुएशन जो है वो वो क्रिएट ना हो तो मुझे ये लगता है कि वो कंफ्यूजिंग नहीं है देखिए आपने डिसीजन लेना आप किसी भी एक बंदे के बारे में जो कि शायद आपको इतना ज़्यादा नहीं जानता वे फिन को जानता है एप्सलूट नहीं ले। लेकिन आपने हर बंदे का फीडबैक को लेकर डिसीजन खुद करना अक्सर लोगों को मैंटोरशिप में जो है ना ये मैसेज मिला है जो मैंने देखा है लोगों को मैंटोरशिप से ये समझते हैं कि जी अब आगे वाला बंदा मुर्शिद है ठीक है oh, ना वो oh. मेरा पीर है तो जो उसने कहा मैंने वो करना है ठीक है ना दैट इज़ अ डिज़ास्टर एंड डैट इज़ वर्स्ट एवर थिंग वन विल डू ठीक है बिकॉज इन के मशवरा देने वाले ने जितना अच्छा मशवरा भी दिया है ठीक है देर इज़ वेरी लेस चांसेस फॉर हिम और हर्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिकॉज उसने दूसरे के फैसले को इम्प्लीमेंट किया उसकी ओनरशिप ही नहीं है कल उसको फेलियर होगा वो कह के उसने गलत मशुरा दिया तो जिंदगी में जिंदगी में डिसीजन अपने फैसला अपना इधर इट्स अ फेलियर इधर इट्स अ सक्सेस आई टुक अ डिसीजन बाय माई ओन मैंने एक बंदे से मशूरा लिया या मैंने दस बंदों से मशवरा लिया उसके बाद फैसला मैंने खुद किया तो ये फैसला मेरा है, मेरी सक्सेस है मेरा फेलियर है अलग अलग ने मुझे दिमाग दिया था प्रोसेसर दिया था मैंने उसको इंटरप्रेट करके देना था ठीक है कहीं ना कहीं फ़िल्टर्ड लगे होने चाहिए थे ऐसा नहीं था जो बंदा मुझे ज़िंदगी में जो कुछ कहता रहा कि मैं वो करता रहूँगा ठीक है न फिर तो मेरी ज़िंदगी मैं तो नहीं गुजारा ना फिर मैंने तो फिर दे दिए दूसरों के हाथों में तो जो मुझे जो कहता रहेगा वो करते रहेंगे वो शायद हमारे कल्चर में बिल्ट है कि मुर्शिद और मुरीदी और मुर्शिद वाला सिस्टम जो है कि वो तो माँ बाप से आता है बड़े भाई से आता है हर बंदे को दूसरे को फॉलो करना पड़ता है लेकिन देखें अगर आप देखें ना कि हम लोग कितने सक्सेसफुल हैं दूसरे कितने हैं या आप ये देखें कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है तो अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया ठीक है ना हर जगह के ऊपर इंसान के अपनी ज़िंदगी में उसकी अपने डिसीजनस के बहुत अमल रखा है ठीक है ना अल्लाह ताला हमेशा इंसान को कहता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने चाहिए ठीक है ना एहतराम तमाम मामल बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आना चाहिए जो आप कहेंगे अच्छा यार मैंने इसके कहने के ऊपर प्रेयर कर दिया मैंने खुद किया ठीक है ना इन द रिस्पेक्ट किया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी जरूरी होनी चाहिए तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव विजडम मल्टीपल स्टेक होल्डर से जब आप लेके करते हैं ना और आप कहते हैं अच्छा वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, कर रहा है फिर ठीक है तो बात हो लंबी होगी लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ हम लोग एक प्रोजेक्ट पे गए हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था त्रक है मियाँ वाली का एक एरिया इसा ख्याल के अंदर अब उसमें आर को हमने वो, वो करना था अब हमने उसके जो है एम उससे पूछा एक और कहानी हमने पैरामेडिकल स्टाफ से पूछा और कहानी डॉक्टर से पूछा और कहानी आ, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उससे पूछा और कहानी हम परेशान हो गए मैंने कहा जी हर बंदा और कहानी बताता है अच्छा फिर हमने रात को बैठे हमने कहा यार ये तो हर बंदा की कहानी बड़ी डिफरेंट है और वो तो बिल्कुल और स्टोरी सुना रहा है अच्छा फिर हमने कहा कि एच आई कम्यूनिटी में जाके पूछते हैं हमने कहा जी बताया था कौन कौन सी कम्युनिटीज़ रहती हैं फिर हम गए कम्युनिटीज़ में पूछा तो एक वो सैदों की कम्युनिटी थी एक मलकों की कम्युनिटी थी okay. एक न्याजियों की कम्युनिटी थी ठीक है फिर जब हमने पूछा और पता चला कि अच्छा ये जो बंदा है ये मलिक है ये जो है ये सैद है ये जो है ये न्याजी है और इनमें से कौन सा डॉक्टर सैद है कौन सा ये है ये है। और जब हमने उनको मैप किया ना तो फिर सारी समझ आ गई कि, कि कौन सा बंदा किस वजह से कौन सी बात कह रहा था एंड देन वेन वी डिवेलप्ड अ रिपोर्ट तो इट वॉज अ वेरी न्यूट्रल रिपोर्ट वरना अगर हम उनकी ओपिनियन के बेसिस के ऊपर बना देते तो डैट वाज अ डिज़ास्टर सो इट टुक टू मोर डेज लेकिन हमने उनको तो जब कंसलस किया हमें हर बंदे की समझ आ गई कि वो कहाँ से बोल रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैं आपको मशवरा दूँगा मैं आपको अपने रेफरेंस पॉइंट से दूँगा लेकिन अल्लाह ने आपको डिस्टिंग पैदा किया तो कुछ ऐसे लाइफ में लोग होना चाहिए जो आपको समझते हैं कुछ ऐसे हों जो ओवरऑल सिनेरियोज और उन चीज़ों को भी समझते हैं देखें टेक्निकल नॉलेज डिफरेंट है बिजनेस नॉलेज डिफरेंट है सो so, जैसे मैं है मैं एजेंसी का या ग्रोथ हैकिंग का या स्टार्टअप्स का बंदा हूँ तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर करूँगा बट मे बी टेक्निकल डोमेन के अंदर अगर आप मुझसे मशवरा लेंगे तो आई एम नॉट द अथॉरिटी फॉर एग्जाम्पल आप अमेज़ॉन के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली घुसेंगे या टिकट के अंदर घुसेंगे तो आई आई मे हैव माई ओन ओपिनियन बट आई से सेट आई एम द अथॉरिटी इन दैट स्पेसिफिक एरिया लेकिन आप एजेंसी कोचिंग ग्रोथ हैकिंग पर्सनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट बिजनेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे सो so मैं उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको एडवाइस मैं तो किसी को भी एडवाइस या मेंटरशिप जो है वो दे सकूँगा बिकॉज दैट्स माई स्पेशलिटी तो सिमिलरली अगर आपने एक बिजनेस करना है तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो so आपको ये पता होना चाहिए कि, कि किस फैक्टर के ऊपर कौन सा बंदा है उन तमाम चीज़ों को सामने रख के देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन क्योंकि एक बंदा एब्सलूट और परफेक्ट नहीं हो सकता अच्छा तो समटाइम ऐसा भी तो प्रॉब्लम आता है कि मैंटोरशिप ढूंढे कहाँ से लाए कहाँ से मैंटोर मतलब तो ठीक है अम्मी तो है घर पर दादी भी घर पर दोस्त भी है अब अगर उसने जैसे एक प्री सब उससे पॉडकास्ट ही खोलना है अब उसको पॉडकास्ट के लिए एक मैंटोर चाहिए वो कहाँ से ढूंढेगा अगर उसने पॉडकास्ट को अच्छा ओके देखिए अब आज की दुनिया में तो यार कोई नहीं मसला नहीं है और मैं आपको बोलता इन अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान में मुझे लगता है ग्लोबली भी शायद ऐसा होता है आपको ना थोड़ा सा अपनी हेजिटेशन जो वाला जो मसला है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू अप्रोच टू द पीपल द पीपल आर रेडी टू हेल्प यू टू गाइड यू टू मतलब हमने हमारी जो ये जो है स्टार्टअप इको सिस्टम है इनकोपेशन इको सिस्टम है उसमें अनबिलीवेबली मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मतलब हमने अपने स्टार्टअप्स के लिए जब जब जिस जिस को कहा कि आप आएँ आप हेल्प करें आप सपोर्ट करें ठीक है ना तो इेस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन एंड द टाइटल्स ठीक है ना दे ऑलवेज देयर टू हेल्प दैम टू सपोर्ट दैम तो आपको वो लोग मिल जाएंगे समटाइम्स इंसान को ये लगता है पता नहीं ये मुझसे बात भी करेगा नहीं करेगा पता नहीं ये गाइड भी करेगा नहीं करेगा पता नहीं ये मैं सुनेगा भी नहीं सुनेगा ठीक है ना तो फॉर एग्जाम हो सकता है दो ना सुने लेकिन तीसरा आपको सुन लें एंड देर सो मेनी पीपल्स सो बात अगर अच्छा जब आप उसको वो मैंने कहा ना मुर्शिद मानेंगे ना hmm. ठीक है ना तो प्रॉब्लम तो आ, तब होगा लेकिन जब आप उसे मशवरा लेने के लिए जाएंगे लेकिन आपके जहन में होगा डिसीजन मैंने खुद लेना है तो आपने इंटरप्रेटर लगा लिया पहले तो आपने बिल्कुल साफ़ कर दिया ना भाई जो वो कहेगा मैं वो करूँगा तो अब या? आप हर एक बंदे से कुछ ना कुछ ले कर जाएँगे उसकी लर्निंग्स को लेके जाएंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे हो सकता है वो आपके लिए ठीक हो हो सकता है ना हो उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक की हों वो आपके कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो तो ख़ुद को जानते रहना पहचानते रहना भी बड़ा ज़रूरी है और लोगों से ओपिनियंस और फीडबैक्स भी लेते रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है सो हमारी जो कम्यूनिटी में इंटरेक्शन नेटवर्किंग ये वो बड़ा होता है और ये भी ना देखेंगे यार कौन सा बंदा कामयाब है तो समटाइम्स ये भी परसेप्शन आती है कि अगर इफ़ समन इज़ वेरी सक्सेसफुल तो आपने उससे पूछना हो सकता है कि आप उस कामयाब बंदे से ना सीखें उस बंदे से सीखें जिसके, जिसके फेलियर्स हैं सो so आपने तो लर्निंग्स लेनी है ना और वाई को एक्सप्लोर करना कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ और अगर ये होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो हो सकता है कि आपको समटाइम्स एडवाइस एक ऐसी जगह से वो मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जैसे मैं अपनी हेड से लेता हूँ लेकिन हेड से कहता हूँ कि भाई आप फ्रंट लेवल से जो अपनी आपके नीचे टीम है आप उनसे लें एंड देन वो फिर आपके पास नेक्स्ट लेवल आता है इंक्यूबेशन का बिकॉज जितना अच्छा फीडबैक्स वो लोग दे सकते हैं उतना कोई भी जो है वो नहीं दे सकता बट साइमल्टेनियसली एंड देन इको सिस्टम और दूसरी चीजें अच्छा इसमें हमने नेटवर्क की बात की एजेंसी घूटने के बाद तो इंक्यूबेशन से चला गया बाहर तो वो अपने पास किस तरह के नेटवर्क आइडेंटिफाई करें कि उनके साथ जाकर मिले अपनी ग्रोथ के लिए याद हमारे पास तो जितने भी लोग हैं वो कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ सेशंस मास्टरी मीटअप्स इंटरनेशनल अभी जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है और हम वो एक अपॉर्चुनिटी का मौका देते हैं कि वो लोग हमारे पास भी आते रहें और हमारे पास से जो बच्चे हैं वो जाते रहें दूसरा ये है कि हमारे पास एजेंसीज़ के भी पूरा का पूरे डेडिकेटेड फ्लोर्स हैं और ऑफिस हैं जहाँ हमारे लोग ग्रो करते हैं तो हम कहते हैं कि आइडियली आपके कॉस्ट भी कम लगेगी और आपके वो जो नेटवर्किंग वगैरह जो एरिया है वो भी मेनटेन्ड uh, रहेगा तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो पिछले तीन साल से साढ़े तीन साल से जब से इंक्यूबेटर बना है वो हमारे पास आज भी मौजूद हैं और वो रह रहे हैं तो डैट द वन पार्ट द अदर पार्ट इज़ फॉर एग्जाम्पल वो अगर जाता है तो hmm. उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो देखें दे, 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 दे एको बहुत छोटा सा एंड देर आर वेरी फ्यू पीपल्स स्टिल इन डैट कम्यूनिटी जो कि uh, हैं लेकिन यहाँ हमारे पास इवेंट्स होते रहते हैं तो मुझे लगता है कि उन इवेंट्स में जाना इंटरेक्ट करना लोगों से मिलना और देखना कि हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उसके लेसन लर्नस क्या हैं ठीक है ना उसकी पॉजिटिव लर्निंग्स क्या हैं उसकी नेगेटिव लर्निंग्स क्या हैं उसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो वो इंटरेक्शन्स जो है ना वो होते रहना चाहिए उसमें मुझे लगता है कि येस हमारे जैसे एकोसस्टम्स का जैसे स्टिल्स रेटर रोल बढ़ता है कि हम लोग ऐसे सेशंस करवाएँ और उसको पब्लिक के लिए ओपन करें जहाँ लोग आके उन फोरम्स को इस्तेमाल करके आ, बाकी लोगों को वो तमाम के तमाम जो हैं वो लर्निंग्स जो हैं वो दें और आ, अभी जैसे मैंने कहा था कि हमारी अभी जो एच ओ आई कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर हमने इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली देखा है कि हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो तमाम के तमाम फैक्टर्स को ताकि हमारे पास एक ऐसा नॉलेज बेस जो है मौजूद हो जहाँ जिसके बेसिस पे हमारी जो यूथ है वो सही डिसीजन कर सके मुझे ऐसा भी लगता है सर कि जैसे इनक्यूबेटर है वहाँ बच्चे आके ग्रोथ कर रहे हैं ऐसी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें सारी एजेंसीज होनी चाहिए डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए अभी तक तो इनिशिएटिव नहीं हुआ है And, uh, देखें हम अगर आप कराची को देखें ना तो हमने इसी वजह से जो जो फोर्थ फ्लोर है इट्स अ होल प्लाजा एंड ह्यूज बिल्डिंग और उसमें जब फोर्थ फ्लोर है तो उसमें हमने फिर तमाम के तमाम एजेंसी no, तो हमें no बिल्डिंग चाहिए मुझे तो ऐसा so, लगता है सो आई डू एग्री कि वो जिस हद तक भी हों वो हैं लेकिन कहीं ना कहीं ना मे बी शुरू में तो ये वाली बात हुई और मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है बिकॉज वी हैड बीन फ्रॉम द स्टार्टअप ईको सिस्टम हमने देखा हुआ था लेकिन यहाँ जो थी दो साल हम लेट हुए तो सिर्फ इसी बहस में वो है मैंने कहा यार लेस डू इट टेंडेंसी लेकिन वो इस्स एंड बट्स में बहुत ही टाइम जो है ना वो गुजर गया कि ना जो इन जो इन, वो एजेंसीज होंगी ई कॉमर्स की वो उनमें सेंस ऑफ इन्सिक्योरिटी होगी जबकि मुझे लगता था कि नहीं होगी और वो ऐसे ही हुआ कि वो नहीं है कि हर बंदा अपना अपना काम भी कर रहा है और सही भी कर रहा है तो अगर आप मुझसे पूछें तो बिग जेस्ट कि वो बिल्कुल होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो होगा भी सही ये तो कब फिर आप ही ने करना पड़ेगा ना अब जैसे इंक्यूबेशन के लिए आपने इतनी एफर्ट्स किए तो अब गवर्नमेंट के जाके थोड़ा हिलाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से भी कुछ अब अब बिग यस बट बटी से मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ रहा है ना जब जैसे पहले था ना पहला डॉलर बनाते थे तो खुश होता था अब बाहर से भी लोगों को आपने देखा होगा आई विल नॉट नेम दीपल लेकिन अब क्योंकि वो हम लोगों ने उस तीन साल के अंदर वो लोगों को यहाँ लेके आएंगे कि अब हमारी एजेंसी इंकोबेशनस के अंदर ऐसी एजेंसीज हैं जो दो लाख तीन लाख चार लाख डॉलर्स तक पहुँची हुई हैं ठीक है ना एक दो एजेंसी के जो रेवेन्यूज़ हैं एनुल वो बेशक वो बिजनेस रेवेन्यूज हैं लेकिन वो टू मिलियन या टू मिलियन से भी क्रॉस उन्होंने जो है वो किया तो ऐसी अब एग्जांपल्स आने लगी हैं तो अब वो सिचुएशन है जहां अब एजेंसी वाला एलिमेंट आया लेकिन आज से तीन साल पहले तो हर बच्चा कुछ ना कुछ कमाना चाह रहा था और फ्री लांसिंग वाला एलिमेंट था और पर अभी वाली चीज़ें जो हैं वो ग्रो करेंगी और पड़ जाएंगी लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो वो पॉसिबल होगा वरना पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ओवर हेड कॉस्ट जहाँ लोग अवॉइड करते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करने से और इस वजह से अगर आप देखेंगे बहुत से लोग आए और जिन्होंने हमें रेप्लिकेट करने की कोशिश की और आज वो इंडस्ट्री में नहीं है और जब वो आए तो वो बहुत एग्रेसिवली आए उनको लगा कि जब ये चल रहे हैं तो हम लोग तो चल ही जाएंगे लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है तो उसमें वो जो मेजर जो फैक्टर है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का है क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है तो वो वर्केबल नहीं है लेकिन बात कि अच्छा दूसरी साइड पर आप गवर्नमेंट में देखें तो बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि खड़े हैं और बहुत से ऐसे लोगों को को वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी दिए जाएंगे कि जी आप लोग चलाएं लेकिन क्योंकि उनके पास वो नेटवर्क कोई इकोसिस्टम नहीं है तो वहाँ जाके वो उस तरीके से वो सक्सेसफुल भी नहीं हो सकेंगे बिकॉज अगर आपको वो इंटरवीनिंग पॉइंट्स का नहीं पता जहाँ आपने उनको कोलाबरेट करवाना है जहाँ उनके नेटवर्क को डिवेलप करना है जहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगी जहाँ उनको जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी को देना है किन किन चीज़ों को प्रिजर्व करना है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फोर ईयर्स हमारी लर्निंग्स डिवेलप हुई हैं तो वहाँ फिर वो लोग मतलब हेजिटेट भी करते हैं uh, साथ रहने की वजह से और इंटरेक्ट uh, करने की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से तो यस इट्स अ अ इट्स ब्यूटीफुल ब्लेंड जो आप उस बैलेंस के साथ लेके ले चलें, तो से और ये जो वर्किंग स्पेस है इसी वजह से हो रही है कि वो शायद एजेंसी पे नहीं जा पाता तो वो दो बंदे लेके वो को वर्किंग स्पेस पे जाके अपनी एजेंसी को ग्रोथ कर लेता है या तो वो कोई छोटा मोटी फ्लैट लेके वहाँ चला जाएगा क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है और जब वो फ्लैट में जाता है बोलता है पहले लाइट पानी बिजली और गैस के टेलीफोन के बिल इतने हैं कि जितने इम्प्लॉई की सैलरी नहीं है इवन मेरे पास ऐसा ही है तो वो फिर वो भागता है या तो फिर वो ऑनलाइन चला जाता है या फिर वो मेरे ख्याल को वर्किंग स्पेस पर चला जाता है अगर हमारे पास फॉर इंकूबेशन में देखें ना तो डेट्स अ रीज़न कि हमने सिक्स मंथ्स के बाद उसकी प्राइसेस को जो है वो कम कर दिया एंड हैविंग सेट दिस नाउ वी आर द मोस्ट इकोनॉमिकल इंकूबेटर एंड इवन द को वर्किंग स्पेस ठीक है and, uh, this, uh, space, ना अक्रॉस पाकिस्तान बिकॉज हमारे पास तो वही नो कि कौन कौन सी को वर्किंग कितना कितना पे करिए हो ये वो कर रही है तो अगर आप विदाउट नेमिंग दैम अगर आप वो देखेंगे ना तो वी आर दी मोस्ट इकनॉमिकल मतलब हम इंकोबेशन भी देते हैं जिसमें वो सारी आपको नेटवर्किंग्स और जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और बज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी मिलती है बट हैविंग सेट दिस स्टिल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल वी आर द मोस्ट इकनॉमिकल वन इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग क्योंकि हाँ पहले छः महीने में हम वो चार्ज करते हैं लेकिन कोई भी बच्चा अगर हमारे पास ऐसा आता है जो कि एजेंसी लेवल के ऊपर आ रहा है या वो अपनी टीम्स को इस्टब्लिश करना चाहता है या बिल्ड करना चाहता है तो नाउ वी हैव वेरी फ्लैक्सीबल मॉडल्स फॉर देम और हम उनको कह रहे हैं कि वो इनकॉर्पोरेट करें एंड वट वी आर स्ट्रगलिंग फॉर इज़ के हम लोग अब जितनी भी एजेंसीज बाहर हैं हम उसको कह रहे हैं ऑल्दो इट इट इज़ वेरी अ कॉस्टली बिजनेस फॉर अस बट वी वॉन्ट देम टू बी हेयर विद इन आर इन बेटर ताकि वो जो एक अनर्जेटिक इफेक्ट है वो क्रिएट हो और हम आगे जाएँ और उसके अंदर भी हम लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस uh, भी कि ऑलमोस्ट अगर उनका बाहर जितना भी लग रहा है अगर वो हमारे पास भी आते हैं तो हम उनके साथ बिल्कुल आते हैं बैठते हैं फिजबिलिटीज़ को देखते हैं और फिर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं अच्छा मैं सप्लाई डिमांड की बात करता हूँ आपको क्या लगता है कि यार इस तरह की एजेंसीज अगर आए या हमारे पास इस चीज़ की डिमांड मौजूद है एनी वन वन टू स्टार्ट देयर जर्नी के अभी आ रहा है या एजेंसी खोलने जा रहा है तो क्या मार्केट में डिमांड है कि इस तरह की एजेंसीज खोलें दैट वुड बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर अच्छा यार हुआ ये कि ना आज से तकरीबन कोई ढाई साल पहले मतलब आई आई विजिटेड इंक्यूबेटर्स और हमारे पास ई कॉमर्स के बहुत से इवेंट्स वगैरह हुए उसमें लोगों से मिला और मैं क्या और उसमें मैंने एक चीज़ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंगली देखी अच्छा वो मैंने पूछा अच्छा जी आ, आप क्या कह रहे हो मेरी एजेंसी है अच्छा एक बच्चे से गलती से ना मैंने आ, ये लिया गया तुम बताओ कि तुम किस स्टेज में हो तो उसने कहा जी मैं तो एसेट की स्टेज में मैंने कहा अच्छा मैंने उसे थोड़ा सा प्रूव किया तो मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ गई और फिर मैंने दूसरे एक बच्चा जब मिलाया उसने कहा मेरी एजेंसी है तो मैंने उसे कहा उसने कहा मैं तो किचन इनकम की स्टेज में हूँ तीसरे ने, ने कहा जी मैं तो इन्वेस्टमेंट स्टेज में हूँ और फिर मैंने आप यकीन करें कि मैंने तेरह सौ लोगों से पूछा अच्छा ठीक है ना उसके बाद मैंने एक और विजिट किया मैंने तमाम इंकुपेशन में गया मैंने हर इंकुपेशन में पूछा अच्छा मैंने कहा जी बताएँ कि एजेंसी कौन से स्टेज के ऊपर आती है ठीक है ना तो किसी ने कहा वो किचन इनकम है किसी ने कहा वो एसेट है ठीक है ना किसी ने कहा वो इन्वेस्टमेंट है किसी ने नहीं कहा कि वो नो इनकम स्टेज है किसी ने नहीं कहा कि वो आपके पास वो इंस्टीट्यूशन स्टेज है इट्स वेरी क्लियर यार कि एजेंसी इज एन इंस्टीट्यूशन डैट्स द लास्ट स्टेज फुल स्टॉप इंस्टीट्यूशन एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है एजेंसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है अब अगर कम्युनिटी में किसी एजेंसी बनाने वाले को ये नहीं पता के एजेंसी इज़ एन इंस्टीट्यूशन ठीक है तो वो तो अपनी एजेंसी को के लिए खुद ही काफ़ी उसके फेलियर के लिए सो so, एक तो बड़ी बात है कि जो भी एजेंसी बना रहा है ना उसको अंडरस्टैंडिंग तो हो इट इज़ नॉट दो से तीन लोग बैठ के और उन्होंने वो कर ली ठीक है क्योंकि एजेंसी का पोटेंशियल है कि वो मिलियन डॉलर कंपनी बन सकते है एंड मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ ट्वेंटी एंड यू विल सी एट द एंड ऑफ ट्वेंटी एंड यू विल सी वेरी गुड सक्सेस स्टोरीज़ हेयर इन पाकिस्तान इन श्रा ताली इवन आउट ऑफ द इंक्यूबेटर्स एज वेल के वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और उन नंबर्स को जा रहे हैं क्योंकि मैं मैं ग्रोथ रेट्स और तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो देख रहा हूँ तो वो मिलियन डॉलर्स को जो हैं वो टच जो हैं वो बिल्कुल जो है वो कर रहे होंगे और उसकी भी डेफिनेशन डिफरेंट्स हो सकती हैं लेकिन मैंने कहा कि एनअल रेवन्यूज हमारे मिलिय डॉलर के ऊपर तो वो गए हैं और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में तो हैं बहुत ही अलहमदिल्ला एजेंसीज़ के तो वो जो एक फैक्टर था ना कि पता ही नहीं है कि एजेंसी होती क्या तो पहला तो ये प्रॉब्लम था जिसको मैंने क्लियर करने की जो है वो कोशिश किया है कि एजेंसी किस स्टेज की चीज़ है और उस स्टेज की चीज़ के लिए फिर आपको उसके पूरे के पूरे प्री रेकुलरेट उस तो तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करना है दूसरा प्रॉब्लम जो ये हुआ वो और उसको मैंने एजुकेट करने की कोशिश की पिछले अढ़ाई साल में जै तक मैं कर सकता दूसरा प्रॉब्लम जो हुआ हमने ये देखा एजेंसी बन रही हैं और कोलेक्स कर रही हैं एक स्टेज तक आती हैं कलेब्स करती हैं एंड इट वाज टू एन एक्सटेंड कि जब मैंने इंकोबेशन पर चक्कर लगाया और मैंने एजेंसी कोचिंग ग्रोथ हैकिंग पे सेशन किए ठीक है ना और बच्चे मुझे अपनी एजेंसीज़ के प्रॉब्लम्स बताते थे जो कि इवन आउटसाइड इंकोबेटर्स होते थे तो मैं उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बता रहा था वो कहते थे आपको कैसे पता मैं क्या तुम्हारा प्रॉब्लम देख के ठीक है ना तो लोग मुझे प्रॉब्लम बताते थे मैं प्रेडिक्ट कर लेता था, था कि जो है वो इसकी कंपनी के इतने इतने एम्प्लॉयज़ होंगे एंड सो ऑन काफ़ी चीज़ों को पता चल जाता था वो एक चीज़ पूछता था तो पूछ पूछ के चीज़ों को देख के वो इतना हद तक आइडिया हो गया था कि जी ये वो तमाम चीज़ें तो दूसरा मसला था कि हर एजेंसी सब कुछ करना चाहती तो मैंने उनसे कहा कि खुदाया आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करें और बाकियों के साथ कोलेबरेट कर लें यू यू कॉन्ट बी गुड इन ईच एंड एवरी फील्ड तो आप देखें कि आपकी निश्क है और आप देखेंगे कि दूसरा कौन सा एक्सपर्ट है बेशक बी टू बी कोलेब्रेशन कर लें ठीक है ना उस चीज़ को मैंने डिसिमिनेट किया एंड नाउ आई हैव सीन सो मैनी एजेंसीज़ एंड डेट्स अ वेरी गुड मॉडल जहाँ मैं एक तो नेशनल लेवल पे ऑब्वियसली आपका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब भी आप कह रहे होते हैं तो आपका जो पर्सनल एजेंडा या ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान का ग्लोबली नाम ना बदनाम हो क्योंकि एक एजेंसी काम कर रही है वो नहीं डिलीवर कर सकती नाम खराब हो रहा है ट्रस्ट डाफिसिट जो है वो नेशनल लेवल पर भी आपका जो है वो जा रहा है सो so, उनको कहा कि आप एक एरिया में फोकस करें बाकी तमाम एरियाज में कोलाबरेट कर लें ताकि आपके पास काम आते हैं आप उनको दें अपनी परसेंटेज दें और एक एरिया में फोकस करें तो मुझे लगता है कि आगे भी एजेंसीज के वाले से देखूँ तो मुझे लगता है कि वो एजेंसी सक्सेसफुल होंगी जो एस एम होंगी एस एम मीन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगी अपनी एक डोमेन के अंदर वो फोकस्ड होंगी और वही आपका कोर होगा उसी के अंदर जाएंगे आपकी अपनी स्टोरी बड़ी क्लियर है आपकी अपनी जर्नी बड़ी क्लियर है आप देखें ना आप एक कोर में आए उसी में किया उसी में इन्वॉल्व हुए वो गए अलहमदिल्ला यू आर वेरी सक्सेसफुल एक ही so, स्किल आता है आज तक ना आज तक एक ही स्किल आता है तो so, वो वो देखें ना आप करने को आप शायद अगले तीन महीने में पचास स्किल सीख सकते हैं ठीक है लेकिन बात ये एक्सीलेंस अगर आप ये कहें कि वो स्किल आपको पिछले बीस साल के अंदर आप जहाँ तक पहुँचे हैं आप कोई भी बंदा ये क्लेम कर सकते वो तीन महीने में वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक आप सीखें डेट नॉट पॉसिबल ना तो वो जो कुछ भी कर ले जितना इंटेलिजेंट हो वो जो जो प्रोसेस से गुजर के आप वहाँ आए हैं तो वह तो वो मुझे लगता है कि वो वो जो है ना अगेन वो हर चीज़ वो पर्पस पैशन और परसिस्टेंस पे होती है कि अगर आपको क्लैरिटी है कि आपने ये आपने सब कुछ नहीं करना आपने एक चीज़ करनी है वो करते रहें बाकीियों का बिज़नेस आता है आप वो लेके किसी ऐसे लोगों को देखें जो कि भी खुद भी क्लियर हैं कि उन्होंने क्या करना है और वो क्लाइंट को क्लाइंट समझते हैं और वो ये नहीं है कि आज हैं कल नहीं होंगे और उन्होंने वो करना है तो मुझे लगता है कि आपका बिजनेस भी सही चलेंगे क्लाइंट भी सेटिस्फाई होंगे और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं जॉब से पूछना चाहता हूँ ना वो है स्केलेबिलिटी का मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के अंदर स्केलेबिलिटी इशू है लेट लेट मी कंपेयर विद थिंग लाइक हम कोई प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एस तो ओ पी होंगी कि हमने एक ब्रांच यहाँ खोली एक खोली एक खोली बट मैंने आज तक तो ऐसा फार्मूला अभी तक नहीं देखा कि एजेंसीज स्केलेबिलिटी का भी कोई फार्मूला हो इज इट करेक्ट नहीं नहीं ओके हमने अभी जो बाकू की कॉन्फ्रेंस की थी अभी तो हमारे तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इट वाज मोर ऑफ अ पैनल डिस्कशन बाकू के अंदर हम लोग 40 लोगों को यहाँ से जो हैं वो लेके गए थे तो उसके अंदर हमने पूरे के पूरे जो स्केलेबिलिटी के मॉडल्स थे उसके ऊपर रेगुलस एक्सरसाइजेस करवाई थी आ, अपने एजेंसीज को और उसमें जितने भी लोग गए थे सारे तीन से चार लोगों के ठीक है ना जितने भी लोग गए थे वो सारे के सारे एजेंसी ओनर्स थे तो वी हैड मोर देन थर्टी एजेंसी ओनर्स एट दैट कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर हमने जो है एजेंसीज़ के किए देखें ग्रोथ हैकिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई फार्मूलाज ना हो और जो टेक इंडस्ट्री है उसके जो मॉडल्स हैं कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के मॉडल्स भी सिमिलर हैं ठीक है ना तो वो नहीं है क्या है देखो टेक्निकल डोमेन का डिफरेंस है बट द तो बिजनेस जो सेंस है जो आपके स्केलेबिलिटी के सेंस है डैट सेम तो दे दे वर अराउंड तो टेन मॉडल्स डिफरेंट मॉडल डैट वी इंट्रोड्यूस और हमने उस पर एक्सरसाइज भी करी उसको समझाया भी सही उसके ऊपर हमने एक्सरसाइज वगैरह भी करवाई उनसे तो यस दे आर दा मॉडल्स देयर और जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी होती है बात यह है कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो एजेंसीज में बच्चे आए हैं ना उनका इंडस्ट्री का और कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादातर उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादातर वो लोग मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद आए हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं फिर उन्होंने सारा फोकस किया एफर्ट्स की ई कॉमर्स के अंदर अब ई कॉमर्स के अंदर जो उन्होंने पढ़ा वो टेक्निकल स्किल्स हैं एक्जैक्टली exactly. अगर आप ये देखें कि ई कॉमर्स के अंदर आ, मतलब मैंने आके ये जो पर्सनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट या बिजनेस डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वाली बात करनी शुरू की एजेंसी कोचिंग जो है उसके ऊपर बात ज़्यादा करनी शुरू की ट्वेंटी सेंचुरी स्किल्स जो है उसके ऊपर बात जो है वो करनी शुरू की मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर ट्वेंटी सेंचुरी में हर एक एक महीने में एक में क्रिटिकल थिंकिंग एक में क्रिएटिविटी एक में कोलाब्रेशन एक में कम्युनिकेशन जो है वो वो महीने महीने का पढ़ाया और मैंने कहा कि यार आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें एंड सो ऑन तो नाउ आई एम वर्किंग ऑन राइटिंग अ बुक ऑन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज़ के लिए इन ई कॉमर्स सो so, वो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन एरियाज़ के ऊपर तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अब जब वो एजेंसी बनाता है तो एजेंसीज के अंदर ये सारी चीज़ें तो बहुत हो रही हैं तो जो उसको बेसिक्स का ही नहीं पता तो जब ग्रोथ वाली चीज़ है तो वहाँ तो जाकर क्लास करता है उसको ये लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है ठीक है ना तो अग्नि अपनी टेक्निकल स्किल में वो जितना अच्छा होगा तो वो कामयाब हो जाएगा अच्छा अब है क्या अगर मैं उसको वो, मतलब बहुत सादा अल्फाज में जो है बता दें आपके करियर की जो हैं वो तीन ब्रॉड स्टेजेस हैं ठीक है ना आ, पहली जो स्टेज है आ, उसके अंदर जब आपके अर्ली करियर्स में होते हैं उसमें आपके पास टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं ठीक है ना मिड करियर के अंदर आपको मैनेजेरियल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके पीक करियर के अंदर आपको लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं अच्छा अगर आपका आईक्यू अच्छा है तो आप टेक्निकल स्किल्स में बहुत अच्छे होंगे ठीक है ना एंड आई क्यू इज़ माई एबिलिटी टू डू माई वर्क अच्छा अगर आपका ई क्यू अच्छा है ठीक है तो आप मैनेज जीनरल स्किल्स में बहुत अच्छे होंगे ई क्यू इज़ माई एबिलिटी टू मेक अदर्स टू वर्क फॉर मी अच्छा अगर आपका एस क्यू अच्छा है तो आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे होंगे एस क्यू इज़ माई एबिलिटी वेयर द पीपल देम सेल्व आर विलिंग टू वर्क फॉर मी सो बच्चे क्योंकि करियर के स्टेज में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो उसको लगता है मैं ऐसे ही ग्रो करता रहूँगा क्योंकि उसकी जो ग्रोथ थी उसके आई के बेसिस पे थी उसको अमेजॉन पी का वो गुरु था या उसको हंटिंग बहुत बेहतरीन आती थी ठीक है ना या वो होल के अंदर घुस गया तो वो कहते हैं उस जैसा कोई नहीं एंड सो ऑन अगर आप पी पी सी देख लें या सो लेकिन दूसरी साइड पर वो जैसे ही गया टीम्स बनानी शुरू हुई तो क्लैप्स होना शुरू हो गया उसको समझ ही नहीं लेके उसके साथ हुआ क्या सो दूसरी साइड पे जो वो जो ईक् वाला चीज़ है ना जहाँ मैनेजरियल स्किल्स होती हैं या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है ठीक है ना तो वहाँ वो बच्चे लैक करते हैं जहाँ वो लैक करते हैं वो टीम्स को मैनेज नहीं कर पाते और क्योंकि टीम्स को मैनेज नहीं कर पाते इस वजह से क्लैक करते हैं पाकिस्तान में नाइन्टी फाइव परसेंट एजेंसीज जो कि ई कामर्स के अंदर है उनका प्रॉब्लम जो है वो ईक् है उनका प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है ठीक है ना उन दे लैक मैनेजरियल स्किल्स ठीक है ना जो टीम है उनका सबसे बड़ा चैलेंज है आई हैव इंटरेक्ट विथ सो मैनी पीपल जिन्होंने मुझे बहुत चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बताए लेकिन सारे के सारे प्रॉब्लम्स और oh. जो चैलेंजेस हैं ना वो जो एंड में आके आते हैं ना कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल है क्या डेट्स डैट रिवॉल्व अराउंड द टीम और जो पूरी टीम बिल्डिंग है आ, टीम हंटिंग है टीम रिटेंशन है ठीक है ना डैट डैट्स द रियल चैलेंज फॉर दैम और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारी टीम से प्रॉब्लम है लेकिन जो प्रॉब्लम है ठीक है ना उन नाइन में से शायद एटी लोगों में जो प्रॉब्लम है ना वो लीडर में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है बनस्पत टीम के कि उसके अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से उसकी टीम नहीं बन पाती तो पहले सबसे पहले उसमें करेक्ट होना तो टीम फिर ठीक होने लग जाएगी लेकिन वो उसको लगता है भाई मैं तो ऐसे ही रहूँगा मेरी टीम ठीक हो जाए तो ऐसा होता नहीं तो जहाँ यू हैव टू वर्क ऑन द टीम्स और आपको टीम से ही चाहिए होंगी तो टीम भी आपको देख के फॉलो करेंगे ना ठीक है ना तो आपको ख़ुद भी फिर इम्प्रूव करना आपको बेहतर करना बड़ा मुश्किल है एंड यू शुड बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट दीज आर माई लिमिटेशन आई हैव टू वर्क ऑन इट ठीक है ना आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय सो बट अगर वो आपके लिए टीम होगी एंड यू आर द फाउंडर तो आप तो उस लीडरशिप पॉइंट में कहीं ना कहीं आ रहे हैं so, सो अभी जो फोकस है वो हम लोग लीडरशिप पे नहीं कर रहे ना हम एस क्यू पर कर रहे हैं लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और जो मैनेजेरियल लेवल है ना उस की लैकिंग की वजह से बहुत सी एजेंसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही या वो रुक गई हैं या वो स्केल नहीं कर पा रही सो वी आर फोकसिंग ऑन डेट और उसके लिए जो प्री रेकट्स हैं ना एक्चुअली वो मिसिंग है एंड डैट इज़ पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर आपकी पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है तो फिर आप जितनी भी बिज़नेस और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर लेंगे ना तो वो क्योंकि लीडर ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है वो क्लाब्स कर जाएंगी और फिर उस पर जो जैसे कहते हैं ना तड़का लगता है डैट इज़ ऑफ द्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स जब वो ब्लेंड होती हैं ये चार स्किल्स ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स के साथ तो फिर ऐसा सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है जहाँ आपकी वो जेनुअन एजेंसी जो को फाउंडर है वो बनता है और उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपकी एजेंसी को जो है वो स्केल भी कर पाता है अगर इसको शॉर्ट में करूँ तो उसके पास जो टेक्निकल स्किल होता है और उसके बाद सॉफ्ट स्किल नहीं होता हाउ टू तो मैनेज एंड हाउ टू मतलब उसको एक्सेल करना है लाइक तो वो उसको फिर अलग से जाके सीखना पड़ेगा इज इट या आप उसको टेक्निकल स्किल के बाद ना उसकी आप इमोशनल इंटेलिजेंस या मैनेजेरियल स्किल्स को कह लें सॉफ्ट स्किल्स की जगह या मैंने एक किताब पढ़ी थी शॉर्ट एम बी ए करके कुछ मुझे याद पड़े या तो कम अज़ कम वो पढ़ लें मतलब थर्टी मिनट्स एम बी ए की किताब से ताकि उस आइडिया मैनेजमेंट कैसे हो रही है सारी चीज़ें अच्छा मुझे, तो मुझे तो, लगता है कि ना जो जैसे स्किल्स है ना स्किल्स की ब्यूटी यही है कि आपको आ, जो है ना ये पढ़ने से नहीं आती ठीक है ना आप उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे लेकिन आपको उसको एक्सरसाइज लाजमी करना पड़ेगा और आप बहुत छोटी चीज़ों पर एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों के साथ ढाबे पर जा रहे हैं तो आप अपनी डिसीजन मेकिंग को कर लेते हैं मैं अक्सर कहता हूँ कि अच्छा आप बताएं जब आप ढाबे पर जाते हैं तो या रेस्टोरेंट में जाते हैं ढाबे पर तो चाय पीनी है ठीक है रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ये कहते हैं अच्छा तुम बताओ तुमने क्या खाना है तुम बताओ तुमने क्या खाना है अच्छा होता है कि वेटर इंतज़ार कर रहा होता तो हेर वी लैक यू है बंदा आया मैंने देखा ये मेरा मेन्यू है मैंने ये खाना है तुम लोग डिसाइड कर लो फिर अगर तीन बंदे कहते हैं कि हमने ये खाना है तुम भी ये खा लो तो फिर इट्स अ थिंग लेकिन बंदे को ये तो पता होना चाहिए भाई मैं जा रहा हूँ आप कहाँ से उठे आपको पता है किस रेस्टोरेंट में जाना है आपको पता है कि भाई मुझे भूख लगी है आपके पास पता होना चाहिए कि ये ये चॉइसेस हैं आप आएँ उठा कहेंगे मैं तो ये खाना है आप लोग डिसाइड कर लें लेकिन वो नहीं पता होता सो एवरी टाइम फ्रॉम द लास्ट टेन ईर्यर्स जब भी मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ मिसाल के तौर पर और मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ ठीक है अच्छा यार तू बता अच्छा यार तू बता अच्छा यार तू बता और फिर मैं ये कहूँ कि मैंने जब एजेंसी बनाऊँगा तो वो कामयाब हो जाएगी ठीक है सो so मैं एक डिश फाइनल नहीं कर सकता ठीक है ना और मेरी प्लेट में इतना कुछ है और मैंने उसको बैलेंस करके मेंटेन करके उसको स्केल करना है तो इट्स इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब सो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस बहस हुई है इस वजह से आ, मैं एक पॉइंट था जो पहले मैं कहना चाह रहा था कि मैंने ये देखा है कि आप हमारे इंक्यूपेशन की ये लर्निंग है कि आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स हम बारह देते हैं और मैं लोगों को कहता हूँ द सक्सेस ऑफ एन इंक्यूबेटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मेनी ट्रेनिंग्स ठीक है ना यू गॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और हाउ रेगुलसली यू आर डूइंग दैट ट्रेनिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और हाउ स्मार्ट यू आर बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द इंक्यूबेटर बल डे ठीक है इट इज़ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर यू आर स्पेंडिंग इन एन इंक्यूबेटर तो सिमिलरली जो आपके पास ये जो मैनेजियल स्किल्स है ना ये आपको ऑब्वियसली इसके लिए आपको मैंट्रोशिप भी चाहिए इसको आपको ट्रेनिंग भी चाहिए बट वंस इट इज़ देयर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो सी चीज़ आती है ना वो आपके पास आती है कि आपको उसको एक्सरसाइज करना और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपने बताना है कि वो ठीक है या नहीं बिकॉज जो टेक्निकल स्किल्स है ना डैट इज़ सेम टू प्लस टू इज़ इक्वल टू फोर मैनेजरियल स्किल्स की जो पहला अंडरस्टैंडिंग uh, है ना जो फाउंडेशनल रूल है वो है कि टू प्लस टू इज़ नॉट इक्वल टू फो uh, फोर आउट क्योंकि टू प्लस टू इज़ नॉट इक्वल टू फोर है तो वो है क्या वो आपके लिए डिफरेंट होगा वो मेरे लिए डिफरेंट होगा मैं एक डिफरेंट किस्म का स्पीशी हूँ ठीक है तो मेरी मैनेजरियल स्किल्स डिफरेंट होंगी मैं टीम्स को डिफरेंट तरीके से लीड करूँगा अगर मैं आपको कॉपी करने लग गया ठीक है तो मैं कोलेप्स कर जाऊँगा आप मुझे कॉपी करने लग गए आप कोलेप्स कर जाएंगे ठीक है सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन है और उसमें इंसान की जो मैने, मैनेजर के लिए ना औरिजनैलिटी बड़ी है मतलब मिसाल के तौर तो पर एक खातून है ठीक है सो वो एक डिफरेंट तरीके से लीड करेंगी एक मेल है वो डिफरेंट तरीके से मेल करेगा एक बंदा है वो उसमें सॉफ्टनेस है एक बंदा है वो बहुत अथॉरिटेटिव है अब हम कहें अथॉरिटेटिव को नहीं है तुम अथॉरिटेटिव ना रहो ठीक है ना तो वो तो क्लास कर जाएगा एक बंदा है वो बड़ा हम्बल है हम कहते हैं नहीं यार तुम्हें डढ़ापन होना चाहिए तुम डंडा दे के रखो जो ट्रम्पस नॉर्मली जॉर्गन्स के तौर पर होता है हाँ एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच लेकिन वो वो करते हैं लेकिन लोग कहते हैं ठीक है ना तो डेट्स एप्सलूटली रॉन्ग जब भी आप किसी को गाइड कर रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करवाएँ कि वो क्या है और वो उसके अकॉर्डिंगली क्वाइन करें स्ट्रैटेजीज़ सो बिज़नेस में टू प्लस टू इज़ नॉट इक्वल टू फुल मैनेजमेंट में या मैने उसमें टू प्लस टू इज़ नॉट इक्वल टू फोर अब हम हर बंदे को एक ही छड़ी दें और हम कहें ऐसा होगा वो क्लास कर जाएगा सो so, जो भी उनको गाइड कर रहा है ना या ट्रेन कर रहा है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सके हर एक इंडिविजुअल को उसकी ओरिजिनलिटी के साथ अंडरस्टैंड कर सके उसको अपनी औरिजनैलिटी के साथ कनेक्ट कर सके जब वो उसको उसकी औरिजनलिटी के साथ कनेक्ट करेगा तो वो उसको सक्सेसफुल बनाएगा अगर वो कहेगा यार ये तीन काम कर लोगे तुम कामयाब हो जाएगा डैट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर दा सर मैं चाहता हूँ एक सवाल और हमारे दिमाग में मिथ बनती है कि यार मुझे एजेंसी खोलनी है ना तो मुझे इतने डॉलर चाहिए इतने पैसे चाहिए इज़ इट करेक्ट अच्छा मेरे लिए एजेंसी को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर होना बड़ा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं मुझे लगता है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में पहला क्लाइंट आपको सस्टेनेबल कर सकता और अक्सर लोगों के पास पहला क्लाइंट होता है कहीं उसके बाद जाके वो एजेंसीज जो है वो बना रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि उसकी जो ऑन्टरप्रेन स्किल्स हैं वो उस एजेंसी और उसकी उसको सक्सेसफुल करने के लिए जरूरी होती हैं ना कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकॉर्ड होती है फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एजेंसी खोलनी है वर्चुअल एजेंसी खोलें लेकिन अक्सर जो मैंने गैप्स देखे हैं एजेंसी एजेंसी के नाम आ, उनकी वेबसाइट उनकी ब्रांडिंग उनका इम्प्रेशन उनकी जो प्रजेंटेशन जो वो क्लाइंट्स को देते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहे होते हैं अच्छा ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये टाइम मांगती हैं पैसा नहीं मांगती ठीक है ना उसमें अगर आपके एस्थेटिक्स अच्छे हैं आप वो तमाम चीज़ों को बहुत अप्रोप्रिएट करेंगे लेकिन आपने बहुत अच्छा महंगा टैम्पलेट ले लिया है और उसके ऊपर वल्डिंग्स हो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं तो इट में लीड टू अ डिज़ास्टर इसी तरीके से आपके पास जो प्रेजेंटेशंस हैं ठीक है ना वो ठीक नहीं है और आप पिच कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को तो वो मसल तो मुझे लगता है वहाँ पर इनको बेटीस आते हैं और मैं अक्सर कहता हूँ कि जी अगर आपने ये डिसाइड कर, कर कर लिया है कि आपने फाइनली एजेंसी खोलनी है और बेशक वो एक साल के बाद खुलनी है डेढ़ साल के बाद खुली तो आज ही आप उसका नाम देखना शुरू कर दें ठीक है आप उसका नाम देखेंगे कौन सा नाम होगा कितना अट्रैक्टिव होगा एंड देन सिट विद मी वर्क ऑन एट फिर आप ये देखेंगे अच्छा वो नाम देखें तो क्या उसकी वो डोमेन और वो वेबसाइट मौजूद है नाम कैसा होना चाहिए उसका उसका लोगो कैसा होना चाहिए क्या लोगो सेल्फ एक्सप्ल्ट्री है तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत जज करता हूँ किसी भी कंपनी को अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं उस कंपनी उसके लोगो उसका नाम उसकी साइट्स और ये चीज़ें और हर कोई करता है तो मतलब वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फिर आपके पास जो क्या सिस्टम्स और प्रोसेस हैं आपके पास टीम्स को मैनेज करने के क्राइटेरिया हैं आपके जो क्लाइंट सेटिसफेक्शन है उसको इन्हेंस uh, करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज़म्स हैं तो तो वो चीज़ें क्योंकि रेडी नहीं होती तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर uh, पे लगा लेंगे शशके पे लगा लेंगे तो वो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो ड्रेन भी हो जाएगी तो मतलब सर्विस सेक्टर में इन शॉर्ट एजेंसी को चलाने के लिए बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जितने एक ऑन्टरप्रोर के टाइम की और उसकी कैपेसिटी की और कॉम्पिटेंस की जो है वो ज़रूरत है अच्छा आप अक्सर अल्फाज यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस वॉट डज दैट मीन कि अगर हम हर हर चीज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए लाइक रिक्रूट का प्रोसेस होना चाहिए एजेंसी बनने का प्रोसेस होना चाहिए तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ओके okay, देखें आ, एक टर्म्स जो जनरली बहुत इस्तेमाल होती है वो एस ओ पीजें हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो हमारे पास एक तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितना जो भी काम हो रहा है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और वो पॉइंट ए से पॉइंट वो बी तक वर्क फ्लो क्या होगा कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा किसने क्या काम करना है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये पता होगा आप उसको रेकेट कर पाएंगे ये नहीं पता होगा तो रेकेट नहीं कर पाएंगे अच्छा ये अक्सर लोग जो है ये समझते हैं कि ये वाली चीज़ें हम कहीं ना कहीं से ले लेंगे या वो कंसल्टेंट के पास जाएंगे वो डेवलप कर लेंगे आइडियल सिचुएशन ये है कि आप जो भी करें आप उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें बेशक वो सही है या गलत है तो होगा ये कि वो फाइनली आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा तो बेशक वो जितना भी रॉ है लेकिन आप उसको लिखें लाजमी हमारे एजेंसीज़ के अंदर कॉन्सेप्ट जो है ना वो लिखने का नहीं है जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट होता है और क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती इस वजह से वो इम्प्रूव भी नहीं करती तो अगर वो जो भी कर रहे हैं अगर वो उसको सिर्फ लिखना शुरू कर दें प्रोसेस खुद बनना शुरू हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो देखेंगे दिस वर्क दिस नॉट दिस वर्क दिस नॉट अच्छा ये वाली चीज़ और बेहतर हो सकती है तो जो भी हो आप उसको करना शुरू कर दें मैंने जो तो लास्ट हमारा इनकोपेशन था उसमें बी आई कैन के अंदर हमने पॉलिसी लिखी और पॉलिसी अढ़ाई साल में लिखी जो सी भी चीज़ थी हमने उसको लिखना शुरू कर दिया और यकीन माने उससे पहले एच की पॉलिसी थी उसका कोई सर पैर मुँह नहीं था और हम लोग जब फिर पहुँचे और हम लोगों ने जब एजेंसी बनाई आ, ओके सो जब हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने जब इंकोबेशन बनाया तो जो भी चीज़ थी हमने उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया जो भी चीज़ थी हमने उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू फाइनली वो रीच टू द पॉइंट जहाँ एक फुल फ्लेज जो पॉलिसी बनी और उसमें से कोई भी वर्ड जो है वो गूगल से या किसी और इंक्यूबेशन से कोई कॉपी पेस्ट नहीं था और उसके बाद हमारे पास छः प्रजेंटेशन ए सी की टीम ने ली गई आपने जो लिखा है ये कैसे लिखा है ये क्यों लिखा है एंड देन वी वी गिव दैट वी वी बिकम कैपेबल टू गिव द ट्रेनिंग्स टू फोर्टी फाइव इंक्यूबेशन वो एक्चुअली वो आउटपुट था उस एक इंक्यूबेशन की पॉलिसी का जो हमने डॉक्यूमेंट की लेकिन उसको ढाई साल जो है वो हमारे लगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो जर्नी है तो एक लाइन की भी लर्निंग थी हम कहते थे हम उसको लिखते हैं उस डॉक्यूमेंट में डालते रहे तो हमारे सिस्टम्स बन गए पॉलिसीज बन गई प्रोसीजर्स बन गए मैकेनिजम्स बन गए फ्लोज बन गए और उसी ने कहीं ना कहीं हमें सर्वाइव भी किया सस्टेन भी किया और आ, हमारी जो ओवरऑल ब्रांडिंग और, और विजिबिलिटी है उसको भी इनहेंस किया अच्छा जैसे प्रोसेस की हमने बात की एक अपनी वर्ड यूज़ किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो मैं चाहता हूँ कि उसकी इम्पॉर्टेंस भी बताए कि क्या उसकी इम्पोर्टेंस है देखें कोई भी चीज़ है ना उसका कोई ना कोई कस्टोडियन होना चाहिए कोई एक बंदा होना चाहिए जो कि उसका कलेक्टिवली रिस्पॉन्सबल हो मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक वो इंसान है जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वो डिपार्टमेंट का हेड भी हो सकता है वो किसी प्रोजेक्ट का भी हेड हो सकता है किसी इनिशिएटिव का भी हेड हो सकता है सो so, किसी प्रोग्राम का भी वो हेड हो सकता है लेकिन आ, उसने मैनेज क्या करना है उसने एक साइड पे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है वो जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स है कि क्या वो टीम सही कर रही है उसकी परफॉर्मेंस सही है कितने लोग रिक्वायर्ड हैं ऑप्टिमाइज्ड हैं राइट साइजिंग करनी है या नहीं करनी दूसरी साइड के ऊपर जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको उसका काम है कि उसको मैनेज करना है हर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल कॉन्सटेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या डिपार्टमेंट के लिए अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते तो उसने अपने फ़ाइनेंशियल रिसोसेज़ को किस हद तक ऑप्टिमाइज़ करना है। तो वो उसको भी मैनेज कर रहा होता है कि किस वक्त कौन सा पैसा किस जगह पर करे उसमें जो एक बहुत बड़ी ब्यूटी होती है वो होती है फाइनेंशियल कैश फ्लो की जो बहुत से टाइम से ऑर्गेनाजेशन के पास पैसा होता है लेकिन उसको उसके कैश फ्लो को किस तरीके से मेंटेन करना है मिसाल पर सैलरीज भी हैं रेंट्स भी हैं सादा साद में बात करूँ बोनसेस भी हैं ओवरऑल एक्सपेंसेस भी हैं सो so उसने किस तरीके से बैलेंस करके उन तमाम के तमाम कैश फ्लोज़ को मेंटेन करना है ताकि पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेस में वर्क फ्लोज जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो और ये बहुत अपेरेंटली सिंपल चीज़ लगती है लेकिन मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो उस चीज़ में लैक कर रही होती हैं जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा उनके डिक्लाइन आता है जो थर्ड जो चीज़ है वो है ओवरऑल रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन तो ह्यूमन रिसोर्स है फाइनेंशियल रिसोर्स है और बाकी आपके पास आप टेक्निकल एंड अदर रिसोर्सेज हैं अब वो जो अदर रिसोसेज हैं उसमें हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एक कंपनी की स्ट्रेंथ हो या मे बी फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ हो या किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में करें तो वहाँ उनकी कोई कोर या कॉम्पिटेंस हो तो जितने भी उस स्पेसिफिक नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर उनके पास रिसोर्स हैं उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अब एक तो ये कि इन तीनों के अलग था और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन तीनों के बैलेंसड कॉम्बिनेशन आपके पास बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स एंड अदर टेक्निकल रिसोर्स जो हैं ठीक है ना उनका जो बेस्ट आ, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंड है वो एक प्रोजेक्ट मैनेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छा इसमें एक और भी तो प्रोजेक्ट मैनेजर रखा और भाग के चला गया या छोड़ देता है या आसान करते हैं आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी नहीं क्या है बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट में जो है हायर फायर हायर फायर या वो छोड़ के चला जाता है तो कैसे मेंटेन करेगा अच्छा आ, 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 ओके ये ना एजेंसीज के जो को फाउंडर्स हैं वो अक्सर उनका यह बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी है और बहुत ज़्यादा पूछते हैं मेरा उनसे एक बड़ा सादा सा सवाल होता है जी आप मुझे वो पांच चीज़ें बताएं जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के ना जाइए या वो रिटेन रहे यकीन माने उनके पास जवाब नहीं होता ठीक है हम ये तो चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय हमारी बेशक एजेंसी मैंने माइक्रो एजेंसी खोल ली ठीक है ना मुझे उसका नाम भी नहीं पता मेरे पास उसकी प्रॉपर वेबसाइट भी नहीं है ठीक है ना मेरे पास सिस्टम्स और प्रोसेस भी नहीं है ठीक है मेरे पास उसको देने के लिए बहुत अच्छी सैलरी भी नहीं है ठीक है ना लेकिन वो मुझे छोड़ के ना जाए ठीक है सो so, मेरे पहले सवाल होता है ना भाई वो आपको रिटेन क्यों करे सही ठीक है सो so, उसका जवाब नहीं है लेकिन वो कहते नहीं बस करे ठीक है सो so, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी सबसे पहले तो वो इसी में मैं कहता हूँ कि समटाइम्स जब आप डॉक्यूमेंट होते हैं ना तो आपको खुद की पहचान होती है पता चलता है कि वेयर योर स्टैंड है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है जो जो हुक होगी और फिर आप उसी के ऊपर उसको मोटिवेट रखेंगे ना इट कैन भी डिफरेंट फॉर एनीशन एंड एंड देआर सो मैनी फैक्टर्स दैट कैन भी पॉसिबल फॉर माइक्रो एजेंसी पर माइक्रो एजेंसी कहती हैं या मुझे वो आप बता दें तो मैं सवाल करने वाला ठीक है ना तो वो so, मैं नहीं बताऊँगा इसलिए so, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा मैं ये नहीं बताऊँगा क्योंकि लोग उसको पकड़ लेंगे मुझे लगता है कि दे हैव टू एक्सप्लोर बेस्ड अपॉन देअर स्ट्रेंथ क्योंकि हर एजेंसी सबसे पहले ऑन्टरप्रेन्योर के ऊपर बिल्ट हुई है उस ऑनटरप्रेन्योर ने बनाया है तो ऑनटरप्रीनोर सबसे पहले इन्फ्लुएंस कर रहा होता है उस एजेंसी को उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो एजेंसी को इस तरह बनाए कि वो नहीं भी हो तो एजेंसी चलती रहे लेकिन सबसे पहले तो वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा अब उसकी अपनी स्ट्रेंथ कंपनी की स्ट्रेंथ होंगी क्योंकि वो अभी वो सोलो उसको लेके चल रहा है वो माइक्रो एजेंसी है या वो एजेंसी है और ऐसा ऐसा उसने अपने सिस्टम और प्रोसेस ऐसे डेवलप करने हैं और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस तरीके से इंकॉर्प्रेट करनी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो उसकी एबसेंस में भी उसी तरीके से चलता रहे जो उसकी प्रेजेंस में चल रहा है एंड दैट मस्ट बी द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑन्टन्यो अब हर कंपनी या हर माइक्रो एजेंसी के लिए वो फैक्टर्स डिफरेंट होंगे मिसाल के तौर तो पर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक बंदा है जो टेक्निकली बड़ा साउंड है तो उसको पता होना चाहिए कि जो भी बंदा आएगा वो मुझसे सीखेगा तो सही एक एक एजेंसी है उसके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत बेहतर हैं ठीक, है? ठीक है तो तो वो वो हो सकता है कि वो उसके ऊपर पिच कर रही हो तो जो टीम को हायर करे एक है कि जो उसका जो को फाउंडर है वो ग्रे हेल्ड है मतलब बाबा है तो वो कहेंगे यार हम इससे या इसकी मेंटोरशिप में कुछ ना कुछ जो है वो सीख लेंगे एक बंदा है जो कि इन्फ्लुएंशियल बहुत ज़्यादा है ठीक है ठीक है ना एक और बंदा है जिसकी जो एजेंसी बिल्डिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है सिस्टम प्रोसेस मैके तो वो कहते हैं यार हम टेक्निकल नॉलेज के अलावा और एटलीस्ट ये तो जो है वो वो सीख लेंगे वो। तो हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं लेकिन आप जब ऑर्गेनाइजेशन जब किसी इंडस्ट्री में कम्पीट करती है सक्सीड करती है स्केल करती है तो वो अपने कम्पैटेटिव एडवांटेज पे करती है तो राधर देन आस्किंग के जी वो दो तीन चीज़ें बता दें उसको ये देखना चाहिए उसका कम्पैटेटिव एडवांटेज क्या ताकि वो उसके ऊपर स्ट्रेटजी बना सके और उस स्ट्रेटजी का पार्ट होगा या ये तीन चीज़ें चार चीज़ें मैं तुम्हें तो दे रहा हूँ जो तुम्हें तो दूसरी जगहों से नहीं मिलेंगे एंड डेट विल बी अ हुक लेकिन अगर वो खुद ऑन्टरप्रीनियर को नहीं पता होगा तो एम्प्लॉय का रिटेन uh, करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे मतलब बहुत सी पा, पाकिस्तान में जो अच्छी बड़ी सीनियर एजेंसीज हैं ठीक है ना उनके लोग आए और उन्होंने कहा कि यार हमारे पास तो एम्प्लॉयज़ का मसला है उनकी रिटेंशन का मसला है वो छोड़ के जा रहे हैं उसकी वजह से क्लाइंट एक्जिशन डिस्टर्ब हो रही है दूसरी चीज़ें हो रही हैं एंड देन वी सिट टुगेदर वो डेवलप द मैकेज़म और एक साल के बाद डेढ़ साल के बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल सुकून है अब नो कोई टेंशन नहीं है कोई मसला नहीं है नो वन इज़ लीविंग जो टीम है वो ऑटो पे चले गई है वो बिल्ट हो रही है और तमाम के उन चीज़ों को सही है सो so, अक्सर लोगों को लगता है नहीं यार पाकिस्तानी ऐसे हैं पाकिस्तानी वैसे हैं बच्चे जो हैं वो चीट करते हैं ये करते हैं वो करते हैं आई स्ट्रॉगली डिसएग्री अपॉन डेट टाइम ठीक है मैं कहता हूँ अगर इन लोगों को ये जो पाकिस्तानी एजेंसी ओनर है वो दुनिया के अमेरिका में चले जाएँ ठीक है सो सो जितना टफ टाइम उनको वहाँ मिलेगा ठीक है ना उसका टेन परसेंट भी पाकिस्तान में नहीं है ठीक है ना आप ये तो देखें ना आप क्या देख रहे हैं आप ये देखते हैं कि दूसरा मुझे क्या दें तो यहाँ तो फिर भी लिहाज है शर्म है और मामलात हैं ठीक है ना वो तो सही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ठीक है ना तो वो तो बड़े क्लियर होंगे तो वो तो एक दिन के लिए भी आपको स्पेयर नहीं करेंगे अगर आप नहीं इस्पेयर करेंगे वो भी नहीं करेंगे तो यहाँ तो आपको लिहाज में भी एम्प्लॉय भी चलते रहते हैं ना जैसे इफ़ यू कॉन्ट सक्सीड फेल फास्ट तो ये वाली चीज़ एम्प्लॉयर के लिए तो अप्लाई होती है बेचारा एम्प्लॉय भी करता रहता है ना अच्छा यार दो महीने और चल लेता हूँ अच्छा यार छः महीने और चल लेता हूँ अच्छा या वो कह रहे हैं, तो चलो वो देख लेता हूँ तो बाहर तो रुथलेस है दोनों साइडों पर तो वहाँ चैलेंज जो है वो कहीं गुना ज़्यादा होगा तो uh, मुझे लगता है कि देर लॉट ऑफ गुड पीपल्स आर हेयर इवन इन द ई कॉमर्स कम्यूनिटी एंड इट इज़ नॉट a डिफ़िकल्ट uh, e task टू रिटेन दैम एंड टू engage दैम बट देर मस्ट बी something इन योर प्लेट

अब दो तीन एंगल्स हैं अब हमारे पास वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है ठीक है ठीक है सो so, अगर आपका पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं है तो अगर आप पाकिस्तान में विजिबल नहीं भी हैं ठीक है तो अपेन्टली को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं, ठीक ना। ठीक और दे आर सो मैनी पीपल जो के कि करें लेकिन उसमें जो एक चैलेंज है ना वो ये आता है कि जब आप पाकिस्तान में ब्रांड नहीं है और बाहर काम कर रहे करें और सही हैं तो अक्सर जो टीम है उसमें उस, उस ब्रांडिंग ना होने की वजह से ओनरशिप नहीं आती सो so, अगर it. आप खामोश भी हैं ना तो एटलीस्ट यू मस्ट बी अ ब्रांड फॉर योर टीम इफ नॉट फॉर द कम्युनिटी बिकॉज दैट्स योर टीम दैट इज़ द अल्टीमेट कम्पैट एडवांटेज फॉर योर अल्टीमेट सक्सेस सो उसके लिए आपके लिए उस उस टीम के लिए आपके लिए ब्रांड होना बड़ा ज़रूरी है सो so, एक तो ये वाली बात है दूसरा ये है कि आप अगर इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है अगर आप इन्फ्लुंसर हो रहे हैं तो आप अपने लिए हो रहे हैं या एजेंसी के लिए हो रहे हैं तो अगर आपके लिए अपना नाम एजेंसी के नाम से ज़्यादा अहम है ठीक है तो आप डूअर पर्सनैलिटी के मालिक हैं और यहाँ आके फिर या तो आप लैप्स करेंगे या आपकी कंपनी को करेगी सो तो या तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अपनी कंपनी के नाम को आगे लेके जाना है या आपने अपने नाम को आगे लेके जाना है लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अपने नाम को भी आगे लेके जाऊँ कंपनी के, के भी नाम को आगे लेके जाऊँ तो अदर प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड बट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैंने अपने नाम की वजह से कंपनी के नाम को ऊपर लेके जाना है या कंपनी okay. ने मुझे ऊपर लेके जाना है सो so, जो भी हो वो एक बिजनेस मॉडल के तहत हो उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या होना चाहिए तो आई एम वेरी सर्टन कि इट मस्ट बी अ कंपनी नॉट एन इंडिविजुअल के 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 जो ऊपर जाएगा सो so, कंपनी का नाम जो है वो आपके जो एंटरप्रेन्योर्स के नाम से ऊपर होना चाहिए सो so, अग, अगर है। वो है तो कंपनी सरवाइव करेगी बट अदरवाइज इफ यू विल हैव एन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी कंपनी एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर ठीक है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा देखिए बिज़नेस इज़ वेरी सिंपल अगर आप देखें बिज़नेस की बहुत सादा सी डेफिनेशन है ये कैपिटलिस्ट इकॉनोमी के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपने अपने काम करने अपना पैसा कमाना ठीक है so, सो जो अपने पैसा कमाना है तो आपने अपने जो इन्फ्लुंसर्स की जो कम्यूनिटी है उससे पैसा नहीं कमाता ठीक है आप क्लाइंट से पैसा कमाते हैं तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक लाख लोग चाहिए या आपको दस क्लाइंट चाहिए ठीक तो so, अगर आपको दस क्लाइंट चाहिए तो यू हैव टू फोकस ऑन टेन क्लाइंट्स या आपने एक लाख लोगों को संभालना बेशक वो जैसे भी हो तो यू विल स्पेंड मोर टाइम ऑन द फेसबुक और दिंकड इन और सच स्टफ़ इन ऑर्डर टू रिटेन दैम एंगेज दैम एंड थिंग्स लाइक इट और यू आर वर्किंग ऑन हैविंग टेन रिटेन क्लाइंट्स जिसकी वजह से आपकी कंपनी जो है बढ़ गई अच्छा अभी ऐसा भी तो हो गया ना जैसे अभी मैंने देखा है बाई फेस ही चल रहा है पहले ऐसा नहीं था अगर मैं बैक जाऊँ ना तो मैं मैं भी अगर एक डिजी डी के नाम से वेबसाइट बनाई और वो चलती थी पर सम शमठाओ मैंने देखा है कि जैसे ये सोशल मीडिया आया है तो वो पर्सनल पे ही चला गया है तो सो तो आप मुझे बताएं आप आप ऑर्गेनाइजेशन आप को हाईलाइट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट का तो ऑप्शन ही नहीं होता ना आपके पास ऑर्गेनाइजेशन कैसे सिखा सकती है कुछ जैसे आप ज़्यादातर जो इन्फ्लुंस करते हैं मैं हम जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं तो वो पी के एक्सपर्ट बनेगा तो वही सिखाना पड़ता है तो वही समथिंग इन्फ्लुएंस बन जाता है या वो एजेंसी ऑनर है तो वो ट्रिके बता रहा है या फिर अगर कोई यूएस में सर्विसेज दे रहा है तो उसी के बारे में बता रहा है तो वही so, उसका so, इंफ्लुएंस so बिल्कुल ठीक सा हाँ है सो मेरा आपसे बिल्कुल काउंटर एक सादा सा सवाल है जिसमें जवाब छुपा हुआ है कि हमेशा उस कंपनी का जो फाउंडर है वही इन्फ्लुंसर क्यों बनता अगर वो एजेंसी है ठीक है ठीक है सो so, और वो कंसल्टेंट नहीं है और वो फ्री नहीं है और वो एजेंसी फाउंडर है तो उसके डिपार्टमेंट के हेड्स भी तो इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं ना और बनने चाहिए ठीक है सो तो पाकिस्तानी कितनी ऐसी कंपनीज हैं ठीक है कि जिनके इन्फ्लुएंसर के साथ ठीक है ना उसके तीन चार और लोग भी जो हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुंसर्स हैं ठीक है ठीक है सो तो इसी वजह मैं कह रहा था कि आपको ये प्योरिटी प्योरटाइज़ करना पड़ेगा कि आपके लिए अपना आप एज़ अ नाम एज अ ब्रांड के तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपनी कंपनी का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, अगर आपके चार डिपार्टमेंट्स हैं और चारों के चारों डिपार्टमेंट्स के हेड इन्फ्लुएंसर्स हैं तो देन एज अ कंपनी एज अ एजेंसी यू विल हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी बिकॉज आपने okay. अब उनको हाईलाइट करना है उनको विजिबल करना है उनको मे बी सेलेब्रिटी बनाना है और इन्फ्लुएंसर बनाना है बट अगर आपने हर जगह पर अपने आप को बनाना है तो देन दे ऑल फोर डिपार्टमेंट्स एंड देर हेड्स विल पुट ऑल एफर्ट्स टू मेक यू दू दे अप्रोच विल भी वेरी डिफरेंट उसमें आई कैन अंडरस्टैंड लोगों को फेयर फैक्टर भी हो सकता है कुछ और भी चीज़ें हो सकती है चाहता था कि ये भी तो है ना कि उसका एक्सपेंस लगता है और वो अगर वो फेमस भी हो गया रिसोर्स so, यूज़ किए उसने सब कुछ किया उसके बाद बोलता है यार चले मैं अपनी एजेंसी खोलता हूँ सो so, बात यह है ओके okay, तो और जिस चीज़ में शक आ जाए तो तले का भी कॉल है तो या तो वो तो या तो शक को ख़त्म कर दो या उस चीज़ को खत्म कर दो मतलब मैं कहता हूँ उस चीज़ को ख़त्म कर दो या शक को कर दो वो वो तो हैं कि उस चीज़ को ख़त्म कर है तो बात यह है कि जी अगर डर गया तो मर गया तो अगर आपने फेयर के साथ ज़िंदगी गुजारनी है कि और आपने डरना ही अपनी टीम के साथ है तो फिर वो टीम कैसी ठीक है तो अगर आपको आपको दुनिया में कंपेटिटर से ज़्यादा अपनी टीम से डर है कि आपकी टीम जो है वो आपको कम्पीट ना कर ले ठीक है ना तो ये तो बहुत बड़ा मसला है ना फिर एजेंसी ओनर के साथ देखें यू कान सक्सीड ठीक है, आ, succeed, ठीक है इफ ना इफ़ यू आर नॉट रिप्लेसेबल सो सबसे पहले आपको अपने जैसा एक क्रिएट करना पड़ता है फिर ही आप तरक्की जाते हैं अगर आप में ये फेयर हुआ कि वो मेरे जैसा ना हो जाए तो तो, तो मसाइल तो फिर आपकी तो फंडामेंटली आप गलत हो गए ना सो so, जो काम मैं आज कर रहा हूँ ठीक है ना मुझे सबसे पहले टीमें से ये ढूँढना है कि वो काम कितने महीने के बाद मेरी टीमें से कोई ना कोई बंदा कर सकता ठीक है अगर वो हो गया तो माई जॉब इज अगर वो ना हुआ तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलो मैं अपने केसेज स्टडी ले लेता हूँ हम पॉडकास्ट में बैठे यहाँ पे हम चल रहा है गेंद गेंद विद तहसीन के नाम से यूट्यूब तो फिर मुझे रिप्लेसमेंट करने के लिए फिर मुझे रेडी करना पड़ेगा नहीं बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं मैं यस आई डू एग्री बट मैं ये करता हूँ कि आपके पास आप उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे ये तो बात मैंने कह दी ना ये बात बड़ी अट्रैक्टिव लग सकती है पॉडकास्ट में कहने के लिए ठीक है ना लेकिन उसके लिए दिल गुर्दा भी बढ़ चाहिए और मामला भी चाहिए लेकिन बात यह है कि आप ये कर पाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए एक चीज़ बड़ी जरूरी है कि आपके पास क्या बिगर प्लान है या नहीं ठीक है ना तो अगर आपके पास उससे बड़ा बिगर प्लान नहीं है ना आप कभी भी नहीं कर पाएंगे आपके पास फियर होगा लेकिन आपके पास अगर बिगर प्लान होगा ना आपका विजन ब्रॉड होगा ठीक है ना तो आप कहेंगे नहीं यार दिस इज़ समथिंग आई हैव डन इट ठीक है ना आई वांट इट टू बी शेयर टू समन एल्स और फिर मैं इसे बड़ा करता हूँ एंड द मैं इसे बड़ा करता हूँ सो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उसी तरह ग्रो करती हैं जब आप अपनी रिप्लेसमेंट को ढूंढते हैं और वो बंदा आपकी जगह पे काम करना आता है वो कहता है मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को पहले अहल करता है फिर अता करता है सो so, बहुत बड़ी बात है कि और और मैं एटलीस्ट ये मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है अपनी टीम में कि मैं ये कहूँ कि यार तुम मेरी तरह सोचो और मेरी तरह काम करो अगर वो नहीं करोगे ठीक है ना तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे सो so, अगर आपने ये कहा कि इफ आई एम ऑलवेज़ राइट इफ़ बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट टू ऑफ वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे वो लोग चाहिए जो कि मुझे चैलेंज करें मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो मुझे यस सर करें ठीक है ठेके? और मैंने सारी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ और करियर के अंदर क्रिटासाइज़ किया ठीक है ना लेकिन मैं रिस्पेक्टफुल रहा हूँ मैंने तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो मैं, उस मैंने उसमें मैंने सर्व किया अपनी मेरी जो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है तकरीबन सोलह साल की तो वो तो सही के सही मिलिट्री और ऑर्गेनाइजेशन में सो so, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अहम जो हैं वो लर्निंग्स हैं एक ये है कि आप आप जो क्रिटिसिज्म है ना वो आप बेशक एक्सट्रीम के ऊपर करो जो कि मैंने देखा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं करते थे वो ये yes सर करते थे लेकिन आप रिस्पेक्टफुल रहो सो so आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करियर में जिस भी पोजीशन पे हैं आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या नहीं है आपने हमेशा बॉस की बात पर के या दूसरे की बात सुन के यस या नो नहीं कहना ठीक है ना आप अल्लाह ताली ने आपको अकल दी है आपकी अपनी डिसीजन मेकिंग आप कहें और वो आप अपनी ओपिनियन सामने रखें फिर इफ़ यू आर नॉट द बॉस यू आर नॉट द डिपार्टमेंटल हेड ठीक है ना डैट देयर डिसीजन वो उसको मानते हैं नहीं मानते बट एवरी टाइम इफ़ दे विल आस्क फ्रॉम यू यू हैव टू गिव योर ओपिनियन एंड दैट ओपिनियन विल बी मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट इफ़ दैट विल बी एन ऑनेस्ट ओपिनियन ठीक है time, you, you be, be opinion, ना एट एवरी टाइम दे विल कंसीडर योर ओपिनियन वो लोग जो उनके साथ बहुत अच्छे होंगे बहुत साथ होंगे और वो उनको जो है ना वो ब्लू बैंड पेश भी करते रहते होंगे लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर जब आप आएंगे ना तो वो हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए आपको बुलाएंगे बेशक आपका मुंह मत अच्छा भी नहीं लगता होगा बिकॉज उनको पता होगा यार वो जो भी बात कहकर सही कह के वो मुझे बचा सकती है यस yes, सर कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बचा सकता ठीक है सो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आई हैड अ फाउंडेशन विद नेम लाइफ टर्न फाउंडेशन आई वॉज अ फाउंडर आई मेड माई फादर एज अ प्रेजिडेंट इट और मैंने हमने उसको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और अलहद हमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए एंड देन वी हैड मतलब एट टाइम्स हमारे पास एट एट हंड्रेड एम्प्लॉज़ तक भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रहे आठ साल के बाद हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की और हमने कही यार हम अच्छे हैं वी हैव अ नेम इन अ डेवलपमेंट सेक्टर लेकिन हम लोगों ने ना वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं हुआ कि इन इन द डेवलपमेंट सेक्टर द पीपल नो अस वेरी वेल लेकिन एक होता है ना वो आप नेशनल ब्रांड इतना बड़ा बन जाते हैं कि दे एवरी पीपल एवरी वन नोज यू और हमारा काम बहुत अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है और हम लोगों ने सुबह तकरीबन हमारी साढ़े नौ बजे बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई और हमने क्या ये आइडेंटिफाई करते हैं और आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन कोई सवा चार के नज़दीक वी कम टू द कंक्लूजन एंड देट देट दैट कंक्लूजन वज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड देट वॉज अ सिंगल पॉइंट मिस्टेक डैट वी वर डूइंग डेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ना वी वर लैकिंग डाइवर्सिटी हमारे पास हम जिस भी बंदे को हायर करते थे इतने एक्कोरेट बंदे को हायर करते थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई छोड़ के नहीं गया ठीक टेंशन का को कोई मसला नहीं हुआ ट्रेनिंग कभी हम लोगों ने दी नहीं ठीक है ना जो भी बंदा होता था वो हमारे साथ जल कट जाता था ठीक है सो हमारा बंदा कभी भी हम लोगों की जो मोनिटरिंग की या विजिट्स की कॉस्ट है वो होती नहीं थी जिस भी बंदे को हम जहाँ भी जाके डिप्लाई करते थे वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता था तो हम तो पैसे ही सेव करते थे कि हमारे विजिट्स ही ना रहें तो क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर इतना था कि कभी भी किसी भी जगह के ऊपर आपको डाउट ही नहीं था कि टीम में कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकता तो हमारे तो वो प्रोसेस और मैकेनिज्म से उस तरीके से नहीं बने होते और कभी हुआ भी नहीं होता है होता आप चलें दस दफ़ा नहीं हुआ लेकिन एक दफ़ा हो गया तो कभी भी नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही आया आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बात किसी भी बंदे से पूछें राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द दिस हर बंदे की एक ही ज़बान है ठीक है ना और डोनर से भी पूछता था तो वो सारी चीज़ें अलाइंड होती थी तो वो कहता था यार कभी आके चले चेहरे दिखा दें या आप फील्ड में विजिट कर लिया करें या मिल लिया करें हमने कहा कोई प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम तो नहीं है वो तो दूसरी एन को प्रोजेक्ट दिया था तो वो भी आप ही के मॉडल सिस्टम्स हम वहाँ अप्लाई कर रहे हैं थिंग्स लाइक इट like तो तो डैट वॉज एट डैट टाइम ना उस चीज़ ने मुझे वो जो है हिला के रख दिया कि उस चीज़ की वजह से जो हमारी शुरू में सक्सेस की वजह बनी उसी ने इलाके हमें प्लेट्यू पे रख दिया और हम आगे ग्रो नहीं कर सके फिर मैंने एक टेट टॉक जो है वो सुनी एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्री क्या वो क्यों है उस टेट टॉक में एक खातून ने एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा बहुत नंबर्स में फ़र्क हो सकता है उस खातून ने दस साल रिसर्च की और दस साल रिसर्च करने के बाद उसने सात सौ ऑर्गेनाइशन को विज़िट किया और उन ऑर्गेनाइजेशन को के सी से इंटरव्यू लिए जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि वो पीक पर थी जब एजा सी ओ सर्व किया तो उनको बैंक्रप्ट कर दिया ठीक है सो so, उसने उसने दस साल की रिसर्च की एंड उसमें जो उसने सबसे पहला जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से वो कंपनीज बैंक हुई उसमें ये कहा था कि आ, वो दे वर नॉट ओपन टू डाइवर्सिटी वो उन लोगों को नहीं पसंद कर सकते थे जो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे तो या डिफरेंट कल्चर के थे या डिफरेंट नॉर्म्स के थे या सेक्ट्स के थे या डिफरेंट नेशंस के थे बिकॉज जितनी भी डाइवर्सिटी होती है बेशक वो जेंडर के हवाले से हो एज के हवाले से हो क्वालिफिकेशन के हवाले से हो एक्सपीरियंस के हवाले से हो ठीक है ना वो आपके अंदर जो है ना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेके आती है आप जब उसको सुनते हैं तो फिर आप इम्प्रूव करते हैं लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक ही बात करने लगे हैं तो वो यस बॉस वाली बात आ जाएगी ठीक है ना सो so, आपकी में जो इनोवेशन है ना जो क्रिएटिविटी है जो इम्प्रूवमेंट है जिसको हम टी कहते हैं कॉन्टीन्यूस में वो किल हो जाती है और फिर आप एक पॉइंट आता है बड़ी जल्दी उस ट्रेगनेंट पॉइंट के ऊपर आता है तो डाइवर्सिटी इज़ समथिंग डैट्स वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट और अगर देखा जाए तो होता भी ऐसा ही है जैसे अभी मुझे सवाल करते वक्त तो अजीब सा था लेकिन जब आप बात करने लगे तो समझ में आया कि अगर एजेंसी और पहले वो खुद काम कर रहा होता फिर वो हायर करता है फिर वो ग्रोथ की चल चल चला गया फिर वो अगर उसको एस में जाना है तो एस के डिपार्टमेंट में यार के मुझे अपनी वेबसाइट रैंक अब रैक साल की अपनी जर्नी याद आ रही है कि आपने यही किया किया एग्जैक्टली exactly ऐसा ही हाँ, किया। आपने ऐसे ही किया है और और अभी तो ये स्टार्ट है ना लेकिन अगर आप पिछले बीस साल में देखें तो इन एवरी डिपार्टमेंट यू डिड द सेम थिंग एंड यू आर दिंग लेकिन कभी कभार होता है कि वो डिस्कस करके वो बात दरियाफ्त होती है अब करते हुए वही आ रहे होते हो और प्रोसेस वही है लेकिन आपको पता नहीं होता आपने क्या किया है और अगर वो ना करते तो आप आज ना होता क्योंकि वो पूरा पुर, प्रोसेस मुझे अपना बीस साल का याद आ गया कि हाँ ऐसा ही है क्योंकि वो एक डिज़ाइन कर रहा था डिज़ाइन के बाद वो फिर वेबसाइट आ वेबसाइट के बाद यार कर ले कर दे उसके बाद अब शायद पॉडकास्ट में आ गए अभी शायद फेयर होता है कि यार अभी किसी को बुठा दे तो घर पड़ा करते अब देखें ना अब आपने अन वो आपनेटेंशनली ये सारी चीज़ें की हाँ आइडिया नहीं था अगर आप बिल्कुल प्लान्ड होते और आधे बीस साल पहले आप इन्फॉर्म्ड होते और आपको पता होता है कि यार ये ये मैकेनिज्म है formula, है द फार्मूला ठीक आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ होती ये एक्जैक्टली exactly अपना अभी भी जैसे फेयर होता है कि यार अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो क्या होगा लेकिन अब वो आपसे बात करने से पहले था कि यार अगर ये छोड़ते हैं तो कौन देखेगा और कभी भी आने से पहले भी होता था लेकिन हमने यार क्योंकि मुझे पता है उसके आगे की जर्नी मेरी डिफरेंट होगी ना क्योंकि उसका स... ये सफर उससे बड़ा सफर होगा बिल्कुल क्योंकि उसको तो आगे एज एजरप्रन है या वो एजेंसी ओनर है उसका तो सफ़र रुकना नहीं है उसे तो अपने लिए भी मेहनत करनी है मुल्क के लिए भी करनी है और सबके लिए कोशिश करनी है तो मैं मैं इस वजह कहता हूँ कि जब आप जब आपके ऑर्गेंस्ट में आपकी रिप्लेसमेंट तैयार हो जाती है ना तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने आपको किसी अगले स्टेप के स्टेप के लिए, 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 लिए। तैयार कर रहा ठीक है ना सो तो वो वो एक बंदा होगा उसमें फेयर आएगा वो उसकी चॉइस है ठीक है और एक बंदा होगा जो डेरिंग होगा अल्लाह ताला को वैसे ही डेरिंग लोग जो हैं वो ज़्यादा पसंद है अब ये देखें ना अल्लाह ताला को मुनाफिक से काफ़िर ज़्यादा पसंद है वो कहते है, नहीं मानता नहीं मानता मानता हूँ तो मानता हूँ लेकिन वो दोनों फिर भी पसंद है वो बंदा जो कि अनसर्टेन होता है कन्फ्यूज़ होता है अच्छा ये ना हो जाए वो ना हो जाए इफ्स हैं बट्स हैं ठीक है ना तो ऐसा बंदा ना अल्लाह ताला को ना वो पसंद नहीं है और, और इस वजह से ऐसे लोग जो है ना वो अपनी लाइफ में जर्नी में सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करते हैं जो कि सर्टेन नहीं होता जो भी बंदा अपनी लाइफ में सर्टेन है ना डिसीजन है ठीक हुआ ठीक हुआ गलत हुआ गलत हुआ मैं ये कहता हूँ गलत डिसीजन लेना डिसीजन ना लेने से बेहतर है ठीक है ना जितना मर्जी है आप गलत डिसीजन ले लें लेकिन आप अगर आपकी पर्सनैलिटी में यह डिसीजन ही नहीं ले सकते ठीक है ना डैट द बेस्ट पॉइंट डैट्स वेरी पैथेटिक डन गया इसी तरह से अपने कंपनी के प्रोफाइल्स पर हरार की दिखाते हुए भी, भी कुछ लोग घबराते हैं कि यार ये मेरा मैनेजर है और ये है तो वो शायद इसी वजह से घबरा रहे होते हैं उनके बाद फेयर होता है यार ये देखिए फेयर है और, और मजे की बात यह है कि जिस जिसका फेयर होता है ना ठीक है वो वो फिर होता भी है हाँ जैसा सोचे कि सब... हाँ तो व, वो होता है एंड 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 दिस इज सो आप जैसा गुमान करेंगे आपके साथ बैठ अच्छा एक चीज़ और ऐड करते सर इसमें मैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ आप शायद बहुत अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि आप यू पे भी जा रहे हैं आपकी भी फ्लाइट भी है और आप यहाँ भी हैं हमें समाइम फेयर होता है कि हम गोरे को अपनी तस्वीर दिखा दें कि यार ये पाकिस्तानी सीओ है ये जैसे मुझे मुझे भी शायद कह रहे कि मैंने भी कभी भी स्ट्रक्चर नहीं दिखाया अब तो बहुत आसान हो गया अब तो बहुत ज़्यादा लेकिन अगर आप बीस साल पहले अगर बात करेंगे तो दैट टाइम वॉज नॉट यार मैं मैं दिखा दूँ कि मैं तहसीन इस्लाम और पाकिस्तान से बैठ के काम करूँ अब तो इंडिया की वजह से मैं एज मिल जाता है तो क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और यू में सर्विसेज दे रहा है तो वो इस फेयर को कैसे निकाले बाहर करे फेयर है क्यों मतलब शायद ये कल्चर में बिल्ड हुआ हुआ है जो भी है देखिए फेयर है ना फेयर की अपनी कॉस्ट होगी वो तो वह ग्रोथ को रोकेगा देखें ओके तो कुरान में आया फाइनामल नमल उसी यूसा इन नाम उसे यूज़ हर मुश्किल में आसानी है बस हर मुश्किल में आसानी है आप एक चीज़ को हाइड करने के लिए एक अपने ऊपर कैप पहनाएंगे बट फाइनली यू विल रियलाइज़ कि यार वो शुरू में तो आपकी शायद हो सकता है कि ग्रोथ हो लेकिन आगे जाके उसी की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा बिकॉज जब आप में ओरिजनलिटी नहीं होगी ना तो प्रॉब्लम आएगा इंडिया में पाकिस्तान में भी लेकिन इंडिया में जब कॉल सेंटर्स वगैरह बने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया ना कि एक शशमिता है वो अपने आप को ठीक है बोल ठीक है सारा बोल देती है हाँ तो सो सो आपकी जो आइडेंटिटी है ठीक है ना वो आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया कि वो अगर आठ घंटे दस घंटे किसी और पर्सनैलिटी के साथ रह रही है तो वो खुद कौन है तो आप खुद तो पहचान ही नहीं सकेंगे जबकि आपकी औरिजनैलिटी नहीं है ठीक है ना वो और मैं आपको वो दूसरी एक एग्जांपल ऑल दो वे डिफरेंट एग्जांपल है लेकिन अक्सर मैं बच्चों को समझाने के लिए करता हूँ और मेरी बचपन में मैंने एक शॉप पे गया तो दो लोग लड़ रहे थे ठीक है ना उसमें से एक शाजी थे और दूसरा मरासी था ठीक है okay. ना जब मैं पहुँचा तो लड़ाई हो रही थी अब वो जो शाजी थे ना वो मरासी को कहते तू तो मरासी है वो कहते हैं हाँ मैं हूँ वो कहते हैं नहीं तू तो मेरासी है वो कहते हैं हाँ मैं हूँ कहते, तो कहते, हा, कहते तेरे बाप मरासी था वो कहते हैं हाँ वो तो है वो तो है ठीक है न कहते तो और अच्छा अब वो उसको मरासी मरासी कर रहे हो, वो हर तो तो अच्छा शुरू में जो है ना वो वाला जो बंदा है ना वो उसकी तरफ लोग देख रहे हैं कि अच्छा यार इसने कोई क्या अच्छा जैसे जैसे वो शाजी ज़्यादा मरासी मरासी होने शुरू हो गए ना तो लोग ना अब उस शाजी के ऊपर मजाक उड़ाने लगे और आगे वाला बंदा नॉर्मल कॉन्टेंटेड कहता कोई मसला ही नहीं है और नहीं? वो हाइपर से हाइपर होता गया हाइपर से हाइपर होता चला गया हाइपर से हाइपर होता गया वो फ्रस्ट्रेट होता चला गया तो उसने कहा वो दूसरा गुस्सा करेगा उसने गुस्सा नहीं किया तो वो होगा तो बात यह है कि वट यू आर यू आर और मैं आपको बताऊँ तो, अमेरिका में खुद इतनी डाइवर्सिटी है देखें अमेरिका की अगर आप करना करें ना अमेरिका में तो अमेरिकन बेचारे जो थे वो तो है ही नहीं नज़र ही नहीं आते और उनको तो बड़े छोटे छोटे कोने कोने लैंड शैंड दे दी कि अब ये तुम्हारी लैंड है ये तुम्हारी लैंड है ये तुम्हारी लैंड है, तुम्हारी लैंड है इतना गुजारा करना है बाकी ये सारे के सारे तो जितने भी हैं वो इन्वेडर्स हैं ना बेशक वो यूरोप से आए जहाँ से भी आए ठीक है ना सारे सी ओ उनके भी चाहिए वो नहीं एक ना, तो जहाँ से भी आए तो ये हम, हमें अपनी वो इन्फेवरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम बता देंगे तो ये तमाम के तमाम चीज़ों के हो सकता है शुरू में तो थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आए मैं ये नहीं कह सकता यह कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन आप स्केल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी औरिजिनेलिटी के साथ नहीं आएंगे वट यू आर यू आर एंड दे आर डूइंग द बिजनेस थे और मुझे लगता है जिस लेवल पर ज़्यादातर हम लोग कर रहे थे उस लेवल पर तो इतना प्रॉब्लम जो है वैसे ही नहीं आता आप आएँ आप बताएँ आप औरजनल हो वो मिसाल के तौर पर कल हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक क्वेश्चन के फीडबैक के ऊपर उन्होंने कहा कि जब भी हम वो कोई पूछते हैं ना और पाकिस्तानी कहते हैं जी जी यस ओके वी विल डू इट तो हमें डाउट होता है अगर वो क्वेश्चन करते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये कैसे होगा वो कैसे होगा ये बताएं वो बताएं हमें नहीं समझ आई तो कहते हैं कि हम उनको सीरियस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सम टाइम्स अगर हम वो इम्प्रेशन ऐसा करेंगे नहीं नहीं यार उनको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है ना तो हो सकता है कि उनको डाउट्स आता हूँ जबकि हम करेंगे कि ये ये वाली चीज़ है बट यू हैव टू लिव इट दैट्स यू आर वेयर ना शायद ये लैंग्वेज की वजह से भी फेयर आता है यार जैसे आप यू में सर्विस दे रहे हैं वो खुद शायद उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती तो कहते हैं यार क्या मैं शायद देखिए ये तो बड़ी दो डिफरेंट बातें आ गई क्योंकि फिर भी इंटरेक्ट तो वही कर रहा है ना तो वो अपने नाम या ऑर्गेनोग्राम्स या पोजिशन या वो तमाम टाइटल्स ना देना वो एक अलग बात है लेकिन लैंग्वेज बैरियर तो फिर भी रहेगा फिर भी रहेगा सो so, इस पूरी की पूरी चीज़ों में जहाँ आप अपनी औरिजनलिटी को सामने रखते हैं ठीक है ना तो वो तो लैंग्वेज तो बिल्कुल ही अलहदा डोमेन है तो उसको इम्प्रूव करना है या ना करना है, या वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो एक अलहदा डिस्कशन है लेकिन इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता बिकॉज आपने अपने आप को ये शो करना है कि आप अमेरिका में बैठे हैं या ये शो करना है पाकिस्तान में बैठे हैं आपके हम प्राउड आप... फील करते हैं ना कि हम उसको दिखा देते हैं यूएस में वर्चुअल एडर्स लेके भी दिखा देते हैं हम यू में बैठे सो so, और वो बोलता है यार इसकी ये शक्ल वाला यूएस में कहाँ से आ गया वो, वो नहीं, नहीं यस और दूसरी बार की बात है मैंने अक्सर लोगों अक्सर एजेंसीज को देखा है यूएस का एड्रेस होता है और जो पिक्चर लगी होती है ना वो पाकिस्तान की लगी होती है और साफ पता चल रहा होता है तो अक्सर को तो मैं पिक्चर्स लेके या कर देता हूँ या मैं कहता हूँ कि एम्बेरसमेंट ना हो तो टीम को कह देता हूँ कि यार उनको ये बता दें मैं नॉर्मली बहुत कम विजिट्स वगैरह करता हूँ या अक्सर करता हूँ तो कहीं ना कहीं से वाली चीज़ें पता भी चल जाती हैं तो अब वो चीज़ों को उस तरीके से रख भी नहीं पाते है। या संभाल भी नहीं पाते ना या तो संभालने क्योंकि हमें अपनी तस्वीरें भी लगानी है दूसरी भी चीज़ें करनी है लेकिन ना अपने ऑफिस की पिक्चर्स भी लगानी है तो अगर कोई भी बंदा यूएस में होगा तो उसको समझ आ जाएगा या ये यूएस की एड्रेस लिखा हो ये उसकी पिक्चर्स नहीं है तो मुझे लगता है कि मे बी मे बी टू मे स्टार्ट विद शायद कुछ अरसे के लिए लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाएँ आप बता दें मुझे लगता है क्लाइंट के साथ फेयर होना आ, बहुत ज़रूरी है ठीक है सो so, आप इम्प्रेशन के लिए तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को कर सकते हैं लेकिन जब वो लॉक हो रहा हो आपको लग रहा हो और वो ले रहा हो तो ठीक है सो so, अगर आपको लगता है कि इस झूठ बोलने की वजह से मेरा कारोबार चल जाएगा और उसकी वजह से मैं बोल जाता हूँ तो शायद लोग उससे डिसग्री करें या मुझे ये लगता है कि आप बता दें शायद उस कारोबार में ज़्यादा बरकत हो जाएगा दो क्लाइंट या तीन छोड़ के जाएंगे और एक रहेगा तो शायद वो एक आपका इतना सस्टेनेबल होगा कि उसकी बेसिस के ऊपर शायद आपको और ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो मिलने तो मुझे लगता है कि ओरिजिनल रहना ज़्यादा अच्छा हाँ एक ये है कि ट्रस्ट फैक्टर का जो मसला है ना वो मुझे लगता है कि वो है और उसमें हमारी बहुत सी कोतायाँ हैं कमियाँ हैं मसाइल हैं जहाँ अब लोग और इवन पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी इस पर ट्रस्ट नहीं करते और उसमें हमारे Uh, हमारी कोताइयाँ यकीन माने जब मैं यूएस में जाता हूँ मुझे दोस्त मिलते हैं वो कहते हैं उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया उसने ये कर दिया मैं जब वो कहानियाँ सुनता हूँ इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट सो अनफॉर्चुनेट कि इट्स वेरी पेनफुल और वो फिर पाकिस्तानियों को चार पाँच से जब उनके एक्सपीरियंसिस अच्छे नहीं रहते तो फिर वो इंडियंस के पास जाते हैं फिर वो इसराइलीस के पास जाते हैं फिर वो फ़िलिपिनोस के पास जाते हैं और फिर वो उन लोगों से काम करवा रहे होते हैं तो देखें उसमें तो आपके एथिक्स और मोरालिटी है इट इज़ नॉट दी बींग पाकिस्तानी लेकिन क्योंकि आपने अगर वो छुपाना भी है तो वो शायद वो झूठ बोलने के लिए छुपाना है कि और एक प्रोजेक्ट ले जाए लेकिन अगर आप आपने एथिकल रहना है आपने ठीक रहना आर लॉट ऑफ पाकिस्तान हु आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब स्टिल हेयर इन पाकिस्तान और वो बता भी रहे हैं और कर भी रहे हैं एनी आप सजेशन क्या देना चाहते हैं एथिकल सजेशन क्या जब एजेंसी खोल रहे हैं तो ये ये पॉइंट्स जो मैंने हंड्रेड ऑफ कंपनीज में आपने विज़िट किया होगा ये मैंने गलतियाँ उनकी देखी हैं अगर वो पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो माइट भी वो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट देर एजेंसी तो वो उसको पॉइंट आउट कर ले देखें ओके okay. सो so, मुझे ये मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है आ, और लोग उसको बेशक मतलब डिसग्री भी करें इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी थिंग आपका जो फोकस है वो बिजनेस पर होना चाहिए ठीक है ना कि आपने पहला क्लाइंट कैसे लेना है उसको सस्टेन कैसे लेना है दूसरा कैसे लेना है उसको सस्टेन कैसे करना है ठीक है ना आपने दस क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर ना करें क्या पहले क्लाइंट को सस्टेन करके उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते जब आपका पहला क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया उसके ऊपर अपने सिस्टम्स और प्रोसेस को डिवेलप करें ताकि आप दूसरे को संभाल सकें ठीक है ना जब दो को संभाल सकते हैं तो अब आप देखें कि क्या अब आप इसकी बेसिस पे चार को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते अक्सर कंपनीज़ जो मैंने देखा इस इकोसिस्टम में कोलेप्स की वो क्लाइंट के ज़्यादा आने की वजह से कोलेप्स की वो इस वजह से क्लेप्स नहीं की कि क्लाइंट नहीं आया ठीक है क्लाइंट दिया है तो बसला ही नहीं है हाँ तो क्लाइंट नहीं आया तो इस वजह मतलब फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट है एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है दूसरी कॉस्ट है तो वो उस वजह से नहीं क्लेप्स हुई कि या एम्प्लॉयज के पैसे नहीं बढ़ सके रेंट नहीं दे सके और हुआ इस वजह से हुआ कि क्लाइंट ज़्यादा आ गए और क्लाइंट मैनेज नहीं हुए क्योंकि क्लाइंट मैनेज नहीं हुए तो फिर आपकी जो कंपनी जो है वो क्लेप्स कर गई तो तो स्केल करने से पहले मतलब एक माइक्रो एजेंसी के लिए शायद पाँच क्लाइंट भी स्केल हो ठीक है ना तो क्या एक सेटिस्फाइड है या नहीं है एक को संभाल लिया या नहीं संभाल लिया आपने क्लाइंट पे तो क्लाइंट पकड़ लिया लेकिन क्या वो सक्सेसफुल भी है या नहीं तो अगर वो एक क्लाइंट सक्सेसफुल नहीं है और वो एक स्टोरी नहीं है और वो नहीं बना और आप बढ़ते चले गए तो फिर आपकी जो एजेंसी की लाइफ है वो शायद एक साल की मुश्किल से होगी तो मुझे लगता है कि वो बड़ी ज़रूरी है सो so, जैसे ही आप क्लाइंट को बनाएँ ठीक है ना तो उसके बाद फिर आप सिस्टम्स प्रोसेस मैकेजम्स वो चीज़ें डेवलप करने लग जाएँ ताकि आप ये देखें कि यार ये वही चीज़ें पे चलती है या नहीं चलती ये चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही आपके पास राइट टीम्स राइट लोग मौजूद हैं या नहीं है और अगर वो मौजूद हैं तो फिर ठीक है और क्या आपके पास अब स्केल करने के लिए उस जैसे और लोग मौजूद हैं या उन्होंने अपनी टीम के नीचे ऐसे लोग रखे हैं जो कर सकते हैं या उनकी वर्क एफिशियसी ऐसे बढ़ गई है कि वो उस टाइम में एक क्लाइंट को देख सकते हैं तब क्या वो दो को देख सकते हैं या नहीं देख सकते तो एक पूरा का पूरा वो प्रोसेस और मैकेनिज़म्स है जहाँ लोग अपने नीचे टीम्स को भी बिल्ड करते रहे साथ साथ एसोसिएट करके या पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए या पेड इंटर्नशिप्स के जरिए या किसी भी जरिए और दूसरी साइड पे फिर आप स्केल करते रहें क्योंकि क्योंकि वो गाड़ी है ना जैसे उसके फोर व्हील्स हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस इस वजह से चलती है कि चारों व्हील्स प्रॉपर्ली बैलेंसड बैलेंस होकर बैलेंस काम कर होते हैं अब आप किसी एक डिपार्टमेंट पर बहुत ज़ोर लगा रहे हैं और दूसरा डिपार्टमेंट नहीं फोकस आपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को इतनी एक्सीलेंस पर कर लिया अब बिजनेस नहीं आ रहा आप नहीं चलेंगे आपकी जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है वो ऐसी है कि रोज़ाना आपको दस दस क्लाइंट लेके आके दे संभालने वाले पीछे से कोई नहीं है तो आप जो हैं वो नहीं चलेंगे ठीक है ना आपके पास वो दोनों तो लोग मौजूद हैं लेकिन कम्युनिकेशन तो के लिए आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर ही मौजूद नहीं है जो आकर फ्लैग रेज जो है वो करे कि जी यहाँ यहाँ ये ये तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं हम लोग तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इस इस महीने में ये ये जो है फाइनेंशियल कॉन्सटेंट आएंगे इश्यूज़ आएंगे और हम लोग नहीं मैनेज कर सकेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जो है चलता है तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पैरल जो हैं वो चलती हैं लेकिन आ, फाइनली अगर मैं इस आ, आपके कमेंट को क्लोज करूं तो स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए ठीक है ना और जितने भी स्टेप्स लें तो उस मकाम के ऊपर आप सर्टेन हों कि हाँ यार आई हैव अचीव डैट थिंग और दिस इज़ नॉट टाइम बेस्ड थिंग तो एटलीस्ट दिस इज़ समथिंग हाँ कि इसको मैंने सस्टेन कर लिया बेशक वो एक क्लाइंट ही क्यों ना हो एंड देन गो टू द सेकंड वन एंड थर्ड वन है तो फोर्थ वन जैसे मैंने आपको वो हसन नवाज़ की बात की लिंक की कि वन मैन शो बीस तीस हज़ार से क्या पचास लाख तक चला गया ऐसे ऐसा क्लाइंट्स जो हैं वो बनाता चला गया तो कोई अर्जेंसी नहीं देखी मैंने कभी उसमें इस तरब नहीं देखा कभी ये नहीं देखा कि उसको ये लस्ट हो कि आप इतने क्लाइंट्स आ हैं इतने आ जाए और ठंड से आराम से तहमुल से थोड़ा 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 करके आप स्केल करते गए एंड डेट सेट ठीक है आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस आ सकते हैं यू गोइंग टू स्टार्ट गेट मैं इसको ऐसा देता हूँ कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या फेलियर होती है एजेंसी की कि जब भी वो स्टार्ट करते हैं या फेलियर की वजह या उनको क्या चैलेंजेस आते हैं नॉर्मली ओके okay, मुझे लगता है पहला चैलेंज जो है ना वो ये है कि दे आर नॉट रेडी टू बिकम एन नॉन और एजेंसी ओनर और को बट क्योंकि ई कॉमर्स एक फास्ट पेस एजेंसी है वो इंडस्ट्री है तो उसमें जो एक एजेंसी का ओनर है ना वो शायद उसने ई कॉमर्स में आए हुए उसको साल डेढ़ साल हुआ और फिर वो को फाउंडर भी बन गया तो शायद वो रेडी नहीं है उसकी उसकी ना इतनी क्वालिफिकेशन है ना उसकी इतनी एज है ना उसका इतना इंडस्ट्री का एक्सपोजर है तो सबसे बड़ा चैलेंज चले, चैलेंज अपने लिए तो वो खुद है ठीक है दूसरा थेके। बड़ा जो चैलेंज है उसके लिए कि उसके लिए बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ विद इन ई कॉमर्स अभी तक मौजूद नहीं है देखो आई टी साल हो गए अगर हम मिनिमम uh, भी लगाएं तो अगर ई कॉमर्स को देखें तो हमारे पास तक छः सात साल जो है वो पुरानी इंडस्ट्री है तो अभी तक हमारे पास उतनी अच्छी बड़ी स्टोरीज वो नहीं आई जहाँ उसके उस इंडस्ट्री के अंदर जो लेसन तो। तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो उसकी टीम है मुझे लगता है तो लोगों के लिए अक्सर बिज़नेस हो ये लगता है मैं नहीं मानता मुझे लगता है जो टीम है वो डैट्स द बेगेस्ट चैलेंज कि उसको जो टीम और टीम मैनेजमेंट टीम बिल्डिंग और वो चीज़ें ना वहाँ वो वो एक इंडिविजुअल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लैक जो है वो कर रहा होता है जो देन द नेक्स्ट चैलेंज जो मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्शन है ठीक है ना वो अक्सर इंडस्ट्री के स्कोप के ऊपर चल रहा होता है आज टिकटॉक शॉप आ गई है मैं टिकटॉक के ऊपर चला जाऊँ ठीक है ना आज अब शॉपिफाई आने लग गया है तो वो है अब यू मार्केट जो है वो बड़ी हो गई है मैं वहाँ से तो अगर आपका जो फाउंडर है वही स्विच करता रहेगा तो उसको नहीं पता होगा तो टीम ने तो फॉलो करना है तो टीम भी फिर उसी डायरेक्शन में और डायमेंशन में जो है वो चलने लग जाती है तो जब आपका फोकस नहीं होता आपका विजन नहीं होता आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो आप वो जो मास्टर जो या एस जो है वो नहीं बन पाते तो उस वजह से आप आपको जो है ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन और में टीम्स को पता ही नहीं होता फिर टीम छो के चली जाती है या समझ ही नहीं आ रही मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा तो वो फिर स्विच करने लग जाते हैं या डायमे करने लग जाते हैं बिकॉज एक बंदा एक कोर में या उसको कहते हैं नहीं। यार इसको छोड़ो उसमें ज़्यादा पैसा वो कमाने लग जाए तो वो क्लैरिटी होना कि नहीं यार दिस इज़ द कोर एंड तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सो so एक तो हो गए चैलेंजेस दूसरा आपने कहा फेलियर की वजह ज़्यादातर तो so फेलियर्स की वजह एक तो ये है कि ये जो मैंने जितने आपको चैलेंजेस दिखे हैं उनको एड्रेस ना करना जो है एक बहुत बड़ी जो है वो फेलियर की जो है वो वजह उनके अलावा अगर आप देखें तो समटाइम्स हमें तो पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हम फेल होते हैं लेकिन हम ख़ास तौर पर हम हमारे हुँ. जो हैं एजेंसीज़ के लेकिन दे दे, दे इग्नोर रादर देन एड्रेसिंग इट दे वाइड अच्छा यार वक्त आएगा तो देख लेंगे तो वो वो ना वो कहते हैं वो कमिंग इवेंट्स कास्ट एयर शेडो बफोर तो वो आग लगती है तो धुआं जो है नजर आता है तो वो उनको लग रहा होता है नज़र आ रहा होता है लेकिन राइट टाइम के ऊपर वो राइट फिक्स अक्सर जो हैं वो नहीं करते तो वो हो जाता है फिर वो बैलेंस अप्रोच में ना ये देख रहे होते हैं कि अगले दो या तीन महीने को देख रहे होते हैं ठीक है ना या कुछ लोग तो सिर्फ एक महीने को देख रहे होते हैं यकीन माने ठीक है, है। ना तो जो एक एक महीने को देखने वाला बंदा है या तीन महीने को देखने वाला बंदा है तो उसको तो मैं अपनी ज़ुबान में दहाड़द दाड़ कहता हूँ ना वो तो दिहाड़ी दार बंदा है ठीक है ना और वो कह रहा है मैंने बनानी है एजेंसी और मैंने आपको बताया एजेंसी तो इंस्टीट्यूशन है वो तो फाइनल स्टेज है वो तो इन्वेस्टर से भी बड़ी स्टेज है जहाँ आप कहते हैं मैं आज मिलियन डॉलर कंपनी बनाऊँगा कल मैं हंड्रेड मिलिय डॉलर कंपनी बनाऊँगा और मैंने मेरा विजन तो है कि मैंने बिलियन डॉलर कंपनी बनानी है एंड पाकिस्तान जैसी कंट्री में या इंडिया जैसी कंपनी में वो यह वो पोटेंशियल बिकॉज हम लो प्राइस पर खड़े हैं तो क्या पाकिस्तान में ई कॉमर्स में बिलिय डॉलर कंपनी बन सकती है या नहीं बन सकती येस बन सकती ठीक है ना आई आई हैव नो डाउट अबाउट इट एंड देट्स वाई आई एम फ्राम द फ्राम द गवर्नमेंट सेक्टर आई स्विश टू दिस ई कॉमर्स सेक्टर बिकॉज द पेस ऑफ द ई कॉमर्स मच हायर दैन द पेस ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान और यहाँ पाकिस्तान ग्रो करे ना करे बिकॉज uh, आपने तो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया है तो अगर वो मार्केट ग्रो करेगी आप ग्रो कर सकते हैं और पाकिस्तान के हालात जितने बुरे होंगे ई कॉमर्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटी उतनी बढ़ जाएंगी ठीक है तो तो यहाँ अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज़्यादा है तो आप बिलियन डॉलर कंपनी बिल्कुल बन सकते हैं एंड देर इज़ नो इश्यूज़ अबाउट इट बात यह है कि आर यू आर राइट ऑनटरप्रन्यर जो कि बिलियन डॉलर एजेंसी बनाएगा यस और नो सो आपने बनानी है आपके नीचे टीम्स ने नहीं बनानी सबसे पहले तो वो जो है ना आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं। तो तो वो वो जो वो जो चैलेंज है ना वो कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ और अक्सर लोगों में एक स्टूडियो टाइप होता है कि वंस दे बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ़ एनी ऑफ द रीज़न ठीक है ना तो उनमें मायोपिया आ जाता है और ये पाकिस्तान में नहीं है ये दुनिया की बड़ी बड़ी आप हिस्ट्री उठा के देख लें बिज़नेस की बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर ये जनून हो गया नोकिया की एग्ज़ाम्पल ले लें जब वो mm. नोकिया जो है वो अपनी कंट्री की सेवेंटी परसेंट एम्प्लॉयमेंट करता था तो जब एंड्रॉइड वालों तो के पास आए तो उन्होंने कहा ये तो बच्चे हैं ये क्या बताएंगे उन्होंने कहा भाई नोकिया को नहीं देना बाकी सबको दे देंगे और नोकिया अपसिलीट हो गया सिलिकॉन वैली कहता था कि दुनिया में हमारे पास हर कंपनी है लेकिन नोकिया नहीं है ठीक है ना दैट वॉज द टाइम वो कहते थे नोकिया नहीं है और नोकियों को कौड़ियों के बहुत माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया सो तो सो कहीं भी आपकी जो है ना मायोपिया आ जाता है शॉर्ट साइटेडनेस आ जाती है तो आप चले जाते तो बट आई हैव सीन कि जैसे ही लोग थोड़े से पॉपुलर होने लगते हैं और उनको अपने कॉम्पिटन में लोग नज़र नहीं आते हैं, तो वो फर्दर इम्प्रूव जो हैं वो नहीं करना चाहते जबकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपके पास जैसे ही आप एजेंसी बनाते हैं आपके पास प्लान होना चाहिए मिलियन डॉलर एजेंसी बनने का अब वो बेशक दो साल का है तीन साल का है पाँच साल का है या इवन दस साल का है आपने बेशक स्टेप बाई स्टेप जाना है ग्रेजुअली जाना है अपनी कैपेसिटी बेसिस पे जाना है बट आपके पास प्लान्स होना चाहिए तो एक प्लान बनाएं और फिर आप उसको डिवाइड करें एनुअल और फिर क्वार्टर के ऊपर आप देखेंगे या मैंने ये क्वार्टर अचीव किया या नहीं किया आई एम आई एम द वन हु इज़ वेरी फ्राम बिलीफ ऑफ कि जी मैंने ये देखना है कि मैंने अगले तीन महीने क्या करना है मैंने ये नहीं देखना कि मैंने अगले तीस साल क्या करना है लेकिन एटलीस्ट आई मस्ट हैव अ विजन फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स आई हेड की जी उसमें ये सारी चीज़ें अटेन करनी है अब उन तमाम को करने के लिए मैंने इस साल में क्या अटेन करना है उस क्वार्टर में क्या अटेन करना है आई एम आई डूइंग इट सो अगर मैं अपना डे प्लान कर लूँगा तो मेरा वीक प्लान हो जाएगा अगर मैं अपना वीक प्लान कर लूँगा मेरा मंथ प्लान हो जाएगा मंथ प्लान कर लूँगा ईयर प्लान हो जाएगा ईयर प्लान कर लूँगा ठीक है मेरी लाइफ प्लान हो जाएगी तो तो हम लोग असल में अपना डे ही नहीं प्लान कर पाते तो हमारे वो एक वजह होती है इनकी फेलियर की क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग सिस्टम ही नहीं होता है बस वो कहते हैं कि चलो शायद वो आपने स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि दो दो से एक साथ बैठे तो सर एजेंसी खोल लेते हैं या मोहल्ले में एक साथ रह रहे हैं या साथ आ रहे जा रहे हो तो वो एजेंसी खोल लेते हैं बस वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और बजाय इसके कि प्लान होने के बजाय वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चल जाता हो तो जब इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जब इस्लाम अपने पीक पे था ना तो बड़े बड़े इमामों को के बारे में ना ये मशहूर है एक वाक्य है शायद अब अबू हनीफा का है कि वो जा रहे थे तो कीचड़ था तो एक ना बच्चा जो है न वो, वो भी जा रहा था तो वहाँ ना अक्सर लोग ना जब पूछते हैं ना कि आपने एक बात की है तो खैर वो जा रहा था तो वो वो फिसलने लगे ना आ, बच्चा फिसलने लगा तो वो हनीफा ने कहा तुम फिसल जाओगे उसने कहा मैं तो फिसल गया तो खैर है लेकिन आप फिसल गए तो पूरी उम्मत फिसल जाएगी ठीक है? है तो 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 बच्चे जो थे ना वो इतने कॉन्शियस थे और जब वो कोई भी बंदा बात करता था ना तो दूसरे बंदे बेशक छोटे छोटा बच्चा होता था वो कहता था मैं नसूलू का कि जो भी आप बात कर रहे हैं इसके पीछे आपका प्रिंसिपल क्या है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं बिकॉज आई बिलोंग्स टू द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो सो so, मैंने ये देखा है कि कहीं भी किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी बात किसी भी डिस्कशन में हम वो जो प्रिंसिपल है ना उसके ऊपर तो बात ही नहीं करते कि भाई जो भी आप बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीज़न होगा ना तो जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के पीछे करें हाँ यार हम दोनों पार्टनरशिप तो करें लेकिन उसकी रीज़न क्या है जब आप उस रीज़न को डॉक्यूमेंट रखेंगे तो क्या हम भाई हैं या दोस्त हैं या ये हैं क्या ये रीज़न है क्या ये वैलिड रीज़न है आप ख़ुद से सवाल करने लगें आप इम्प्रूव करने लग जाएंगे लेकिन हम लोग ख़ुद से सवाल ही नहीं करते और जो बंदा जैसे बात करते हैं हम उसके ऊपर सच उसको तस्लीम करते हैं उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं तो हम क्योंकि क्रिटिकल तो तो थिंकिंग नहीं है अगर क्रिटिकल थिंकिंग होगी हम क्वेश्चंस करेंगे रेस करेंगे आप देखेंगे कि हम ग्रेजुएन परप्यूचुअली जो है वो इम्प्रूव करते हैं टाइम मुझे ऐसा भी लगता है ना कि वो आपस में बैठते हैं और कर लेते हैं किसी के साथ जाके डिस्कस करना भी गवारा नहीं करते क्योंकि वो एक कल्चर हमारा बिल्ड हो गया कि हम यार इसको बताएंगे तो ऐसा तो ये भी शुरू कर दे हाँ हाँ वो बिल्कुल ये है ये है और और वो मैंने कहना देखें दुनिया जो है ना वो दो दुनिया में इंसान दो चीज़ों से कंट्रोल होता है दुनिया की कोई ऐसी मतलब इंसान जो है कोई ऐसी तीसरी चीज़ नहीं है जिससे इंसान कंट्रोल होता है इज़ ऑनली टू फोर्सेज डेट कंट्रोल ह्यूमन बींग वन इज़ फेयर एंड अदर इज़ ग्रीड आपका फेयर और ग्रीड आपका डर और आपकी जो लालच है ये इंसान को जो है वो कंट्रोल करती है आप कुरान में देख लें अल्लाह ताला ने भी इंसान को इसी दो चीज़ों से कंट्रोल करने की कोशिश की ऑल दो उसके हाथ में सब कुछ है तो वो कर सकता है लेकिन उसने इख्तियार भी दिया तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि कोशिश की है कि उसने इख्तियार देते हुए ये कहे कि यार या जन्नत में जाओगे या झनों में जाओगे नए काम करोगे जन्नत में जाओगे ठीक है ना डैट्स अ ग्रीड ठीक है ना बुरे काम करोगे झन्नों में जाओगे डैट्स अ फेयर ठीक है ना आप दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को देख लें वो छोटे मुल्कों को फियर और ग्रीड के साथ करते हैं आप पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को उठा लें ठीक है ना तो तमाम के तमाम जो इंस्टीट्यूशन हैं वो दूसरे लोगों को या इंडिविजुअल्स को एक साइड से ग्रीड देते हैं दूसरी साइड से फियर देते हैं नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा मान लोगे तो ये ये भी होगा ठीक है सो हर इंसान जो मैनेज होता है ना अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वो फियर और ग्रीड के साथ होता है ठीक है ना तो जो इंसान अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर लेता है ठीक है वो अपनी लाइफ को इनमिनसिपल बना देता है तो अगर आपके अंदर से खौफ ख़त्म हो जाए ठीक है ना और आपकी ज़िंदगी से लालच खत्म हो जाए ठीक है ना तो फिर उस बंदे को के सामने आने से ना वो दुनिया भी डटती फिर वो वो अचीव कर लेता अपनी जिंदगी में जो कि मतलब फिर दुनिया देखती ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी देखें तो लालच तो रहती है हमें यार ये काम कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये करेंगे तो ये हो जाएगा और ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा तो ये तो हमारे साथ इन बिल्डिंग सिस्टम है इसको कैसे बाहर निकालेंगे सो बात यह है कि दुनिया में छः सात अरब लोग हैं ठीक है ना तो अगर ये इतना आसान होता ठीक है ना तो पता नहीं दुनिया क्या बन चुकी होती तो यस इट इज़ नॉट अगर हम इंटरप्रीन यू एस के ले लें तो उनके अंदर भी होता है कि यार हम पैसे कमाएंगे अगर उन्होंने भी इनोवेशन किया तो वो समथिंग वो कुछ चाहते थे तो हुआ ना अगर ये दोनों चीज़ें निकालेंगे तो मैंने नहीं ख्याल कि इनोवेशन रुक जाएगी ये सारी चीज़ें दुनिया की रुक okay. जाएगी मैं मैं एक्जाम्पल लेता हूँ मतलब स्टीव जॉब्स से एग्जाम्पल ले लेते हैं अक्सर लोग कहते हैं यार अमेरिका जैसे कंट्रीज में स्टीव जॉब्स का बनना आसान है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मुश्किल ये नॉर्मल सवाल है ठीक हाँ, है ना तो फॉर एग्जांपल तो लेकिन आप ये देखें ना एक बंदा जब वो पैदा हुआ ठीक है ना तो उसको उसके माँ बाप ने आ, कबूल करने से इनकार कर दिया ठीक है खैर जिन्होंने उसको पाला उन्होंने जो पूरी उनकी ज़िंदगी कमाई थी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दिए पहले सेमेस्टर में पैसे ख़त्म हो गए ठीक है ना तो वो बंदा जो यूनिवर्सिटी में फ्लोर पर फर्स्ट पे सोता था ठीक है ना जो एक अच्छा खाना खाने के लिए दस किलोमीटर का सफ़र करके एक चर्च में संडे के दिन अच्छा खाना खाता था जब वो क्लास में बैठता था ठीक है ना तो क्लास में वो फोर जी लेने के लिए नहीं बैठता था ठीक है ना उसको कैलीग्राफी की क्लास अच्छी लगती थी तो वो कैलीग्राफी की क्लास में चला जाता था जबकि वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं होता था थेके? ठीक है सो so, उसने अब जो ड्राइव की इतना देखें अब मैं वो ये जो सारी मैंने बातें बताई ना जैसे आप उसको विजुलाइज़ करें डॉट्स को कनेक्ट करें कि कितनी लाइफ में चैलेंज है ठीक है ना कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ यूनिवर्सिटी जाना खाना हर संडे को एक अच्छा खाना खाने के लिए पैदल सफ़र करना और पैसे ना होना उसके बाद भी आप फोर जी लेने के लिए क्लास में नहीं बैठे हुए आपको लगा कि कौन सी चीज़ें मुझे इंप्रेस करती है आपको कैलीग्राफी इंप्रेस कर रही है तो आप कैलीग्राफी की क्लास में बैठे हुए लेकिन फिर जब आप एप्पल बनाते हैं तो आप फॉन्ट बना लेते हैं यार ये क्या एक ही स्टाइल में जा रहा है तो मैं तो फिर फॉन्ट चेंज करूँ तो अल्लाह ताला आपको एक डायरेक्शन में लेकर आते हैं लेकिन आपको उस फियर से निकलना पड़ता है उस ग्रीड से भी निकलना पड़ता है कि मैं देखिए अब दोनों चीज़ें हैं ना अब एक साइड पर फियर है एक साइड पर ग्रीड है मैं एक फोर जी पे ना ही क्या पता जॉब ही ना मिले मैं भूखा मर जाऊँ बट सही जिंदगी मैं ऐसी रही दूसरी साइड पर ग्रीड है अगर मैंने ये पढ़ लिया तो मैं बहुत आगे चला जाऊँगा लेकिन दूसरी साइड पर आपका पैशन है आपने खुद को पहचाना आपको कहा मुझे अट्रैक्ट क्या लगता है तो जब आपको जौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है ना फिर आप जाते हैं फिर वो वाला बन, फिर आप वो बंदे बंदे हैं ठीक है कि जहाँ आप कहते हैं कि जी मेरी जिंदगी में मुझे जहाँ तक लेके आना है तो अगर मैं ज़िंदगी में तमाम के तमाम मरल से इसी वजह गुजरा कि अगर मैं उनको देखूँ तो एक डॉट है और एक लाइन कोनेक्ट होती है और जब उसे डॉक्टर कहते हैं कि भाई आप मरने वाले हैं और विरासत लिख लें तो वो कहते हैं जी मैं तो नहीं मरने वाला वो कहते हैं क्यों कहते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो एप्पल के शेयर सबसे ऊपर नहीं है मैं कैसे मर सकता हूँ तो फिर हर बंदा स्टीव जॉब्स नहीं होता जिसको कहते हैं कि अच्छा जी आप आपका विजन क्या है तो वो कहता है मैं कायनात में डेंट डालना चाहता हूँ उसने एप्पल ला के वाक़ता जो है अगर आप मुझसे पूछे तो उसने कायनात के अंदर डेंट डाला है आप बच्चे बच्चे को देखें उसके पास एप्पल है और आपने उसके ह्यूमन बिहेवियर्स को जो है वो चेंज करके रख दिया सो 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 हर बंदा ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ये नहीं है कि वहाँ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है आपको आप में बेशक भूख हो जो कुछ हो देन आपने अगर, अगर अपने पैशन को ड्राइव करना है ना ठीक है ना तभी वो लेके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फेयर से और आपको ग्रीड से इंडिपेंडेंट होना पड़ता है और फिर आपको ये देखना पड़ता है फोकस करना पड़ता है आप कितने पर्पस पे वो जो मैंने कहा था ना कि जो की है डैट इज़ पर्पस पैशन परसिस्टेंस ये तीन पीस को अगर आप समझ लेते हैं ज़िंदगी में ठीक है ना तो, तो फिर तो पर आप पर। वो बन जाते हैं ठीक है ना जिसका आपको शायद खुद भी नहीं पता होता तो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसा ऐसा नहीं है लेकिन वी हैव सो मैनी स्टोरीज़ आप बेशक मतलब हिटलर को उठा के देख लें बड़े बड़े ऑन्टरप्रीनर्स को उठा करें एलॉन मस्क है आजकल मतलब मेरी बेटी का भी जो है ना वो फेवरेट हाँ वो चल रहा है क्योंकि वो अमेरिकन सोसाइटी में तो ऑन्टरप्रन्योर्स आपके सेलिब्रिटीज़ होते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं होते लेकिन आप उसकी लाइफ देखें ना उसने कितनी चंडे खाई हैं अपने बाप से ठीक है ना जारी जिंदगी मार खाता रहा मार खा खा के मतलब उसने अफ्रीका को छोड़ा अमेरिका गया एंड सोन देट अ स्टोरी ठीक है ना लेकिन दैन डेट बिकम वो है लेकिन क्या उसने अपने पैशन को ख़त्म किया ओके तो जहाँ भी वो ही वॉज अ क्रेजी अबाउट द थिंग्स एंड ही कीप ऑन गोइंग एट दैट क्रेजीनेस तो आपको क्रेज़ीनेस चाहिए होता है जहाँ आपको लगता है कि फुटपाथ पे भी आ जाएंगे तो ठीक है और आपको लगता है कि नहीं यार वो बड़े बड़े महल भी लग जाएँ तो ठीक है और इस वजह से अक्सर लोगों को आप देखें जो कि बड़े बड़े आज के बिलियनियर हुए हुए हैं ना तो वो उनके लिए शायद उन चीज़ों का इतना इंपॉर्टेंस आपको उनमें नज़र नहीं आती कि हो भी गए हैं तो वो एटीट्यूड नज़र नहीं आता वो दूसरी चीज़ें नहीं आती थी और ऑलवेज फोकस अपॉन देयर वर्क जैसे सर एक सवाल मैं यार एक एक पॉइंट बताएं सक्सेस का कोई एक पॉइंट यार ये एक ऐसा पॉइंट है अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो सक्सेस आ जाएगी आपके पास अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बाबा आदम के ज़माने से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वट आई आई पर्सनली बिलीव कि आपका जो सक्सेस का फैक्टर था ना वो पावर था कि इफ यू वर माइटी यू वर सक्सेसफुल आपके पास रिसोर्स थे पैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर था मिलिट्री थी तो आप आते थे और आप रूल करते थे और उस रूल से करते थे तो आप अगर आपके पास पाँच दस लोग होते थे आप डाकू बन जाते थे ठीक है ना आप कुछ एक छोटी सी बस्ती पे कब्जा करते थे और कब्जा करते करते ठीक है ना आप कुछ शहरों को और फिर मुल्कों को रूल कर लेते थे तो आप मुल्क के शहनशाह बन जाते थे एंड दैन आपके पा पावर रिसोर्सेज आते थे तो आप बिजनेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं वही है लॉट ऑफ एग्जाम्पल लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी रहते हैं लेकिन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ़ दी कनेक्टिविटी जो है ना कॉन्सेप्ट बड़ा चेंज हो गया और अगर आप अब देखें कि इट वॉज प्रप्यूचर एंड ग्रेचुअल बट नाइनटीन एटी से ऑनवर्ल्ड जो सक्सेस है ना ठीक है ना उसकी डेफिनेशन या उसका जन सक्सेस फैक्टर है ना वो चेंज हो गया और वो कुरान जी के एक आयत है सूत रहमान के अंदर कि खैर का बदला खैर के सिवाग क्या होगा और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे तो मुझे लगता है कि अगर आज की आप टोटल ग्लोबल इकोनॉमी को देखें ना तो वो वन की वर्ल्ड जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सक्सेस छुपी हुई है ना वो है आपके पास खैर वो है आपके पास फैसिलिटेशन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आप यूट्यूब को देख लें ठीक है वो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रही है फेसबुक को देख लें ठीक है ना आपको वो फ्री में वो देख लें आपको मोबाइल वो जो है लोकेशन ऐप देख लें तो आपको आपको आईटी में ज़्यादातर चीज़ों को देखें टिक को देख लें सब तक ठीक है ना, तो, सब तो, सब तो तो तमाम है। के तमाम जो हैं वो लोगों के लिए फ्री हैं और आपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं शायद मैं कराची में ना रह सकता अगर गूगल मैप ना होता ऐसा ही है ठीक है लेकिन बात यह है कि उसकी वजह से वो कहाँ से कहाँ गए तो आप लोगों की जब दुनिया आप लाइफ में आसानी पैदा करते हैं ठीक है तो आज के टाइम में आप बड़े से बड़े होते चले जाते हैं तो अगर आप बिज़नेस रूल देखें तो वो जो क्रामन जी कि एक आया था खैर का बदला खैर के सिवा और क्या होगा तो आप जितनी खैर तक तक्स, तो तकसीम करते हैं उतनी ज़्यादा आपको खैर मिलती है तो मुझे तो एक जो की फैक्टर सक्सेस का बिज़नेस में नज़र आता है तो वो ये है और उसको अगर मैं बिज़नेस की टर्म्स में ज़्यादा इंटरप्रेट करूँ तो अगर आप ये देखें कि जो डेफिनेशन है ना आपके पास प्रोडक्ट की वो सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आप कोई प्रॉब्लम देखें उसको सॉल्व कर दें आपका प्रोडक्ट तैयार है बेशक वो प्रोडक्ट आइडिया हो बेशक वो सर्विस हो बेशक वो कोई फिज़िकल आइटम हो लेकिन हम उसको बिज़नेस में प्रोडक्ट ही कहते हैं तो प्रोडक्ट इज़ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम तो आप ये देखेंगे कि लोगों के क्या मसाइल हैं अगर आप उसको सॉल्व कर देते हैं तो तो आ, आप चलते रहेंगे हाँ और आप बढ़ते रहेंगे सर बहुत सारे सवाल किए अलहमदिल्ला मैंने बहुत सारी आपसे डिस्कशन की फिर भी मैं चाहता हूँ मैं दो तीन बात में कि ऐसा कोई सा सवाल मैंने इंक्यूबेशन में आपसे नहीं किया ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको लगता है कि मैंने एजेंसी ग्रोथ और स्टार्टअप पे नहीं किया एंड देन वी विल गो ऑन आपका फ्यूचर पर प्लान क्या है तो ये तीन सवाल पे मैं चाहता हूँ तो पहले एक कर लेते हैं नंबर वन के ऐसा कौन सा सवाल या ऐसी कौन सी सजेशन आप देना चाहते हैं इनक्यूबेशन में क्या ये चीज़ मुझे चाहता हूँ कि लोग सुनने या वहाँ वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए अच्छा मुझे ये लगता है कि इंक्यूबेशन uh, की जो जर्नी है ना mm -hmm. वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें एक एलिमेंट ऑफ जो रिगर है वो मौजूद है uh, तो इंक्यूबेशन की जर्नी है इज़ ऑफ वन ईयर और व्हाट आई हैव सीन ठीक है ना ओवर द लास्ट फोर इयर्स कि जो भी इंडिविजुअल ने उस जर्नी को पूरा किया वो सक्सेसफुल है हर बंदे की बेशक वो फ़ीमेल है मेल है इंडिविजुअल है वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करता है उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड्स हैं अगर उसने वो जर्नी को कंप्लीट किया है बेशक वो किसी भी इनको में बैठा है मैंने आज उसको सक्सेसफुल देखा मैंने ये नहीं देखा कि वो है लेकिन वो उस जर्नी से पहले वाला जो फ़ेस है वो अगर वो ये देख के आता है कि या दो महीने में तीन महीने में कुछ ना कुछ हो जाएगा तो वो बड़ा वो है अच्छा जो इतना लंबा प्लान करके आता है ना तो वो हर महीने की स्ट्रैटेजीज़ भी डेवलप करता है दूसरा अगर कहीं भी कोई भी चैलेंज आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जहाँ अपने पीयर्स में इनको से इंटरेक्ट करता है वो इंकोबेशन की टीम से और स्पेशली हेड से इंटरेक्ट करें बिकॉज उस उनके पास राइट right नॉलेज जो है वो मौजूद है और वो शायद बेहतर तरीके से जो है गाइड कर सकता है तो वहाँ भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत सी चीज़ें परसपशनस के ऊपर वो डेवलप करता है जिसकी वजह से जो है वो कामयाब जो है वो नहीं होता सो so, वो जो इंकूबेशन की जर्नी वाला एक एलिमेंट है मुझे लगता है कि डैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसको ये नहीं पता कि उसने देन हर मंथ में हर क्वार्टर में कौन कौन सी चीज़ों को अचीव करके वहाँ तक जाना है तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं दूसरा मैंने ये देखा कि अक्सर लोग जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो क्विट कर जाते हैं लेकिन उसके बाद जो हैं उन्होंने बाहर जाकर एजेंसीज बनाई फिर एजेंसीज नहीं चली वो कर गए सो so, अगर किसी को लगता है कि अच्छा मैंने पहला डॉलर कमा लिया और मैं इसी वजह से आया था या अक्सर हमने लोगों से पूछा आ, वो हुआ उन्होंने कहा जी मैं तो आया था पहला क्लाइंट पकड़ने के लिए वो क्लाइंट मुझे पकड़ मिल गया तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया ठीक है सो मैं उसको खुद भी माओपिया कहता हूँ वो शॉर्ट साइटेडनेस है कि अगर उसको एक क्लाइंट पहले पंद्रह दिन में मिल गया ठीक है ना लेकिन उसकी उसका विजन इतना लिमिटेड था सो जस्ट इमेजन कि अगर वो आगे चलता रहेगा तो उसको Uh, कितना बड़ा स्कोप या कैनवस जो है वो मिलता है और आगे एक पॉइंट पे जाके फिर वो स्ट्रगल भी कह रहे होता है वो सफ़र करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं मुश्किल होता है सम ऑफ द टाइम्स आई हैव मेट विद सो मैनी पीपल्स और मैंने उनसे पूछा कि ठीक है यार ये मामला हुआ तमाम तो हुआ तो कोई मसला नहीं था तुम तो आ जाते तो उसने कहा कि यार वो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता था इंपेस्ड फील होता था कि मैं अब दोबारा इंकोपेटर में आ दूँ तो। क्योंकि मैं तो एक दफ़ा छोड़ के चला गया था तो लोग क्या कहेंगे ये तमाम के तमाम कहेंगे तो, तो वो भी तो हैं जो साढ़े तीन साल से बैठे हैं सक्सेसफुल हैं लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो ये तो एक प्लेटफॉर्म है एक ईको एक है जो कि बनाया ही ऑन्टप्रीनियोरस को सक्सेसफुल करने के लिए गया हुआ है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई ऐसी मतलब शाइनेस नहीं होनी चाहिए तो वंस डैट्स देयर एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी यू कैन ज्वाइन एट एनी स्टेज इन योर लाइफ और आप उस एकेडमिक करियर को कोई ऑनटरप्रीनियोर जर्नी के किसी भी स्टेज में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो हर स्टेज का बंदा आ रहा है लेकिन देर इज़ द स्ट्रैटी कि उस स्टेज से अगली स्टेज पे कैसे जाना है एंड अगेन अगर आप किसी स्टेज में हैं तो मुझे लगता है कि उसकी कंसल्टेसन में अगर आप नहीं सेटिसफाई तो एटलीस्ट आई एम अवेलेबल जो आपने कहा कि एक ऐसी चीज़ जो आप बताएं तो जितने भी इनको हैं उनको भी या जितने भी लोग अगर नए भी फ्यूचर में जॉइन करेंगे तो एटलीस्ट फॉर देयर गाइडेंस एंड कंसल्टे आई एम अवेलेबल आई कैन सिट विद दैम एंड आई कैन टेल दैम कि यार एज पर माई पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस आप अब लाइफ के इस फेज में खड़े और ये ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको करना चाहिए बिकॉज बिलीव मी एवरी इंक्यूबेटर डेट जॉइन आवर इंक्यूबेटर हैज़ अ डिफरेंट जर्नी एंड मस्ट हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटजी बेस्ड अपॉन हिज और हर ओन फैक्टर्स तो कोई एक ऐसा थम रूल नहीं है हम कहेंगे ये चार चीज़ें कर लोगे ठीक है तो मोटी मोटी तो हैं जो हमने वो डिज़ाइन किए हैं क्वाइं क्यों में बताते हैं एंड देयर आर सो मैनी पीपल जिनको ओरिएंटेशन में बैठ के मैंने कहा कि आप ज्वाइन ना करें एक बच्चा केपी uh, के से अपने पेरेंट के साथ आया और मैंने उनको uh, फादर के साथ आया और मैंने कहा कि हम इसको नहीं रखेंगे तो मुझे पता है आपके लिए बड़ा पेनफुल है लेकिन uh, uh, मैंने उनको इनकार कर दिया तो ऐसा नहीं है कि जो भी आ रहा होता है तो हम उसको वेलकम कर रहे होते हैं तो हम वो सिचुएशन उन चीज़ों को भी देख रहे होते हैं मैंने उनको फैक्टर्स बताया मैंने कहा कि जी रेडीनेस नहीं है कुछ लोगों को मैंने ये कहा मतलब बहुत से फैक्टर्स हैं मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाता पॉडकास्ट में लेकिन ये है कि मैंने खुद कई लोगों को कहा है कि ना जाए कुछ लोगों को मैंने कहा है कि ई कॉमर्स में नहीं जाना चाहिए उसको और इमरजिंग टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए उसको डाटा साइंस में जाना चाहिए कि वहाँ का जो जो स्कोप है उस बच्चे के लिए मुझे लगता है या सूट करेगा क्वालिफिकेशंस को देख के मैंने ये कहा कि उसको यहाँ करना चाहिए यह तो यहाँ दादा एक्सेल करेगा सर मैं जाते जाते चाहता हूँ कि आप बताएँ कि आप अभी क्या सजेस्ट करेंगे एजेंसी के अंदर इंक्यूबेश के अंदर और एंट्रप्रीनोरशिप में आप उसको आगे जाके कैसे देख रहे हैं और आप क्या सजेस्ट करेंगे अक्सर जो हैं वो लोग स्किल्स रेटर को इंक्यूबेशन के साथ एसोसिएट करते हैं एंड इट इज़ मेकिंग सेंस ऑल्थो लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं अगर आप देखें तो हमारे पास जो स्किल्स रेटर है अभी उसका एक पोर्टफोलियो है हमारे पास इंक्यूबेशन uh, जिसमें हम इंक्यूबेशन को वर्किंग और एजेंसी जो है वो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ uh, रिसेंटली अगर देखें तो वी आर इन दी ट्रेनिंग्स आल्सो तो वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग अ फिजिकल ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ द डिप्लोमास सो हमारे पास जो है हम उस हवाले से जो है ट्रेनिंग्स में भी जा रहे हैं थर्डली अगर आप देखें तो हम हमारा एक जो अगला इनिशिएटिव है जो जिसको अभी हम पब्लिक करने के लिए जा रहे हैं डैट इज़ स्किल एजुकेशन इंटरेस्टिंगली वी आर द फर्स्ट स्कूल इन पाकिस्तान जो कि फेडरल बोर्ड अप्रूव्ड है और जो नाइन्थ टेंथ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनलाइन जो एजुकेशन जो है वो दे रहा है सो so हम लोग इंटरमीडिएट uh, से लेकर बैचलर्स और मास्टर्स से पहले दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ एच एन सी टॉप अप एंड पी जी डी रिसर्च प्रोग्राम्स जहाँ हमारे कुछ लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यू भी जा चुके हैं उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं लेकिन अब जो नाइन टेंथ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है आप भी जानते हैं पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग जो हैं वो प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल या जनरल साइंसिस वाली साइड पर जाते हैं आ, या एवल ओ लेवल करते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर तो शायद नाइन्टी नाइन परसेंट लोगों ने सुना भी नहीं होता सो so, अब हमने नाइन टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एवल ओ लेवल जो हैं वो ऑनलाइन हम लोग दे रहे हैं सो so, वो बहुत इकनॉमिकल uh, प्राइसिस के अंदर जो है आपको पाकिस्तान के बेस्ट टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो वो जो दस साल की एजुकेशन है राइट फ्रॉम द नाइन्थ या ग्रेड नाइन्थ टिल मास्टर्स हम लोग वो कवर करें उसी के साथ साथ पूरा का पूरा इंकोबेशन सिस्टम जो है उसको भी हमने ऑनलाइन पे कर दिया तो ऑन वेबसाइट हमारे पास जो एजुकेशन है दस साल की वो हम लोग दे रहे हैं दूसरी साइड पर हम जो इंकोबेशन सिस्टम है वो वर्चुअल इंकुबेशन सिस्टम हमने जो है वो लॉन्च किया स्किल एक्सेलेटर के नाम से तो अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो जो दो प्रॉब्लम्स हैं बच्चे की क्वालिफिकेशन का फ्रॉम दी बेस्ट इंस्टीट्यूशन और उसकी इम्प्लाइबिलिटी का तो वो सॉल्व हो जाता है जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास अभी तक की जो स्टोरी है वो ये है कि कोई भी बच्चा अगर एक साल तक हमारे इनकोबेशन में आता है तो वो सस्टेनेबली जो है वो सक्सेसफुल है ऐसा नहीं है कि उसने पहला डॉलर कमा लिया उसकी जो इनकम है वो सस्टेनेबल रहती है ऐसा नहीं है कि वो फ्लक्चुएट होती है कभी है नहीं है और फिर कुछ महीने के बाद हो गई सो जस्ट इमेजन एक बच्चा नाइन्थ में हमें ज्वाइन करता है और वो हमारे वर्चुअल इंकोपेशन को भी ज्वाइन करता है और वो अगले चार साल या आठ साल या दस साल हमारे साथ रहता है तो जो उसकी ग्रोथ कर्व है वो क्या होगा तो so, एक तो एजुकेशन का पोर्टफोलियो है जिसमें आ, हम लोग नाइन्थ टेंथ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑनलाइन प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल और जनरल साइंस के अंदर हम लेके आए हैं और ए लेवल ओ लेवल पर लेके आए और मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रप्शन है एजुकेशन uh, इंडस्ट्री में क्योंकि ऑनलाइन ये नहीं है जितने भी अब फिज़िकल है एंड फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव और पाकिस्तान में जितना इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ें जा रहे हैं तो अक्सर जो बच्चे बच्चे हैं उनके जो ऑटोमोबल्स हैं रक्षा हो गया या उसके जो भी उनको लेके जाते हैं व्हीकल्स उनका जो किराया है वो दस हज़ार पंद्रह हज़ार सोलह हज़ार बीस हज़ार जो है वो हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा महंगा हो होगा तो वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है तो देन द नेक्स्ट इनिशियटिव इज़ स्किल एकेडमी सो इट इज़ पाकिस्तान कोर्सेरा और एडेक्स जिसका ऑलमोस्ट हमने जो बीटा वर्जन इज़ रेडी एंड यू कैन सी ऑन द वेबसाइट आल्सो और वहाँ हम लोग पाकिस्तानीज को रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स के ज़रिए जो हैं वो हम एजुकेट कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द ई कॉमर्स और इमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ उसमें बहुत बड़ी जो है रेंज है डाइवर्सिटी की उसमें हम एक साइड पे वेलकम कर रहे हैं हमारे तमाम के तमाम आ, वो लोग जिनको लगता है कि उनका कंटेंट इम्पॉर्टेंट है और वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और दूसरे वो तमाम के तमाम लोग जो उस कंटेंट को लेना चाह रहे हैं तो इट इज़ फॉर द नेटिव लाइक पाकिस्तानीज भी और उसको हम लोकल लैंगवेज़ में भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसको इंग्लिश में तो देख ही रहे हैं तो उसकी जो ऑडियंस है वो बियॉन्ड पाकिस्तान भी है लेकिन मेन फोकस जो है वो हमारे पास फ़िलहाल पाकिस्तानी इसके हवाले से जो है वो है तो उसके ऊपर बहुत से लोग पाइपलाइन में हैं बहुत से लोगों के रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो हार गए तो आप आगे आने वाले दिनों में उस इनिशिएटिव को बड़ा जो है ना एग्रेसिवली देखेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म दैन स्किल अकेडमी के बाद हमारे पास एक अगला जो इनिशिएटिव है वो स्किल वाइज का

लेकिन हम अब ऑर्गेनाइज तरीके से दे रहे हैं उनको ख़ुद रिक्रूट करके फ़िल्टर करके हम एक बहुत बड़ी चेक लिस्ट है हम कहते हैं आप बताएं आपको किस लेवल पे हमारी ये सर्विसेज चाहिए क्या हमने पूल देना है क्या हमने हंड करके देना है क्या हमने उसको मॉनिटर भी करना है क्या अगर उसको कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो वो भी देनी है अगर वो सही नहीं होगा तो उसकी रिप्लेसमेंट भी देखनी है क्या हमने उसको साथ को वर्किंग भी देनी है जो कि इनकोशन में मौजूद है क्या हमने उसको उसकी परफॉर्मेंस को या उसकी जो है रेगुलरिटी पंचुअलिटी को जो है मोनीटर भी करना है उसकी भी रिपोर्ट्स देनी है कि आपको उसके कैमराज की एक्सेस और वो चीज़ें भी चाहिए या आपको उसकी हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी तमाम की तमाम चीज़ें भी चाहिए तो यू कैन नेम इट कि आपको क्या चाहिए जो कि शायद पाकिस्तान में अभी कोई भी स्टाफ भीकूमेंटेशन कंपनी नहीं दे, 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 दे रही और ट्रेडिशनली है कि एक बंदा पकड़ा के दे दिया तो हमारे पास तो वी हैव द फाइव इंकबेटर्स हम कहते हैं जी उधर बिठा लें उधर बिठा लें ठीक है और हम ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों को उसको उस प्राइस को उस तरीके से ऐड करके नहीं देते तो कॉम्बिनेशन में वो चीज़ें बड़ी कम हो जाती हैं उनको अब अक्सर लोग कहते हैं उनको कहते हैं कि हम तो एज अ वी हैं एक बंदे ने हमें हायर किया हुआ है हमारी क्या ग्रोथ होगी हमारी क्या लर्निंग होगी या हमारे तो ये और उसके लिए भी मुश्किल है कि वो उसको मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ फैसिलिटी या ग्रेजुटी या कुछ दुण ऐसी दुण चीज़ें जो हैं वो दे सकें अंदर ग्रोथ के लिए और शायद उसका प्लान हो कि जी मैं एक से स्टार्ट करूँगा फिर दो होंगे फिर चार होंगे छः होंगे लेकिन पहले के ऊपर ही जाके उसके वो चैलेंजेस हो जाते हैं कि वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं हायर कर पाता तो हम उसको फैसिलिटेट करते हैं कि जी हम आपके ब्याह पर उसको हायर कर लेते हैं और आप सर्विसेज लें आपको इंडिविजुल चाहिए वो चाहिए या लोग चाहते हैं कि चलें आप ये सारी मैनेज सर्विसेज़ आप हमें करके देते हैं हम कहेंगे ठीक है हम लोग करके कर दे देते हैं तो एक जो स्किल वाइज का हमारा जो पोर्टफोलियो है इट इज़ इन प्लेस वो बड़ी एक्टिवली जा रहा है एंड हम बहुत से लोगों को स्टाफ ऑर्गमेंटेशन के जरिए भी वो रिप्लाई कर चुके हैं और साथ ही साथ हमारा यूके में भी यूएस में भी और हमारे पास साथ ही साथ जो मैनेज सर्विसेज है वो भी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है सो मैनेज सर्विस में द ब्यूटी ऑफ आवर मैनेज सर्विसेज क्या हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं वो हमारी उन मैनेज सर्विसेज के लीड्स हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द रजी तो रजी इज़ द हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ़ आवर मैनेज सर्विसिज़ एंड ही इज़ ऑल्सो डिवेलपिंग द कैपेसटीज़ ऑफ द पीपल इधर दे आर द इंक्यूबेटीज और डिप्लोमा ट्रैक स्टूडेंट्स ऑफ द जनरल कम्यूनिटी तो हमारे पास ट्रेनर्स वही हैं जो कि हमारे मैनेज सर्विसज़ को लीड कर रहे हैं तो so, और तो उस साइड से हमारे पास पोर्टफोलियो बन रहा है अच्छा और वो वाला काम अब जो है वो एको सिस्टम के ज़रिए क्योंकि हो रहा है तो उसमें जो सेंट्रल पिविटल पॉइंट है वो इंक्यूबेशन है तो इनक्यूबेटीज़ जो हैं वो जैसे जैसे उनकी रेडीनेस होती है तो हमारी क्योंकि मैनेज सर्विसेज की टीम्स बढ़ती जा रही हैं तो जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं तो देर इज़ मोर चांसेस इन द फ्यूचर फॉर आर इनको टू गेट एम्प्लॉयड इन दीज कंपनीज सो एक है हर बंदा शायद एजेंसी नहीं बना सकता या पहले स्टेज पर नहीं बना सकता या वो सक्सेसफुल जो है नहीं हो सकता तो उसको जॉब्स चाहिए होती हैं या वो वी बना जाता है तो अब उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज्यादा हैं तो पहले हम इनकोपेशन को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे थे लेकिन आगे आने वाले टाइम में दे आर दी नर्सरीज़ एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स ठीक है ना फॉर आर मैनेज सर्विसेज डिपार्टमेंट जहाँ हमने अपनी टीम्स को एक्सपेंड करना है तो जो बेस्ट रिसोर्स है दैट वी विल पिक फ्रॉम आर जो इंक्यूपेशन है उसके बाद एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ और मुझे लोगों से मिलता हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि विल डू सम फॉर डैट डैट वॉज दी ट्रस्ट फैक्टर हमारी एथिक्स का हमारी इंटैग्रिटी का और दूसरे चैलेंजेस है सो so उसके लिए वट वी हैव वर्क फॉर एंड अगेन मैंने Uh, after Eid, uh, I went to. Although it was a HOI meeting, I, think I went to Islamabad just for the demonstration from the IT team. Okay, बताएँगे cap progress and beta version has been ready. Uh, was ready uh, on that. That is uh, uh, skill answer. Amara and skill Lancer is like fiber and upper cover freelancer of Pakistan. So Mashallah. we have developed a platform for Pakistani community and the Pakistani diaspora. सो so, अगर वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो समाइम्स होता है कि फाइबर की कॉस्ट बड़ी होती है दे हैव अ चॉइस उन्होंने किस पोर्टफोलियो को दिखाना है नहीं दिखाना वी आर वेलकमिंग बोथ ऑफ द पार्टीज़ जिनको सर्विसेज चाहिए और जो सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं कि वो आएँ वो साइन अप करें वो इंटरेक्ट करें वो और पिच करें अपने अपने आइडियाज़ को और उनको जहाँ भी लग रहा है वो दें उसमें एज अ मॉडरेटर के तौर पर हम लोग एज़ अ फैसिलिटेटर के तौर पर मौजूद हैं तो हम उसकी क्वालिटी के बेसिस पे रेटिंग भी कर रहे होंगे लेकिन अभी ये पता चल जाएगा कि इसने पहले कितने कितने लोगों को सर्व किया हुआ और वो सही है या नहीं है या उसकी क्या क्वालिटी है क्या एथेंटिसिटी है और एटलीस्ट एज अ मॉडरेटर अगर एक बंदे को ये डर होता है कि या वो पैसे ले लेंगे तो सर्विस पूरी नहीं करेगा तो उसमें जैसे फाइवर पर होता है तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से एक फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग मॉडरेट करके दोनों को कर लेते हैं इन केस अगर वहाँ तेजें पड़ती हैं एक एग्रीमेंट के तहत तो वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर वाला जो प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं हमने सॉल्व कर दिया है बेस्ड अपॉन डैट जो हमारे जो ये स्किल आंसर का जो प्लेटफॉर्म है उससे उसके अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डेवलप की हैं और वो आगे आने वाले टाइम के अंदर हम लोग उसको जो है वो डिस्क्लोज वगैरह करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि वो डैट वॉज अ की पॉइंट जहाँ जो जो सबसे बड़ा मुझे थ्रेट और चैलेंज नजर आता था और जितने भी मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मीडिया पे जाके क्या तो मुझे लगता था दैट बिगेस्ट थ्रेट फॉर पाकिस्तान इज़ आर वैल्यू सिस्टम आर इंटेग्रिटी क्या जो एथिक्स हैं क्या वो वो क्योंकि ठीक नहीं है इस वजह से अगर लोगों का ट्रस्ट हम पे ख़त्म हो गया एज पाकिस्तानी तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और उस चीज़ को कोप करने के लिए जो है डेट्स देर देन वी हैव स्किल फाउंडेशन मुझे लग, uh, अभी भी रिसेंटली मेरे बहुत से दोस्त आए हुए थे और भी आ, तो उन्होंने भी मुझे जो एडवाइस किया एंड डैट वॉज द पार्ट ऑफ द प्लान और मैंने खुद जैसे मैंने आपको बताया पहले पॉडकास्ट में कि आई हैड अ लाइफ डेवलपमेंट फाउंडेशन सिंस टू थाउजेंड तो आई हैव बीन इन डेवलपमेंट सेक्टर और फिर मेरी क्वालिफिकेशन भी सी में है सो so, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्योंकि जो राइट right कंट्रीब्यूशन है फॉर पाकिस्तानीज़ वो ये है कि हम एक पाकिस्तानी बच्चे को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं इकनॉमिकली एम्पावर्ड करें कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सो राधर दें कि हम लोगों को शादी ब्याह पे पैसे दें या रमजान में खाने खिलाएं और ऑन तो हम जो फ़िशिंग है वो सिखाएं ताकि फॉर रेस्ट ऑफ़ लाइफ वो अपने और अपनी फैमिली का पेट पाल सके और वो इंटरनेशनल कम्पीट भी कर सके और फॉरन रेमटेंसिस भी लेके आए पाकिस्तानी उसको ये गलत चीज़ सिखाना या बताना थोड़ा सा मुश्किल है मे बी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मुश्किल है आ, लेकिन जो हमारे पास डाइसपुरा है उसको ये चीज़ समझ आती है और वो राइटली उधर इन्वेस्ट जो है वो करना भी चाहता है तो वी हैव है एस्टेब्लिश स्किल फाउंडेशन जिसकी बेसिस पे जो हमारे पास इंटरनेशनली पाकिस्तानी डाइसपुरा है आ, उनको हम मैप करवाएंगे विद दी पाकिस्तानी पोटेंशियल फ्री लास्ड ऑन्टरप्रनोर्स या ऐसे बच्चे जिनको हम पहले एक फ़िल्टर के ज़रिए गुजारेंगे और टेस्ट करेंगे कि वो लोग ना में पोटेंशल है कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते और फिर हम उन उनके मैचिंग ग्रांट के ज़रिए हम उन उनको डायसपुरा के साथ कनेक्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग टू स्पॉन्सर दैम और अगर वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते ठीक तो अल्टरनेटिवली हम उनको बताएंगे कि हमने फिर या तो उसके ऊपर फर्दर हम इन्वेस्ट करेंगे या फिर अल्टरनेटिवली कोई ना कोई बंदा इन्वेस्ट करेंगे टू इंश्योर कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं हुई तो वी विल टेक इट एज अ पेनल्टी कह लें उसको पनिशमेंट कह लें एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें ताकि एट लीस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि उसकी एक एक जो पैनी है जो जहाँ इन्वेस्ट हुई है तो वो राइट परपज़ के लिए जो है वो इन्वेस्ट हुई है सो उसके ऊपर जो एंड डेट्स माय कोर तो मैं दस साल जो है वो इसी डोमेन में और एरिया में काम किया तो द स्किल फाउंडेशन इज़ एन अदर एरिया सो अगर मैं उसको कहूँ तो इट इज़ स्किल एक्सलरेटर दैन इट्स

तो एक्चुअली लेकिन पोर्टफोलियोज़ के हवाले से देखें तो स्टाफ ऑर्गमेंटेशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन एंड मैनेज सर्विस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन बट बोथ कलेक्टिवली आर इन द स्किल वाइज तो एक्चुअली दीज आर द एट डिफरेंट डोमेन्स जो कि और इनिशियटिवस कह लें जो कि सामल्टेनियसली चल रहे हैं दो सो एक्चुअली स्किल रेटर इज़ अको सिस्टम रादर दैन जस्ट एन इंकुबेटर लेकिन उसका जो पिविटल पॉइंट है जो कोर है डैट इज़ एन इंकुबेशन और उस इंकूबेशन के अराउंड ये पूरा का पूरा जो मॉडल है वो जो है वो डिज़ाइन हुआ है तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक्सीलेंस के साथ जो है और एथिक्स के साथ जो है वो स्केल और इम्पेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाए तो पाकिस्तान को जो है वो ग्लोबल बैक ऑफिस हब भी बनाया जाए और यहाँ से बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो क्रिएट की जाएँ और पाकिस्तानी डाइसपुरा का वो जो ट्रस्ट एफेसट है उसको रीबिल्ड किया जाए और उसको सिर्फ बातों से ना बिल्ड किया जाए बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो बिल्ड किया जाए और जहाँ आके वो दोबारा पे ट्रस्ट करना शुरू करें और हम एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट का जो है वो करें सो दिस इज़ दी एरिया जहाँ हम ई e कामर्स की बात करें सो so, इनिशियेटिव यही हैं इनिशियेटिव आर नॉट डिफरेंट लेकिन आफ्टर सिक्स मंथ वी आर पेनिट्रेटिंग इन टू आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केट सो ई कॉमर्स में तो आ गया मतलब छलांग मारनी पड़ी या वो सिचुएशनली आ गया एंड डेट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लान बट एक्चुअली फोर ईयर्स बैक आई वॉज वर्किंग विद साहब ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वी हैड अ प्लान कि हमने उसको जो है वो लेके जाना है तो वो सचुएशनली ऐसा हुआ कि देन उधर डिले आ गया बट डेट वॉज आर कोर डैट इज़ स्टिल देयर एंड वेरी क्लोज़ टू आर हार्ट जहाँ हम ए आई में जो है मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग में डाटा uh, साइंस में डाटा इंजीनियरिंग में ब्लॉक uh, चेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है ना इन एरियाज़ के अंदर जो हैं वो एग्रेसिवली जो हैं वो uh, जाना चाह रहे हैं उसकी पैक एंड पे प्रिपरेशन वो चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हैं लेकिन आफ्टर सिक्स मंथ हम एग्रेसिवली वंस ये थोड़ी सी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना फिर उसके ऊपर एग्रेसिवली जो है लेके चले जाएंगे तो इनिशियटि विल बी देयर लेकिन इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ द ई कामर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ सो हमारा जो कोर है वो थ्री ईज के ऊपर है ऑनटरप्रीनोरशिप uh, और ई आंटरप्रीनरशिप ई कामर्स एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजीज़ तो इसमें आप तकरीबन मेरे ख्याल से सारी तकरीबन जितनी भी स्किल्स अभी तक अवेलेबल है वो सभी इसमें आ जाएंगी आई uh, थिंक पहले तो सिर्फ ई कॉमर्स में हम थे ई कॉमर्स था फ्री लांसिंग था दैन आप एड भी क्या उसमें हाँ, बिल्कुल, भी। बिल्कुल आ, आई टी की जो हमारे पास जो मेन इमर्जिंग फील्ड्स हैं वो तमाम तो के तमाम इसमें कमरेट होंगे और फिर उसके भी आप एक्सपर्ट हायर करके फिर उधर दर exactly. ट्रेनिंग प्रोसेस और बिकॉज वी वी हैव एन एक्सपर्टीज ऑन द द इकोसिस्टम सो विल रेप्लिकेट सेम मॉडल इन इमर्जिंग टीज बहुत अच्छा लगा सुन के बड़ा मज़ा आया और मैं कह रहा हूँ कि छः महीने का टाइम ना लें इसको जल्द से जल्द कर दें नहीं तो मैं, मैं शायद साल का ले लूँ डेढ़ साल का ले लूँ लेकिन जब करेंगे तो साल अच्छा करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप संभल के करें क्योंकि समटाइम्स ना वो चीज़ों का सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और एंड वी कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सो रादर दैन हैविंग द बेस्ट वर्ड्स मुझे लगता है कि बेशक uh, ना हम बच्चों को कहते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो हनीमून पीरियड के लिए जाते हैं कुछ को आग uh. लगी होती है और so, सो अगर हमें ही जल्दी लगी हुई होगी तो बात uh, नहीं है तो देखें वो हर चीज़ टाइम लेती है समटाइम्स आप प्लान करते हैं कुछ चीज़ें प्लान के मुताबिक होती हैं कुछ नहीं होती लेकिन दे आर ऑल अ क्यू एंड द गुड थिंग इज़ डेट साइमल्टेनियसली इन तमाम इनिशिएटिव्स के ऊपर डेडिकेटेड सेपरेट टीम्स आर वर्किंग एक होता है कि एक ही टीम है उसको कहेंगे पहले एक करें एक करें बिकॉज दे आर द डिफरेंट नेशन स्पेशलिटीज़ तो वी हैव वेरी डेडिकेटेड टीम्स वो आर वर्किंग इन ऑल दोर्टफोलियोज एंड आर डेडिकेटेड सेपरेट टीम्स सो इस वजह से मुझे लगता है कि ग्रेजुअट परप्यूचुअली द थिंग्स विल इवॉल्व लेकिन अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो मेरा ये है कि मैं पहले एक इनिशियेटिव को फिर दूसरे को फिर तीसरे को स्टेज बाई स्टेज थोड़ा सा स्टेबल करके एंड आई विल मूव ऑन राधा दिन के मैं तमाम को टच करता जाऊँ चीज़ों को करता no, uh, so, जाऊँ जिसमे जो है अभी तक चल रही हैं see, आगे hey, क्या बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया आपसे बात करके इन दी एंड बहुत खुश भी हूँ कि अब अगर मुझे मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर को मैसेज देना चाहें जाते वक्त It, तो uh, likewise, uh, बहुत पहले uh, तो आपका शुक्रिया सर क्या बड़ा लंबा टाइम ड्यूरेशन ले रही आज जी वो नो इश्यूज यू आर माय फ्रेंड यू हैड बीन एन इनक्यूबेटी बेटी यू ऑनर इनक्यूबेटर एज वेल एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब और आज मैंने जब यहाँ आके देखा आपका काम और आपने पहली दफ़ा बहुत सी चीज़ों को जो है वो डिस्क्लोज़ किया सो वी एज रेटर आर सो प्राउड ऑफ यू माशा डेट यू आर डूंगे वंडरफुल जॉब और मुझे लगता है कि जो आप uh, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसको जितना रेलिवेंट टू द ऑडियंस बना रहे हैं और जनरल डिस्कशन की जगह हर बंदों को जिनको भी आप ला रहे हैं उनको कोर और सब्जेक्ट के हवाले से बन रहे हैं तो मैंने बहुत कम ऐसी पॉडकास्ट देखे हैं जिसमें अपना स्पेशलाइज फोकसड डिस्कशंस वगैरह करते हैं uh, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत रेलिवेंट होती हैं क्योंकि जनरल okay. डिस्कशंस तो, तो मतलब जनरल इशूज़ के ऊपर ओपीनियंस तो आपको बहुत आराम से मिल, तो मिल जाती हैं है। और वो वायरल भी जल्दी हो जाती हैं बिकॉज वो टॉक ऑफ द टाउन होती हैं सबको चाहिए हाँ सबको हो। चाहिए होती हैं लेकिन ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे लगता है आ, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को राइट right सब्सटेंस मिल रहा हो तो हो सकता है कि उसमें से कोई एक बात उनकी लाइफ की जो डायरेक्शन है, है उसको चेंज कर ले और उनकी सक्सेस के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे तो यू आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का सर और बहुत मजा आया आपसे बात करके Thanks a lot to you all. Allah Hafiz. Allah Hafiz.